चले हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू किडोज आई एस अकेडमी फ्रेंड्स आज की जो क्लास होगी उसमें संपूर्ण रीजनिंग कराई जाएगी और आपको लगभग चार से पाँच घंटे नहीं तो छः घंटे भी हो सकते हैं आप सभी लोग शिद्दत के साथ बैठे रहिएगा और जो जितने भी क्वेश्चन आपके आर ओ या पी में आएंगे वो सब आज की रीजनिंग की क्लास में रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब आज की ही क्लास में खत्म हो जाएंगे थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर आपके बचेंगे तो वो एक क्लास हम और एक या दो घंटे ले के लेके आ जाएंगे तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी टॉपिक आज कराया जाए कराया जाएगा देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है जो आज हमने लिया हुआ है उसमें से क्या क्या होंगे फ्रेंड्स कैलेंडर पासा घड़ी दिशा संबंधी परीक्षण तार्किक वे बैठक व्यवस्था वरीयता के आधार पर प्रश्न और श्रेणी जो सीरीज हर बार आता है और चित्र पर आधारित तर्क शक्ति दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब छूटा हुआ पद या आब्यूह और अंक गणितीय तर्क शक्ति तो इतने क्लासेस फ्रेंड्स आप सभी लोगों का एक बार कमेंट में ले लेता हूं सबको गुड इवनिंग जितने लोग फ्रेंड्स जुड़ गए हैं सबको गुड इवनिंग और आज की क्लास फ्रेंड्स आपको पता है आर ओ ए आर में लगभग पंद्रह से सोलह क्वेश्चन आता है और पीसीएस में सीसेट का एक अलग से पेपर होता है तो उन दोनों के लिए जो आज की क्लास है जो आप पेड कोर्स खरीद कर आप पढ़ते हो वो चीज़ आज यहाँ पे पाँच से छः घंटे में एकदम बढ़िया हो जाएगा और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी थैंक यू इंडिया जी चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं जितने भी लोग जुड़ गए हैं चलिए चलिए इस कैलेंडर से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अब देखिए फ्रेंड्स इसको शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि क्या है कैसे इसके बारे में समझेंगे तो ये विजिबल है हाँ ये ठीक है वाइट कलर ठीक है, है तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपको पता है जो कैलेंडर है यानी वर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ष के बारे में आप याद रखिएगा यहां पर एक होता है सामान्य वर्ष क्या होता है फ्रेंड्स सामान्य वर्ष होता है और एक आपका वर्ष होता है लीप वर्ष क्या होता है लीप वर्ष होता है सामान्य वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो तीन दिन होते हैं वहीं आपका अगर बात किया जाए लीप वर्ष की तो तीन दिन होते हैं यह एक दिन जो बढ़ता है आपको पता है कि जिस फरवरी जो फरवरी आपकी 28 के बजाय 29 का रहता है वो आपका लीप वर्ष कहा जाता है तो आप याद रखिएगा हर चार साल बाद एक साल जो होता है वो लीप वर्ष होता है तो अब आप समझिए ये जो तीन दिन आता है इसमें बावन सप्ताह बावन सप्ताह तथा एक ऑड डे तथा एक ऑड डे आता है एक विषम दिन बस समझते जाना एक एक करके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा कई बार क्वेश्चन आते हैं और कैलेंडर के क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाते हैं लेकिन आज जब आज क्लास करके आप जाएंगे तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सभी लोगों से टैकल होगा और एक भी गलती नहीं होगी कैलेंडर के क्लास से तो आगे देखिए यहाँ तीन दिन है तो यहाँ भी बावन सप्ताह टोटल बनते हैं बावन सप्ताह टोटल बनते हैं और दो ऑड डे होता है और दो ऑड डे या विषम दिन बीसम दिन दोस्त हम उन्हें कहेंगे जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं आप लोग याद रखिएगा दो अपना सप्ताह पूरा नहीं बना पाते हैं अब ये बावन सप्ताह एक दिन आया कहाँ से तो ये भी मैं आपको बता दूं आपको पता है तीन सौ पैंसठ दिन ये जो है आपको पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं सात दिन होते हैं सबको प्रणाम राधे राधे सबको जितने लोग हो फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोग बैठिए आप जिनका जिनका भी मैथ तो यहां मैं नहीं करा रहा हूं रीजनिंग जिनका भी कमजोर है जिनको लगता है कि दिक्कत होती है आप लोग बस अच्छे से लगिए रहिएगा रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे आरो, ए आरो में तो गलत नहीं होगा ठीक है तो आप देखिए दिन को अगर हम सात भागों में बांटा जाए यानी हर वीक में सात दिन होते हैं तो बावन सप्ताह कहां से आया तो ये सात से भाग दिया जाएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना सप्ताह होता है तो सात से जब आप भाग दोगे तो सात पचे पैंतीस और एक बचा और यहाँ पांच तो देखिए सात दूनी चौदह तो देखिए एक रिमेंबर बचा रिमेंडर एक बचा यानी शेष फल एक बचा इसका मतलब एक दिन ऐसा है जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहा है और बावन सप्ताह ऐसे हैं जो पूरे के पूरे अपने सप्ताह बना ले रहे हैं ठीक है तो आगे देखिए यहां पे तो यही एक दिन जो एक्स्ट्रा आया आपका ये आपका विषम दिन हुआ जो सप्ताह पूरा नहीं करा पा रहे हैं और अगर आपसे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं तो आप बोलिएगा सामान्य वर्ष की बात होगी तो तीन दिन में बावन सप्ताह होंगे और एक ऑर्डर डे होगा जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाता है वहीं अगर लीप यर्स की बात हो होगी फ्रेंड्स तब आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर तीन दिन होते हैं तीन दिनों में बावन सप्ताह और दो ऑड डे होते हैं इतना आप लोग समझ लीजिएगा अब हम एक और नेक्स्ट पेज लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ और चीज़ें बताते हैं आप कैसे जानेंगे कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है तो लीप वर्ष जानने का तरीका यह है लास्ट के टू डिजिट को यानी अंतिम दो डिजिट अंतिम टू डिजिट अंतिम टू डिजिट यदि चार से डिवाइड हो रहा है यदि चार से चार से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो वर्ष क्या होगा दोस्त लीप वर्ष होगा याद रखिएगा यदि चार से पूरा भाग जा रहा है पूरा भाग जा रहा है तो वह वर्ष क्या होगा तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा ठीक है अब जैसे मैं आपको एक साल लिखूं अभी आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूं जब क्वेश्चन पे आऊंगा जब क्वेश्चन पे आऊंगा तब आपको धीरे धीरे समझाऊंगा और एक भी क्वेश्चन आप सब लोग यही आंसर दे के जाओगे अच्छे तरीके से बस आप आधे घंटे तक बने रहो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैलेंडर में कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है अब देखिए जैसे मैंने लिख दिया एक साल लिख दिया आपसे पूछूं एटीन 1864 आपसे मैंने लिख दिया 1864 आप बताइए कि यह वर्ष लीप वर्ष होगा या नहीं होगा तो आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है केवल और केवल लास्ट के मैंने लिखा ना अंतिम दो डिजिट अंतिम टू डिजिट को चार से डिवाइड करना है चार से ही क्यों डिवाइड करना है अगर आपसे कोई पूछे आप चार से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो तो आपको पता है हर चार साल पे लीप वर्ष होता है इस वजह से हम चार से डिवाइड कर रहे हैं जब चार से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए चार इकन्नम चार कितना बचा यहां पे दो बचा ये हो गया चौबीस चार छंग चौबीस पूरा का पूरा भाग जा रहा है इसका मतलब एटीन जो साल है वो एक लीप वर्ष है तो लीप वर्ष जो होगा उसकी फरवरी कितने की होगी उनतीस की होगी ठीक है तो अब हम आगे चलते फ्रेंड्स अब इसी में अब ये चीजें बता दिया अब हम इसको बताते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को जो टॉपिक है हमारा देखिए अब जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें एक एक लाइन में आप लोग देख लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं नोट्स आप लोगों को जानबूझ के ये दिया गया है जिससे जब आप लोग रिवीजन कीजिए तो यहां से रिवीजन कर लीजिए और आपका काम खत्म हो जाए बहुत चीजें मैं बोल रहा हूं हो सकता है वो चीजें आप ना समझ पाए ना लिख पाए इस वजह से ये लिखा भी हुआ है तो अब एक एक पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स सात दिन होते हैं साधारण वर्ष तीन सौ पैंसठ दिन का होता है जबकि लीप वर्ष आपको पता है कितने दिन का होता है तीन सौ छाछ दिन का होता है देखिए एक साधारण वर्ष में बावन सप्ताह और एक दिन होता है जो मैंने आपको बता दिया है वही अगर आपसे बात किया जाए लीप वर्ष में तो बावन सप्ताह और दो दिन होते हैं तो ध्यान रखिएगा इतनी चीजें मैंने आपसे बात कर ली है एक साधारण वर्ष में प्रथम व अंतिम दिन का वार एक समान होता है इस लाइन का क्या मतलब मतलब है वो लाइन का मतलब मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहता हूं और जो आपके लिए फायदा भी करेगा जैसे आपसे कहा जाए एक जनवरी इसको हम व्हाइट ले लेते हैं जैसे आपसे कहा जाए एक जनवरी 2003 को मंगलवार था ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा एक जनवरी 2003 को मंगलवार था अगर आपसे बात करा जाए 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा तो आप याद रखिएगा हमेशा जो सामान्य वर्ष होता है तो फ्रेंड्स एक बार सभी लोगों को मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं जो करंट अफेयर की सुपर डोज है जो जो पे कर चुके हैं पैसा वो पीडीएफ पे जाइए उनको सबसे पहले तो उनको पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जा, जा रहा है और आपको कल बुक जो है डिस्पैच हो जाएगी सर ने बताया है कल बुज बुक डिस्पैच हो जाएगी आप सभी के यहाँ एक से दो दिन में जो पास में है उनके यहाँ मंडे तक और जो थोड़ा दूर है मंडे या अगले दिन ट्यूज़डे को पहुँच जाएगी सबको और आप लोगों की सुविधा के लिए पीडीएफ फॉर्म में जो टैब है उसमें आप जाइएगा जो जो परचेज किए हुए हैं चाहे बुक ही परचेज किए हैं आपको करंट अफेयर की तो वो आपको पीडीएफ में भी एक दो दिन के लिए आपको मिला रहेगा वो आपका रहेगा तो वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई है ठीक है चलिए अब यहां पे आपसे पूछा तो आप ध्यान रखिएगा एक जनवरी 2003 और किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन जो होगा और उसका अंतिम दिन जो होगा वो हमेशा समान होगा याद रखिएगा अगर मैं आपसे पूछूं जनवरी 2003 को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा वार होगा तो उस दिन भी मंगलवार होगा अगर आपसे कहा जाए एक जनवरी दो को बुधवार है तो इकतीस दिसंबर दो को कौन सा वार होगा तो उस दिन भी बुधवार होगा अगर मैं आपसे एक लाइन में बोलूं तो आप हमेशा याद रखिएगा जिस मही जिस जिस साल की शुरुआत पहले दिन से होती है वो दिन जो रहता है वही दिन उस साल का अंतिम दिन भी होता है जैसे मैंने आपको बताया अगर 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो इसी दिन 31 दिसंबर को भी क्या होगा मंगलवार होगा सब लोग समझ गए अब हम आगे चलते हैं इसी से इसी में हम आगे चलते हैं इस दिन भी क्या होगा मंगलवार होगा समझते जाइएगा अब ये आप समझ गए अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स उसके देखिए अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा उसको भी ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए एक साधारण वर्ष से अगले में जाने के लिए दिन आगे जाना होता है जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए दिन पीछे आना होता है इसका क्या मतलब हुआ अभी जो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैंने बताया एक लाइन कि जिस जो साल आपका चल रहा है यानी एक जनवरी और इकतीस दिसंबर का दिन हमेशा समान होगा लेकिन अब जैसे आपने 2003 हमने बताया एक जनवरी 2003 को हमने बताया मंगलवार है अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता दो जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर 2003 को भी मंगलवार ही है तो 31 दिसंबर के बाद कौन सा दिन आता है आपको पता है नया साल होता है तो एक जनवरी दो को भी क्या हो जाएगा मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा बुधवार आएगा तो आप सभी लोग याद रखिएगा एक साल से जब दूसरे साल में जाते हैं तो लगातार दिन होते हैं एक जनवरी 2003 को यदि मंगलवार है तो एक जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा बुधवार होगा ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं एक जनवरी 2005 को यदि शुक्रवार है तो एक जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आएगा शनिवार आएगा तो आप इनको ध्यान रखिएगा जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है आपका यहां आपसे पूछा गया है यदि पंद्रह सितंबर दो को रविवार हो तो पंद्रह सितंबर 2003 को कौन सा वार होगा अब आप देखिए यहां पे आप सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए अभी जो मैंने समझाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहां पूछा है यदि पंद्रह सितंबर 2002 को रविवार हो तो पंद्रह सितंबर 2003 को कौन सा वार था तो आप हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है भगत सिंह पीडीएफ आप उसमें टैप पे जाइए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा बाकी एक बार आप इंक्वायरी ऑफिस से बात कर लेंगे तो पता चल जाएगा ठीक है चलिए अब यहां पे आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए चलिए मैं बताता हूँ मंडे होगा आंसर आ रहा है मंडे होगा सोमवार बिल्कुल देखिए यहाँ पे यहां 15 सितंबर 2002 को रविवार कहा है तो आपको पता है हम अगले साल गए हैं अगले में गए हैं तो रविवार के बाद कौन सा दिन होगा दोस्त 15 सितंबर 2003 को तो सोमवार तो अब देखिए डेट वही है सेम डेट है तो डेट जब सेम है अगले साल में पूछा है तो लगातार दिन होगा तो रविवार के बाद कौन सा दिन होगा सोमवार होगा तो बहुत बढ़िया आप सभी लोगों ने या आगे चलते हैं एक क्वेश्चन और यहां पे किया गया है यदि 11 सितंबर 2002 को सोमवार हो तो 11 सितंबर 2001 को कौन सा वार होगा जल्दी से बताइए इसका आंसर यदि 11 सितंबर 2002 को सोमवार हो तो 11 सितंबर 2001 को कौन सा वार था यानी एक साल पहले गया है तो आप घटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे सोमवार है तो जब एक साल पहले उसी डेट में जाओगे तो सोमवार के पहले कौन सा वार आता है रविवार आता है तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्त रविवार होगा तो ध्यान दीजिएगा रविवार ठीक है तो भूलिएगा नहीं आप लोग जो जो चीजें एक एक पे हम आगे चलते हैं एक एक पे आगे बढ़ते रहेंगे अब देखिए जो सामान्य वर्ष का कंटिन्यू डेट था वो हमने कर लिया ठीक है अब हम आगे चलते हैं बहुत बढ़िया संडे अभी धीरे धीरे करेंगे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसके बाद डाइस जब कराएंगे तो धीरे धीरे तेजी से हम आगे बढ़ेंगे लेकिन कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता इस वजह से थोड़ा धीरे चलेंगे अब आगे हम चलते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष आपसे चाहे लीप वर्ष की बात करें चाहे अधिवर्ष की बात करें दोनों की बात एक है लीप वर्ष को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स अधिवर्ष तो यहां देखिए जिस वर्ष में चार का पूरा पूरा भाग लग जाता है वह लीप वर्ष कहलाता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है लास्ट की टू डिजिट को चार से डिवाइड करके देख लीजिए भाग करके देख लीजिए यदि पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वह लीप वर्ष होगा इसमें फरवरी का मास दिन का होता है यह भी मैंने आपको बता दिया है किसी भी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए दो दिन आगे जाना होता है जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए दो दिन पीछे जाना होता है सामान्य वर्ष में क्या था esta esta? <she1> <muutų> एक एक चीजें समझते जाना सामान्य वर्ष में क्या था एक दिन आगे जाता था लीप वर्ष में क्या है दो दिन आगे जाना पड़ेगा जैसे आपसे मैं बताऊं एक जनवरी एक जनवरी 2004 को सोमवार है आपको पता है लास्ट के टू डिजिट यानी जीरो फोर को फोर से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग लग जाता है इसका मतलब 2004 क्या है एक लीप वर्ष है जब ये लीप वर्ष है आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक जनवरी 2004 को बुधवार है तो एक जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा तो बृहस्पतिवार नहीं होगा बृहस्पतिवार के अगला जो वार होगा वो होगा यानी शुक्रवार होगा तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्त भूलिएगा नहीं देखो साल का का अंत देखिए आपको मैंने जैसे इंडिया जी आपसे मैंने एक चीज बोला कि कभी इतना ज्यादा लंबा आपको नहीं पूछता है यहां पे मंथ जिस मंथ का आपसे पूछेगा उस मंथ का तो आप निकाल ही लेंगे उस डेट से और एक मंथ का आगे बोलता है तो सात से मल्टीप्लाई कर लो मान लो जिस दिन का पूछा है तीस दिन का और हो गया उसके बाद सात चौके रखिए एक एक चीज क्लियर हो जाएगा आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए हो जाएगा काम देखिए यहां पर आ गया जो मैंने आपको बताया बस आपको ध्यान क्या रखना है लीप वर्ष में आपको दो दिन आगे जाना है अगर पिछले का पूछा जाता है तो दो दिन आपको पीछे जाना होगा ठीक है आगे चलते हैं उदाहरण देखिए यहाँ पे यदि 15 सितंबर 2000 को मंगलवार हो तो 15 सितंबर 2001 को क्या वार होगा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त यहां पे अब आपको एक क्लू और बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे और बताऊंगा आपको वो चीज भी आपको माइंड में याद करके रखना है समझ के रखना है यहां पे देखिए कि यदि 15 सितंबर 2000 को मंगलवार हो तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा वार होगा आप लोग पहले इसका आंसर बताइए मुझे पता है आप लोग गलती जरूर करोगे गलती इस क्वेश्चन में जरूर करोगे मैं आप लोगों को बताता हूं सब सब बढ़िया हैं एडिटर भैया भी, भी देख रहे होंगे वहां से बढ़िया है चलिए नहीं ऑल ईयर्स नहीं धनंजय जी धनंजय शुक्ला साक्या ऑल ईयर्स नहीं जो शताब्दी ईयर्स रहेगा उसको 400 से भाग देते हैं तो यह भी आगे आएगा जो शताब्दी वर्ष होता है शताब्दी वर्ष की पहचान है लास्ट का टू डिजिट जीरो जीरो हो तो उसको हम 400 से भाग देंगे अगर वो 400 से भाग जाएगा तब वो लीप वर्ष होगा हो नहीं तो नहीं तो याद रखिएगा अब यहां पे देखिए आप सब लोगों का आंसर क्या आ रहा है थर्सडे 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 सबका आंसर आ रहा है थर्सडे अब देखिए यहां पे यदि 15 सितंबर 2000 को मंगलवार हो तो 15 सितंबर 2001 को क्या वार होगा सबसे पहले हमने आप लोगों के हिसाब से हमने इसको देखा ये तो 2000 है अब यहाँ पे एक से दो क्लू मैं आपको बताऊंगा ये एक शताब्दी ईयर्स है शताब्दी ईयर्स को आप दोस्त कैसे पहचानोगे लास्ट के अगर टू डिजिट जीरो हैं जीरो जीरो हैं तो वो हमेशा शताब्दी वर्ष होगा और शताब्दी वर्ष वही वर्ष लिप वर्ष होता है जिसमें चार का पूरा पूरा भाग चला जाता है जैसे अगर हम इस 2000 को इस 2000 को 400 से भाग दें इस 400 से भाग दें अगर पूरा पूरा भाग लग जा रहा है तो ये क्या होगा एक लीप वर्ष होगा नहीं तो नहीं होगा यहाँ पे पूरा पूरा भाग लग जा रहा है इसका मतलब 2000 जो है वो एक शताब्दी ईयर्स होते हुए भी लीप ईयर्स है शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तो ठीक है इतना ध्यान रख लिया अब दूसरा जो आपको कॉन्सेंट्रेट पॉइंट पॉइंट करना है आप ये बताइए फरवरी में आपको बढ़ता है आपको पता है जो वर्ष लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी में बढ़ता है और आपसे फरवरी के बाद का पूछा है फरवरी के बाद का पूछा है आप बताइए क्या इसमें फरवरी का ऐड है अगर फरवरी के पहले का पूछता उसके बाद यहाँ ये यह पूछता तब तो हम दो दिन आगे बढ़ाते लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्त यहाँ पे तो पंद्रह सितंबर से लिया है ना अगर जनवरी से लेता तब तो हम दो दिन बढ़ाते अब यह भी तो सामान्य वर्ष की तरह काम करेगा क्योंकि फरवरी के पहले का नहीं है फरवरी के बाद का लिया गया है तो सेम क्या हो जाएगा अगर यहाँ मंगलवार है तो कौन सा वार हो जाएगा दोस्त बुधवार हो जाएगा इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया था अगर इंक्लूड नहीं है फरवरी इसका मतलब उनतीस फरवरी के पहले का अगर कोई डेट यहाँ पर दिया होता तब हम दो दिन आगे बढ़ाते एक जनवरी दो जनवरी तीन जनवरी से लेकर इकतीस जनवरी तक और फरवरी में भी 28 फरवरी तक अगर डेट यहां पे दिया होता तब हम दो दिन बढ़ाते लेकिन यहां तो इसने तो सितंबर से पूछ लिया है तो वो डेट शामिल नहीं है दोस्त इसमें इसका मतलब केवल और केवल एक दिन आगे बढ़ेगा दो दिन नहीं तो ऐसी छोटी छोटी जो गलतियां हैं आप लोग नहीं कीजिएगा ठीक चलिए अब इतना मुझे लगता है आप लोग इतना जरूर समझ गए होंगे उसी प्रकार से देखिए ये भी इसमें भी फरवरी नहीं दिया गया है आपको पता है 2004 जो है वो लीप वर्ष है और उस दिन क्या है रविवार है आपसे पूछा है पंद्रह अप्रैल 2003 को क्या वार था तो आप लोग से मैंने पहले ही बताया था कि लीप वर्ष रहेगा तो दो दिन पीछे जाना है या दो दिन आगे जाना है सामान्य वर्ष रहेगा तो एक दिन आगे जाना है या एक दिन पीछे आना है लेकिन यहाँ पे आपको इसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्त कि ये फरवरी की बात से पहले है या फरवरी के बाद की डेट है उनतीस फरवरी के बाद की डेट अगर आएगी तो वो भी सामान्य वर्ष की तरह ही काउंट होगा तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब देखिए ये पंद्रह अप्रैल है दो हज़ार तीन अब देखिए ये बैक में आया हुआ है अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये किस में आया है बैक में आया है तो यहाँ पे आपको दो दिन घटाना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जब घटाओगे तो फरवरी उसमें इंक्लूड हो होगा तो इसका मतलब रविवार के रविवार के पहले शनिवार होगा शनिवार के पहले क्या होगा शुक्रवार तो आंसर आप लोग जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसका क्या होगा जल्दी से आप लो आप लोग लोग बताइए बताइए आंसर और नीचे वाले का आंसर करके आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आप लोग करके बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री शुक्रवार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या गया ये तो हमने आपको बता ही दिया था शुक्रवार अब अगला क्या होगा दोस्त अगला आंसर क्या होगा आप लोग बताइए ये तो हो गया यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार है तो 15 जनवरी 2003 को क्या वार होगा आपसे पूछा है यहाँ जनवरी दिया है और जनवरी के पहले ही आना है तब कौन सा वार होगा आप लोग बताइए शनिवार जिसका जिसका लास्ट का आंसर शनिवार आ रहा है उनका उनका सही है कैसे अब देखिए दोस्त यहाँ एक अलग टाइप का आ गया पंद्रह जनवरी तो अब बताइए पंद्रह जनवरी से जब बैक आप आओगे तो पंद्रह जनवरी तक ये जो लीप ईयर्स है क्या इसमें लीप ईयर्स अभी इंक्लूड हुआ है अभी नहीं हुआ है उनतीस जनवरी उनतीस फरवरी जब आएगा तब इंक्लूड होगा तो जब इसके पहले ही पूछ लिया गया है और इसके पहले ही जाना है तो यहाँ पर इंक्लूड होगा नहीं इसलिए एक दिन ही पीछे जाएगा तो इस आंसर क्या होगा फ्रेंड्स शनिवार होगा आप लोग जब एक बार अभी मैं जो पढ़ा दे रहा हूं एक बार जब ध्यान से सुनेंगे दोबारा इसको देखेंगे तो अपने आप कंफर्म हो जाएगा ठीक है अब हम आगे चलते हैं दोस्त अब देखिए यदि 18 मार्च 2000 को बुधवार हो तो 18 मार्च 2001 को क्या वार होगा तो यहां पे भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है मार्च से अगले मार्च का पूछा गया है तो आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर चार का बहुत आसानी से बता सकते हैं जल्दी से बताइए यहाँ पे भी देखिए सेम वही चीज़ है दोस्त यहाँ पे देखिए बाद का पूछा है 2000 से 2001 में जाना है फरवरी पहले ही निकल चुकी है तो बुधवार के बाद क्या आता है बृहस्पतिवार आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार अब देखिए जो मैंने आपको लीप ईयर्स का बताया था लीप वर्ष वही सत, वही लीप लीप या शताब्दी तो यानी शताब्दी वर्ष वही वर्ष लीप वर्ष होता है जिसमें चार सौ का पूरा पूरा भाग जाता है उसे लीप शताब्दी कहते हैं तो यहां तक आप लोगों को जितने लोग फ्रेंड्स आप लोग जुड़े हुए हो यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुई तो यहाँ पर अगर धीरे धीरे समझते जाएंगे तो अब हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं दोस्त एक क्वेश्चन आपसे बोल के पूछते हैं आप लोग उसका आंसर बताइए क्वेश्चन है एक व्यक्ति की जन्मतिथि 29 फरवरी अठारह की है एक व्यक्ति की जो जन्मतिथि है एक नया पेज ले लेते हैं एक व्यक्ति की जो जन्मतिथि है उनतीस फरवरी अठारह सो उनतीस फरवरी अठारह सो छानवे फरवरी अठारह सो ठीक अब क्वेश्चन यहां ये है कि वह अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगा किस सन में मनाएगा आप लोग बताइए ये क्वेश्चन है मान लो इसमें से किसी की इतने पुराने तो कोई होंगे नहीं अठारह मतलब आपसे पूछा गया है कि उनतीस फरवरी अठारह में किसी एक व्यक्ति का जन्म होता है वो अपना पहला जन्म दिवस किस साल में मनाएगा आप लोग बताइए ये क्वेश्चन अगर आप लोग बता लेते हैं तो जो जो बताएगा समझते हैं बहुत जबरदस्त आप लोग किए हुए हो इसका आंसर बताइए क्या होगा चार में कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स आपने चार में कोई दिक्कत नहीं है चार बिल्कुल सही है आप एक बार ध्यान से उसको जो मैं समझाना चाह रहा हूं आगे जाओगे तो आपको फरवरी के पहले का होना चाहिए तब जुड़ेगा पीछे जाओगे तो फरवरी के बाद का होना चाहिए तब जुड़ेगा अभी मैं एक लाइन में बताऊंगा उन्नीस सौ में अलका रागनी बहुत बढ़िया अलका रागनी जी बहुत जबरदस्त आपने आंसर बताया बहुत सारे लोग चलिए अभी देखते हैं 1900 आंसर आ रहा है 1900 1900 चलिए अब देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि दोस्त बहुत कराना है तो आप लोगों ने जितना बता दिया ठीक है अब आप ये बताइए अगर 29 फरवरी यहां लिख दिया है तो आपको ये साल चेक करने की जरूरत नहीं है कि यह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है इसका मतलब 29 फरवरी का मतलब ही होता है कि ये वर्ष लीप वर्ष है ठीक तो अगला लीप वर्ष जो सामान्य प्रक्रिया है जो सामान्य नियम है अगला लीप वर्ष कब होता है दोस्त मैंने आपको बताया हर चार साल पे होता है तो अगला लीप वर्ष कब होना चाहिए उन्नीस में होना चाहिए लेकिन लेकिन ध्यान रखना यहां पर दो जीरो आ गए इसका मतलब ये एक शताब्दी वर्ष हुआ जब ये शताब्दी वर्ष है दोस्त मैंने बताया था तो शताब्दी वर्ष वही वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो जरा 400 से आप लोग इसको भाग लगा के देखिए कि क्या ये 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो आप देखेंगे जीरो से जीरो कट गया जीरो से जीरो कट गया चार चौके 16 तीन रिमेंबर आ रहा है इसका मतलब जो 1900 का साल आया 1901 एक शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं है दोस्त लेकिन अगर इसको अपना जन्म दिवस मनाना है तो वही वर्ष में मनाना होगा जो वर्ष लीप वर्ष होगा इसका मतलब ये उन्नीस में अपना जन्म दिवस, नहीं मना पाएगा क्यों नहीं मना पाएगा क्योंकि 1901 एक शताब्दी वर्ष होते हुए भी लीप वर्ष नहीं है इस वजह से अब अगले चौथे साल में अगला चौथा साल जो होगा वो लीप वर्ष होगा तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ ये हुआ कि 1904 चार जो वर्ष है अब आपको पता है ये जो है लास्ट के टू डिजिट डिजिट ही क्यों देख रहे हैं क्योंकि ये शताब्दी वर्ष तो है नहीं शताब्दी वर्ष जब नहीं है तो हम चार से डिवाइड करके देखेंगे तो जब चार से डिवाइड हम कर रहे हैं तो देखिए चार से से चार कट जा रहा है इसका मतलब ये जो था, जिसका जन्म 29 फरवरी अठारह को हुआ था वो अपना पहला जन्म दिवस कब मनाएगा 1904 में मनाएगा 1900 में नहीं मनाएगा अब आप सब लोगों को पता चल गया ठीक है चलिए चलिए बहुत बढ़िया आठ साल बाद बहुत बढ़िया ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने साल बाद अपना पहला जन्म दिवस मनाएगा तो आठ साल बाद क्यों क्योंकि छानवे में छानवे में चार जुड़ा 1900 हुआ 1900 में चार जुड़ा 1904 हुआ तो आठ साल में पहला जन्म दिवस मनाएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से ठीक है चलिए इतना समझ में आया अगर बढ़िया सा समझ में आ रहा है सब लोगों को तो अब हम आगे चलते हैं ठीक है चलिए अब हमने यहां तक कर लिया फ्रेंड्स जो जो चीजें थी अब आ गया समान पंचांग ज्ञात करना तो समान पंचांग ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स आपको एक कोड बताता हूं एक कोड बताता हूं वो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा आपका काम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है फ्रेंड्स तो वो आप लोग रट के रखिएगा जो मैं बताने चल रहा हूं पंचांग मतलब समान जो महीने का दिन होता है वो समान हो नहीं होगा 1900 में 29 फरवरी नहीं होगा मुस्कान वर्मा जी क्योंकि जो 1900 है वो लीप वर्ष नहीं है वो एक शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं है तो मैंने आपको बताया था शताब्दी वर्ष जो है उसको 400 से भाग देते हैं और देखते हैं कि शताब्दी वर्ष जो है वो लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा ठीक है अब आप ध्यान रखिएगा एक कोड बता रहा हूं एक सौ चौवालीस जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस अब देखिए ये जो 12 डिजिट है आप लोग बहुत सारे नंबर याद कर लेते हो यहाँ पर दो डिजिट एक्स्ट्रा है वो आपको याद करना पड़ेगा चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो दोनों लोगों को आप लोग नंबर बहुत जल्दी याद कर लेते हो सभी लोग याद कर लेते हैं तो ये नंबर ही समझ के याद करना एक सौ चौवालीस जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस एक सौ चौवालीस जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस तो ये जो है कोड किसका है ये कोड है आपका सामान्य वर्ष का याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स सामान्य वर्ष का कोड है और जो आपका लीप वर्ष का कोड है उसमें केवल और केवल अंतर क्या है उसमें थोड़ा सा अंतर है फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं उसमें थोड़ा सा अंतर क्या है लीप वर्ष में जीरो थ्री बस जीरो थ्री आता है बाकी सेम ये डिजिट पूरे पे काम करती है फोर जीरो टू फाइव जीरो थ्री सिक्स वन फोर सिक्स ये लीप वर्ष का कोड है ये भी आपको ध्यान में रहना पड़ेगा अब इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा याद रख लीजिएगा ठीक है आधार नंबर है क्या सर जो समझ के याद कर लेना है किसी फ्रेंड का नंबर समझ के याद कर लो जो आपको अच्छा लगता है उसको समझ के याद कर लो बस आपको याद होना चाहिए एक सौ चौवालीस जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस एक सौ चवालीस जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस ठीक और आप अगली क्लास जब एक क्लास और लूंगा जिसमें घनाव और सिलोजिज्म दो चैप्टर जो काफी बड़े हैं काफी टफेस्ट माने जाते हैं उसको मैं बिना बिना कोई फॉर्मूले के घनाव घन गन को समझाऊंगा आप याद रखिएगा ठीक है कॉन्सेप्ट के साथ चलिए अब इसको देखो याद हो गया अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से महीने का मतलब एक साल दे दिया गया आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से दो महीने का कैलेंडर एक दूसरे के समक्ष होगा यानी चाहे जनवरी अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जनवरी है और जनवरी का जो कैलेंडर रिपीट होगा जनवरी का जो मंथ रिपीट होगा वो किस में रिपीट होगा फ्रेंड्स आप लोग याद रख लीजिएगा अक्टूबर अक्टूबर में इसका मतलब ये हुआ अगर एक जनवरी को मंगलवार है तो एक अक्टूबर को भी मंगलवार होगा इसका मतलब यही हुआ एक सौ चौवालीस जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो आप इसको ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा इसको यहां पे जो मैंने आपको बताया जहां जहां डिजिट आपका सेम मिल रहा है वहां सेम पंचांग होगा जहां जहां डिजिट सेम मिल रहा है यानी चार 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 यानी ये जो सामान्य साल होता है उसमें तीन महीने का कैलेंडर समान होगा और जैसे जहां जहां डिजिट सेम मिले आपको इसका मतलब उस उस महीने का कैलेंडर क्या होगा समान होगा अगर वो साल लीप वर्ष का है अगर वो साल लीप वर्ष का है तो लीप वर्ष वाला कोड देखेंगे आपको मैंने बताया है कि आप सामान्य वर्ष का याद कर लो और आगे का एक और चार की जगह केवल जीरो दिक्कत नहीं है जो जो डिजिट जहां जहां से मिलेगी उस, उस महीने का कैलेंडर क्या होगा समान होगा ठीक है ठीक है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अब हम आगे चलते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब इसको अब जैसे एक क्वेश्चन इस पर मैं आपको दूं एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर देता हूं जैसे आपसे पूछा जाए एक सामान्य वर्ष में एक सामान्य वर्ष में किन दो महीनों का कैलेंडर समान होगा मैं दे दूं जुलाई अगस्त मई अक्टूबर सितंबर दिसंबर या फिर जून नवंबर तो आप यहां पर डिजिट जहां सेम रहेगी वही आंसर हो जाएगा बस आपको यही आंसर आपका दूसरे में भी काम आएगा जो इसके बाद कराऊंगा दोस्त तो याद रखिएगा इतने से काम हो जाएगा कोई भी कैलेंडर पूछेगा तो यहां से हो जाएगा कि किस महीने का सेम कैलेंडर होगा तो याद कर लीजिएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स अब वार ज्ञात करना मतलब दिन ज्ञात करना अब इसमें देखिए इसमें आपसे डायरेक्टली अब आप क्वेश्चन पूछने चल रहा हूँ फ्रेंड्स अब क्योंकि वो कोड आपको पता है कोड मैंने आपको बता दिया है अगर आपसे मैं पूछूं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था आप एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे दिन ज्ञात करने का 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को कौन सा 1950 को कौन सा दिन था कौन सा दिन था अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कुछ नहीं बताया हुआ है नॉर्मल ऐसे पूछा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था तो आप लोगों को फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है करना क्या है अब देखिए सबसे पहले हम सबसे पहले हम जो डेट है उसको लिख लेते हैं 25 और साल का जो अंतिम दो डिजिट है हर में सब में साल का जो अंतिम डिजिट है उसको लिख लेते हैं और तीसरी चीज सबसे पहले तारीख लिख लिए ध्यान रखिएगा तारीख लिख लिए साल का अंतिम दो डिजिट साल का अंतिम दो डिजिट अंतिम टू डिजिट और तीसरी बात जो होगी कि इस साल में यानी 1950 में 50 सालों में कितने वर्ष लीप वर्ष आएंगे तो आप ध्यान रखिएगा आप लीप वर्ष निकालने के लिए 50 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे चार से भाग देंगे चार से क्यों भाग देंगे क्योंकि हर चार वर्ष पर जो सामान्य नियम है लीप वर्ष आता है इसका मतलब इसका मतलब बारह चौक अड़तालीस यानी बारह कितने होंगे बारह लीप वर्ष होंगे जो बच गया उसको छोड़ दो बारह वर्ष क्या होंगे लीप वर्ष होंगे पचास सालों में कितने वर्ष पीएस के आएंगे तो 12 तो उसको भी 12 हम लिख लेते हैं अब आपको तीसरी चीज क्या देखनी है तीन चीजें हो गई चौथी चीज आपको क्या देखना है कि 1950 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है आप कहेंगे सर 50 तो सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष जब है तो सामान्य वर्ष का जो मैंने आपको कोड बताया था 144025036146 तो उसमें से जनवरी का कोड क्या है तो तो आप कहेंगे सर एक ही होगा क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये पूरा बारह जो डिजिट लिखी गई थी वो बारह बारह महीने का कोड था तो यानी जनवरी का कोड क्या है एक है जब जनवरी का कोड एक है तो ये देखो आ गया यहाँ पे इन चारों को जोड़ लेंगे कितना आया पाँच दो सात एक आठ पांच दो सात एक आठ एटी एट आया अब हमें दिन निकालना है कौन सा दिन है आपको पता है कि एक सप्ताह में सात दिन होते हैं इस वजह से हम इसे सात से भाग देंगे जो दिन आएगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा दिन होगा तो देखते हैं दोस्त यहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अट्ठासी को जब हम भाग देंगे कितने में सात से भाग देंगे सात से क्यों भाग दे रहे हैं आपको पता है एक सप्ताह में सात दिन होते हैं जब सात से भाग देंगे तो सात इकन्नम सात कितना बचा अट्ठारह आ गया आपको पता है सात दूनी चौदह चौदह चार अठारह कितना शेष बचा यहाँ शेष से हमें मतलब है कितना शेष बचा दोस्त तो आप ध्यान रखिएगा चार शेष बचा चार जब शेष बचा आपका तो अब यहीं पर जो चीजें चल रहा हूं अगर आप लोग पिन कॉपी लिखे हुए हैं तो उसको लिख लीजिए यहां पे मैं लिख देता हूं रिमाइंडर एक आता है रिमाइंडर ले लेते हैं यानी एक एक आता है, सेस एक बचता है। बचता फ्रेंड्स रेड से करूं या वाइट वाइट व्हाइट ज्यादा सही है वाइट ज्यादा सही है शेष शेष एक बचता है रविवार होगा शेष दो बचेगा सोमवार होगा शेष तीन बचेगा तो मंगलवार होगा शेष चार बजता है तो बुधवार होगा और शेष पांच बजता है तो शुक्रवार बृहस्पतिवार होगा यानी गुरुवार होगा बुधवार और ये हो जाएगा गुरुवार और इसी प्रकार से जब छह शेष बचेगा छह शेष बचेगा तो फ्रेंड्स शुक्रवार हो जाएगा और सात शेष बचेगा नहीं यदि पूरा पूरा भाग लग जाता है पूरा पूरा भाग लग जाता है तब कौन सा दिन होगा शनिवार होगा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा ठीक है फ्रेंड्स आगे अब हम चलते हैं अब उसका पीछे वाला हम देख लेते हैं क्या था छब्बीस अच्छा तारीख छब्बीस है फ्रेंड्स यहाँ पे तारीख क्या है छब्बीस है साल का अंतिम दिन पचास है तो ये कितना हो जाएगा एटी नाइन ठीक है यहाँ पे तारीख छब्बीस थी ना तारीख लिखना था पच्चीस लिखा था तारीख छब्बीस थी ये कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा बचेगा कितना पांच बचेगा कितना बचेगा फ्रेंड्स पांच बचेगा अब जरा पांच जब बचेगा तो अगले वाले में देखिए यहां पे जो लिखा है अगर पांच बचता है तो आपका दिन कौन सा होगा गुरुवार आपको केवल और केवल इसमें से एक याद करना है अगर एक शेष बचेगा तो रविवार होगा उसी के आगे बढ़ते जाएंगे दो बचेगा तो सोमवार तीन बचेगा तो बुधवार चार बचेगा तो बृहस्पतिवार पांच बचेगा तो शुक्रवार छह बचेगा तो सॉरी शुक्रवार और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा शनिवार मतलब पूरा पूरा भाग लगता है तो उस दिन आंसर क्या बचेगा शनिवार ठीक है चलिए चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स अब अब हम आगे चलते हैं इसके अब यहां पर एक ही मास के दिन याद करना यहां पर इसको कराने से पहले एक दो क्वेश्चन में दोस्त और आपको कराना चाहता हूं एक दो क्वेश्चन और आपको कराऊंगा उसके बाद हम चलेंगे ठीक है अब जैसे एक क्वेश्चन में और लेता हूं आपका यहां पंद्रह अगस्त 1947 को कौन सा वार था पंद्रह अगस्त 1947 15 पंद्रह अगस्त 1947 बस आपको कुछ करना नहीं है आपको देखना है 15 अगस्त 1947 जैसे थर्सडे राइट right. हाँ थर्सडे ही होगा फ्रेंड्स मोनिका शुक्ला जी भाग तो सीखना पड़ेगा भाग तो सीखना पड़ेगा बाकी मैं यहां करके दिखाता हूं देखिए 1947 को कौन सा दिन है आपको मैंने बताया था सबसे पहले आप लिख लीजिए तारीख तारीख कितनी है पंद्रह तारीख को पूछ रहा है दूसरा मैंने बताया है साल के अंतिम दो अंक साल के अंतिम दो अंक अंतिम दो अंक कितने हैं फोर्टी सेवन है अब लीप यर्स की संख्या इसी में कितनी है लीप वर्ष की संख्या लीप वर्ष की संख्या आपसे पूछा जाए तो सैतालीस से आप भाग दो यहीं पे देखिए सैतालीस से जब भाग दोगे चार में तो कितना आएगा देखिए चार इकन्नम चार आपको पता है ये सात है तो चार दुनी आठ जाएगा नहीं चार इकन्नम चार कितना आया ग्यारह आया ग्यारह चौक चौवालीस मतलब यहां पर तीन जो है ग्यारह ईयर्स हैं तीन शेष बच रहा है तीन से कोई मतलब नहीं है तीन से कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब इसमें कितने लीप ईयर्स आए ग्यारह ईयर्स आए तीन चीजें हो गई महीने का कोड मैंने आपको बताया था महीने का कोड महीने का कोड मैंने आपको बताया था तो महीने का कोड किस महीने का पूछा हुआ है तो आप देखेंगे अगस्त का पूछा गया है तो जब महीने का कोड देखना शुरुआत करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है तो आप देखेंगे ये वर्ष आपका लीप वर्ष नहीं है लीप वर्ष नहीं है तो इसका मतलब कोड आपका जो मैंने बताया था यहीं पर लिख देते हैं एक जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस ये मैंने आपको बताया था अब देखिए अगस्त का पूछा गया है यहाँ पे मतलब अगस्त का तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इसका मतलब यहां पर अगस्त का कोड क्या है फ्रेंड्स तीन है तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे तीन लिख देंगे अब सबको जोड़ लो सबको जोड़ के सात से भाग दे दो जब सात से हम भाग देंगे अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे सात पाँच बारह एक तेरह तेरह तीन सोलह सोलह की छः वन कैरी हो गई चार एक पाँच पाँच एक छः चार दो छः एक सात कितने दिन आए दोस्त छिहत्तर दिन टोटल आए अब आपको पता है एक सप्ताह हमें सात दिन होते हैं तो सात दिन जब होते हैं तो सात से भाग करेंगे सात से सात कट जाएगा छह रिमाइंडर बचेगा यानी दस का भाग जाएगा दस सते सत्तर केवल बच रहा है छ मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर अगर छः बचे शेष फल अगर छः बचे तो वहां पर क्या होगा शुक्रवार होता अगर पांच बचता तो बृहस्पतिवार होता तो इस हिसाब से आंसर क्या जाएगा दोस्त इस दिन इस दिन कौन सा दिन था शुक्रवार था ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसको जो एक और तरीका था उसको हमने बता दिया अब इसको आप लोग ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन इसमें और मुझे कराना है इस टाइप वाले से कई बार पूछा जाता है आप लोग कोड याद रख लीजिएगा एक बता रहा हूं जीरो सिक्स फोर टू अभी इसको आगे वाले क्वेश्चन में बताता हूं दोस्त आगे वाले क्वेश्चन में एक और पेज ऐड करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं कि पंद्रह अगस्त दो हजार सैतालीस को गुरुवार था या कुछ और ले, ले लेते हैं चलिए दो अक्टूबर 1960 को रविवार था हमने ले लिया दो अक्टूबर 1960 को 1960 को क्या था रविवार था ध्यान से समझते जाना एक एक करके रविवार था आगे आपसे पूछा गया है आगे आपसे क्या पूछा गया है कि 10 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा 10 दिसंबर 10 दिसंबर आपसे पूछा गया है 2015 2015 को कौन सा दिन होगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जब भी दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन आए आप लोग जो तरीका मैंने बताया हुआ है जो आपको मैंने पहले बताया हुआ था सबसे पहले आप देखोगे कि क्या 2 अक्टूबर 1960 को जो क्वेश्चन में दिया गया है आंसर रविवार क्या एग्जैक्टली exactly सच में वो दिन था तो आप सबसे पहले चेक करेंगे और आप अपना लोग आप आप अपना बर्थडे भी इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपको डेट मंथ और साल पता है तो एग्जैक्टली exactly कौन से दिन आपका जन्म हुआ था आप खुद निकाल सकते हैं अब देखिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि एग्जामिनर ने हमको मूर्ख तो नहीं बनाया है कि रविवार देखे जबकि एग्जैक्ट में हो सकता है कोई और वार हो तो यहां पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या सच में रविवार ही है उस दिन तो देखिए उसके लिए क्या करना है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको तारीख लिखनी है सबसे पहले तारीख लिखनी है तारीख कितनी है दो अक्टूबर है दोस्त और उसके बाद जो साल का अंतिम दो अंक है साल का अंतिम जो दो अंक है उसको हम लिखेंगे कितना साठ इसके बाद हम तीसरी बात क्या लिखते थे लीप वर्ष की संख्या लिखते थे तो साठ में चार से भाग करोगे आप तो कितना आएगा दोस्त पंद्रह आएगा आपको पता है अगर हम यहां साठ से देखो भाग करें चार को तो चार क्या चार, कितना बचा चार दो बचा बीस हो गया चार पंचे बीस. तो कितने आएंगे साठ सालों में पंद्रह लिपियर्स आएंगे उन पंद्रह को भी जोड़ लेंगे और लास्ट का देखिए हमें महीने का हमें महीने का कोड भी लिखना है तो कोड लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो साठ है इसका मतलब ये क्या है रिमाइंडर हाँ, यहां पे जो तरीका मैंने आपको बताया है अगर रिमाइंडर जीरो आएगा फ्रेंड्स तो शनिवार होगा आप कोई दूसरा और रूल लगा के करोगे तो नहीं होगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ अगर उस तरीके से करोगे तब आपका रिमाइंडर जीरो बचेगा तो आपका क्या होगा शनिवार होगा लेकिन दूसरे रूल से लगाते हो तो वहां जो कोड बनाया गया है वो आपका जीरो आता है तो कई बार रविवार मानते हैं लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो हमेशा शनिवार होगा आप गलती मत कीजिएगा ठीक है अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे पंद्रह आ गया महीने का कोड मैं हर बार इसलिए लिख दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को याद रहे तो महीने का कोड क्या है यहाँ पे ये वर्ष लीप वर्ष है तो आपको पता है जनवरी फरवरी को छोड़कर बाकी सभी का सेम ही है चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो तो आपको पता है 144025 14025036 146 आपको पता है ये दोनों को छोड़ दिया जाए यहाँ पर जीरो थ्री कर दिया जाए तो आपको पता है कि ये जीरो थ्री फोर जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस ये क्या हो जाएगा लीप वर्ष अब जरा लीप वर्ष में देखते हैं अक्टूबर आपको पता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो अक्टूबर महीने का जो कोड है वो क्या है एक है जब अक्टूबर महीने का कोड एक है तो अब हम हर बार जोड़ते थे अगर आप लोग इतना समझ गए हो तो अब आप जोड़िए मत आप डायरेक्ट सात से काट दीजिए देखिए यहाँ पर कितना है पंद्रह है पंद्रह एक सोलह यहाँ पे अगर चौदह होता तो सात से पूरा पूरा कट जाता यहाँ कितना बचा एक बचा एक, एक यहाँ है दो हो गया दो दो चार चौंसठ बचा इस तरीके से भी आप लोग काट सकते हो लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है कंफ्यूज कर जाएं इस वजह से हम इसको जोड़ के ही बताते हैं ठीक तो यहाँ पे देखिए पांच एक छह दो आठ हो गया आठ हो गया फ्रेंड्स अब आगे देखिए आपका यहाँ पे तारीख दो थी दो ही तारीख थी ठीक है तो अब यहाँ पे यहाँ पे छ एक सात सात आ जाएगा तो 76 आया जब हम इसको सात से भाग देंगे तो आपको पता है आपको पता है फ्रेंड्स ग्यारह सत सतहत्तर एक बचा जब एक रिमाइंडर बचा तो एक रिमाइंडर बचने की बचने के लिए मैंने आपको कोड क्या बताया था एक बचेगा तो क्या होगा संडे होगा तो इसका मतलब एग्जामिनर ने जो हमसे पूछा हुआ है जो दिन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है उसमें कोई गलती नहीं है सपोज दैट अब ध्यान से समझना अब मैं आगे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा उसमें कराया जा सकता है लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा आपको सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ प्रैक्टिस आप लोग स्वयं करोगे ये क्लास खत्म होने के बाद जो कैलेंडर कहीं किसी बुक से करोगे सारे क्वेश्चन होंगे अब यहां पे देखिए जब ये रविवार हो गया मान लो मान लीजिए यहां पर एग्जैक्टली डेट आता रविवार की, की जगह आ जाता सपोज दैट मंगलवार आ जाता तो हम इसका आंसर निकालते जो एग्जैक्टली exactly आंसर आता उसमें दो जोड़ देते क्योंकि यहां पे एग्जैक्टली exactly आंसर रविवार है लेकिन लिखा उसमें बुधवार है तो सोम रविवार के बाद सोमवार सोमवार के बाद मंगलवार मंगलवार के बाद बुधवार दिया है तो ऐसे ही हम इसमें करते एग्जैक्ट डेट मान लो जो भी आई उसमें दो दिन हम बढ़ा के लिखते वही हमारा आंसर होता जो इस क्वेश्चन में करता वही इस क्वेश्चन में हम कर देते ठीक है तो अब इस इसका निकाल लेते हैं हम इसका निकाल लेते हैं यहीं पे अब देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं साइड में ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा देखिए तारीख आपको पता है तारीख कितनी है दोस्त तारीख कितनी है दस तारीख की बात हो रही है साल का अंतिम दो अंक क्या है दोस्त साल का अंतिम दो अंक पंद्रह है इस पंद्रह साल में कितने लीप वर्ष होंगे तो चार से भाग करोगे चार तीन बारह इसका मतलब तीन होंगे होंगे और महीने का कोड क्या होगा आप महीने का दिसंबर महीना है तो दिसंबर का कोड कितना है छ है दिसंबर का कोड कितना है छ है अब जब इतना आपको पता चल गया अब जोड़ घटाना गुड़ा भाग ना आवे तो घर भाग तो चलिए देखिए अब एक चीज दोस्त और आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी तक हमने जितना क्वेश्चन आपको करवाया सब उन्नीस की शताब्दी में था उन्नीस सौ साठ उन्नीस सौ सैतालीस उन्नीस सौ आपको ये सारे करवाए लेकिन पहली बार आया 2015 तो यहां आपको ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स यहां आपको ध्यान रखना है जीरो सिक्स फोर टू तो याद रखिएगा जीरो सिक्स फोर टू इसका मतलब ये हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम एक नए पेज में लिखते हैं जीरो सिक्स फोर टू यानी इसका उन्नीस सौ 1900 शताब्दी में होगा तो जीरो अगर 2000 में होगा तो उसमें छः ऐड करते हैं अगर इक्कीसवीं शताब्दी का होगा तो उसमें चार ऐड करते हैं बाईसवीं शताब्दी का होगा तो उसमें दो ऐड करते हैं वहीं अगर तेईसवीं की बात आ जाए तो बार बार यही जीरो सिक्स फोर टू जीरो सिक्स फोर टू हर बार आता जाएगा तो आप जिसका पूछे इसी के अनुसार बढ़ाते जाइए तेईस सौ का पूछेगा जीरो चौबीस सौ का पूछेगा छः पच्चीस सौ का पूछेगा चार छब्बीस सौ का पूछेगा दो तो इसी को बार बार ये ये जो साल का शताब्दी का कोड है ये भी आपको ध्यान में रखना है अभी तक हम उन्नीस सौ शताब्दी वाला कर रहे थे तो वहाँ पे जीरो ऐड करना था इसलिए हम जीरो नहीं लिखते थे लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आपका आया दोस्त आप देखिए यहाँ दो हजार पंद्रह का है बीसवीं शताब्दी का है तो देखिए बीसवीं शताब्दी में एक शब्द और ऐड करना पड़ेगा तो बीसवीं शताब्दी में छः आपको और ऐड करना पड़ेगा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा तो आप यहां पे देखिए यहाँ पे देखिए 2015 है तो इसका मतलब यहाँ हम यहाँ हम छः और ऐड करेंगे ठीक है छः और ऐड करेंगे ये छः किसका है फ्रेंड्स ये जो छः हमने लिखा था ये किसका था ये तो महीने का कोड था क्योंकि दिसंबर महीना है तो दिसंबर महीने का कोड देखिए यहाँ कितना है छः और अगला जो छः हम ऐड कर रहे हैं वो कौन सा है वो शताब्दी वर्ष का कोड है जो बताया मैंने जीरो सिक्स फोर टू जीरो सिक्स फोर टू बहुत बढ़िया चंचल रानी यही आप दो तीन चीजें मैंने एक कोड आपको याद दिलवाया और दूसरा आपको जो याद करने वाली चीज मैंने बताया जीरो सिक्स फोर टू ठीक है तो आप ध्यान रखिएगा अब इसको जोड़ लेते हैं पांच तीन आठ आठ छः चौदह चौदह छः बीस बीस की जीरो आपकी कैरी दो हो गई एक एक दो दो आपका चार ठीक है फ्रेंड्स तो ये कितना हो गया छः छः बारह बारह तीन पंद्रह पांच बीस दो जीरो और दो कैरी दो दो चार चार चालीस आ गया अब सात से भाग दोगे जब सात से भाग दोगे तो सात पचे पैंतीस सात छंग बयालीस ज्यादा हो जा रहा है तो सात पचे पैंतीस पाँच बचा पैंतीस पाँच चालीस अगर पाँच आ गया तो इसका मतलब इस दिन क्या होगा गुरुवार होगा तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था इस दिन क्या होगा गुरुवार होगा तो जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उस दिन का आंसर क्या आ गया आपका गुरुवार आ गया गुरुवार कैसे आया मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक लगा के देखे एग्जैक्टली exactly रविवार ही सही है तो हमने जो आंसर आया वही बना दिया अगर यहाँ पे वो बढ़ा के लिखता या फिर घटा के लिखता तो हम भी जो आंसर आता उसको जितना वो बढ़ाया रहता उतना बढ़ा के लिखते या उतना घटा के लिखते संडे राइट सर हाँ वो संडे था यहाँ थर्सडे आया इतना आप लोगों का कन्फर्म हुआ कि नहीं फ्रेंड्स इतना आप लोगों का कन्फर्म हुआ सब लोग जल्दी से जल्दी से आप सभी लोग बताइए जितना अभी तक कराया गया अभी तक जो कैलेंडर में कराया गया वो सब आपको समझ में आया या नहीं दो हजार शायद नहीं मंत सैफी दो हजार चौबीस सच में ये लीप वर्ष है ये लीप ईयर्स था क्योंकि आपने देखा होगा फरवरी यहां उनतीस की फरवरी यहां उनतीस की है फरवरी जो होगी जो आने वाली है वो उनतीस का होगा ठीक है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए एक ही मास के दिन याद करना एक कुछ छोटा एक छोटा है या चलिए एक ही मास के दिन याद करना आप इसकी बात कर लेते हैं चलिए क्वेश्चन आपका लिखा है यदि पंद्रह जनवरी के चार दिन बाद रविवार हो तो पंद्रह जनवरी के दस दिन पहले क्या वार था तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा दस दिन पहले क्या वार था जल्दी से आप लोग एक सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोग बताइए चलिए अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स यहां पे पूछा है पंद्रह जनवरी के चार दिन बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब भी हाँ एक ने पूछा है मैं उनका नाम बता रहा हूं कविता सिंह कविता सिंह जब भी आपको पहले कुछ दे के पूछता है तो जरूरी नहीं कि जो उन्होंने रविवार दिया था वो सही ही हो इस वजह से सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं उसके बाद निकालेंगे यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे जो मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है दो अक्टूबर 1960 को रविवार है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो एग्जामिनर ने रविवार लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली exactly सच में उस दिन रविवार ही, ही था तो इसलिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या सच में उस दिन रविवार ही था या कोई और दिन था यहां पे क्वेश्चन मैं आपको बना दूँ दो अक्टूबर 2060 को सपोज मान लो सेम यही क्वेश्चन है मैं एक क्वेश्चन यहीं पे बना दूं कि दो अक्टूबर 1960 को मंगलवार था मंगलवार था मैंने लिख दिया मंगलवार था आपको सही मानना पड़ेगा आपको सही मानना पड़ेगा ये कि उस दिन मंगलवार था जब आप निकालोगे तब आपका निकल के आएगा रविवार आप तब समझेंगे कि एक्चुअल में तो उस दिन रविवार है लेकिन एग्जामिनर ने उसको क्या बना दिया है मंगलवार इसका मतलब ये हुआ कि जो जो हमारी फिक्स डेट है जो फिक्स दिन है उससे बढ़ाकर मंगलवार किया गया है तो इसका मतलब रविवार के बाद सोमवार को छोड़कर मंगलवार किया गया है अब यहां पे जब हम इसको देखेंगे कि ये गुरुवार है तो गुरुवार के बाद हम छोड़ेंगे किसको शुक्रवार को छोड़ेंगे और आंसर क्या बताएंगे शनिवार है आंसर क्या बताएंगे तब इस स्थिति में शनिवार क्यों बताएंगे क्योंकि उसने भी एग्जैक्ट जो दिन था रविवार था उसको बढ़ा के लिखा मंगलवार इसलिए जब हम निकाल के देखे इसमें भी जितना आया गुरुवार आया तो हम एक दिन बढ़ा के लिखेंगे गुरुवार के बाद गुरुवार के बाद शुक्रवार शुक्रवार के बाद क्या आता है शनिवार तो तो जो काम एग्जामिनर किया है वही काम हम भी कर लेंगे तो इस हिसाब से आंसर क्या जाएगा शनिवार अगर वहां क्वेश्चन का आंसर दिया होता कि उस दिन मंगलवार है तो हम आंसर क्या बताते गुरुवार निकालने के बाद कि आंसर उस दिन क्या होगा शनिवार होगा ठीक है चलिए चलिए अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स इसको मिटा देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करोगे किसी ने पूछा हुआ था उनकी सहूलियत के लिए हमने ये बताया आंसर क्या आया है गुरुवार आया है ये आप ध्यान दे लीजिएगा गुरुवार ठीक है अब हम आगे चलते हैं चलिए एक ही मास के दिन ज्ञात करना यदि 15 जनवरी के अब ऐसे क्वेश्चन आए आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है 15 जनवरी के चार दिन बाद यहां पर बाद पूछा है तो 15 में चार जोड़ दो 15 में चार जोड़ दो कितना आ गया 19 आ गया इसका मतलब 19 को क्या है रविवार है ठीक है ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है पंद्रह जनवरी के दस दिन पहले की बात कर रहा है अगर बाद की अगर बाद की बात करें तो आपको जोड़ना है और पहले की बात करें तो घटाना है अब देखिए यहाँ पे पंद्रह जनवरी के चार दिन बाद यानी पंद्रह चार उन्नीस उन्नीस को क्या था रविवार था आगे क्या पूछता है पंद्रह जनवरी के 10 दिन पहले तो 15 माइनस दस करेंगे 15 माइनस दस करेंगे कितना आ जाएगा आप ध्यान दीजिए पांच आ जाएगा अब ये पांच आ गया आपसे पूछा है कि पंद्रह जनवरी के दस दिन पहले क्या वार हुआ था तो आप इतना करेंगे अब जो दोनों शब्द आए आपका दोनों का अंतर निकालेंगे दोनों का अंतर कितना होगा दोस्त उन्नीस में से यहाँ पर जब अंतर निकालेंगे तो उन्नीस में से पांच घटाएंगे कितना आएगा चौदह आएगा जब चौदह आ गया तो आप सभी लोगों को पता है कि दिन का पूछा है तो सात से डिवाइड करेंगे सात से क्यों डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको पता है एक सप्ताह में वन वीक में सात दिन होते हैं और हमें दिन की ही बात किया है किया है तो सात से जब भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो जो दिन यहां पे दिया गया था वही आंसर हो जाएगा यहां पे पूरा पूरा भाग चला गया इसका मतलब दस दिन पहले क्या वार था तो रविवार ही था रविवार ही था आंसर क्या आ गया रविवार आंसर आपका क्या हो गया दोस्त रविवार ही इसका आंसर हो जाएगा आप ध्यान दे लीजिएगा ये क्वेश्चन देखिए अगर आप लोग इस तरीके से नहीं लगाएंगे ये सर ये क्लास रिकॉर्डेड है क्या अरे लॉर्ड कृष्णा ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं है भाई ये आठ बजे अभी अभी, अभी लाइव लगी है रिकॉर्डेड नहीं है अभी मैं आपको देखो पानी पीता हूं देखो ये देखिए बोटल उठाया तो ये लाइव नहीं लगी हुई है इसका ट्यूजडे होगा चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आएगा तो हमें करना है चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं यदि 10 तारीख के चार दिन पहले सोमवार था तो 10 तारीख के 12 दिन बाद क्या वार होगा आप लोग जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा चलिए जल्दी से बताइए और सभी लोग जितने लोग हो फ्रेंड्स एक बार आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए कि रीजनिंग की क्लास एक ही क्लास में सारी रीजनिंग के टॉपिक हो जाएंगे जो आर ओ और पी के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया जी इसके पहले वाला तो और ही जी था फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या था एक सिंपल बता रहा हूँ उसको चेक क्यों किया जाता है जब भी कोई डेट देता है जैसे यहाँ पे मैंने दिया था कि इस दिन रविवार है तो सबसे पहले उसको आपको चेक करना है कि क्या सच में रविवार ही था या नहीं था अगर सच में रविवार था आंसर भी रविवार आ रहा है तो अगले का हम निकाल के जो आंसर होगा वही बता देंगे लेकिन अगर उसने बढ़ा के दिया चलिए चलिए यहाँ पे प्रणाम सबको प्रणाम फ्रेंड्स चलिए अब इसका आंसर बताइए क्या होगा इसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं मैंने आपको क्या बताया था यदि 10 तारीख के चार दिन पहले 10 तारीख के मैंने बोला कि बाद का पूछे तो जोड़ना है पहले का पूछे तो घटाना है 10 तारीख के चार दिन पहले इसका मतलब 10 माइनस फोर यानी दस माइनस में घटाए तो कितना आया छः आया घटाया क्यों हमने क्योंकि यहाँ पहले पूछा है आगे क्या कह रहा है दस तारीख के बारह दिन बाद तो इसका मतलब बाद कह रहा है तो जोड़ना है दस तारीख के बारह दिन बाद तो कितना हो गया बाईस हो गया मैंने आपको बताया कि इन दोनों का हमेशा अंतर निकालेंगे अंतर कितना होगा दोस्त 22 में से 6 गए अंतर का मतलब कोई माइनस प्लस से नहीं है अंतर का मतलब दोनों का अंतर कितना होगा दोनों में जब घटाओगे आपस में तो कितना बचेगा तो जब आप 22 में से 6 घटाओगे तो आपको पता है कितना आएगा 16 आएगा जब आपका सोलह आ गया फिर आपसे दिन की बात किया है तो जब भी दिन की बात करेगा तो सात से भाग करेंगे लीप वर्ष की बात करेगा तो चार से भाग करेंगे तो यहां पर किससे भाग करेंगे सात से भाग करेंगे, करेंगे रिमाइंडर कितना आया दो दिन शेष बचे अब बताइए यहाँ पे जो सोमवार था यहाँ पे जो सोमवार था अब सोमवार के आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे तो आपको पता है अब अगर पहले का पूछा होता तो सोमवार के पहले जाते लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ है बारह दिन के बाद कौन सा वार होगा इसलिए हम बारह दिन के बाद जाएंगे यानी सोमवार के बाद जाएंगे कितना दिन दो दिन सोमवार के बाद मंगलवार मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा बुधवार तो आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स इसका बुधवार आंसर हो गया आप सब लोग ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा आप लोग लिख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्त बुधवार हो जाएगा बुधवार ठीक है तो अब यहां पे मुझे लगता है आप सभी लोगों का कंफर्म हो गया है अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा आप लोगों से अब हम आगे चलते हैं अब यहां पे आ गई आ गया कैलेंडर की पुनरावृत्ति तो आप ध्यान रखिएगा कैलेंडर की पुनरावृत्ति यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 2013 जैसा कैलेंडर अगली बार पुनः कब आएगा यानी 2000 क्वेश्चन लिखिए 2013 जैसा कैलेंडर 2013 जैसा कैलेंडर 2013 जैसा कैलेंडर, 2013 जैसा कैलेंडर अगली बार कब आएगा अगली बार कब आएगा ऐसे क्वेश्चन दोस्त पूछे जाते हैं और छोटे एग्जामों में तो बहुत पूछे जाते हैं और इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि 2013 का जो कैलेंडर है जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक 2013 में हर एक दिन रिपीट करेगा जो साल होगा इसका मतलब ये हो गया पूरा का पूरा साल रिपीट करेगा जिस दिन जिस डेट को जिस दिन हुआ था उस साल वही दिन वही डेट होगा तो यहाँ पर जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कॉपी और पेन खोले हुए हैं तो जल्दी से मैं बोल देता हूं आप लोग लिख लीजिए क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा आप लोग उसको रोक के या जितनी अगर स्पीड आपकी है तो आप लोग लिख लीजिए अगर यहां पे क्या करते हैं हम यहाँ पे हम क्या करते हैं लास्ट का जो क्वेश्चन है लास्ट के साल में हम भाग देते हैं कितने से चार से 2013 यानी इस तेरह को हम चार से भाग देते हैं जब चार से भाग देंगे अगर रिमाइंडर एक आएगा ध्यान रखिएगा राइट सर महेश बाबू okay. तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यदि रिमाइंडर एक आता है तो उसमें कितना जोड़ते हैं जोड़ते हैं ध्यान दीजिएगा रिमाइंडर एक आएगा तो जोड़ते हैं यहाँ पे देखिए चार तियाई बारह एक रिमाइंडर आया तो इसका मतलब दिए गए साल में दिए गए साल में कितना जोड़ेंगे छ जोड़ेंगे तो इसका मतलब यह हुआ दो था दो में छे जोड़ेंगे तो इसका मतलब यह हुआ दो में पूरा का पूरा वर्ष आप देख कि अगर आपके पास कैलेंडर होगा तो 2013 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा पूरा साल रिपीट करेगा पूरा पूरा दिन पूरी पूरी डेट एक साथ मिलती जाएगी किस दिन को 2019 वाले साल में ठीक है ठीक है कोई बात नहीं बाद में देख लीजिएगा तो यहां पर 2013 के कैलेंडर की जो पुनरावृत्ति होगी वो कब होगी 2019 में तो दोस्त 11 साल बाद जो है अगर दो और तीन रिमाइंडर बचता है तब उसमें 11 साल होता है दो और तीन रिमाइंडर बचेगा तब उसमें हम 11 जोड़ते हैं इसको हम एक पेज लेके लिख देते हैं अगर एक बचता है एक बचता है एक बचता है तो कितना जोड़ते हैं छे जोड़ते हैं दो और तीन बचता है दो और तीन बचता है तो उसमें हम 11 जोड़ते हैं और पूरा पूरा भाग लग जाता है पूरा भाग लग जाता है भाग लग जाता है तब हम कितना जोड़ते हैं 28 जोड़ते हैं दिए गए साल में तो याद रखिएगा 6, ग्यारह और 28. तो इनको याद रखिएगा तीन चीजें अब एक दो लाइन में 6 महीने कुंभक अब हम तीनों चीज़ें एक साथ में बोल रहा हूँ अगर आपसे अगर आपसे कभी भी ये कैलेंडर की पुनरावृत्ति पूछे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साल की बात कर रहा है उस साल के जैसा हु बहू कैलेंडर अगली बार कब रिपीट करेगा जैसे मैंने आपको 2013 दिया तो कोई भी साल हो उसमें आपको चार से डिवाइड करना है 2013 को जब चार से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है रिमाइंडर एक बचेगा शेष फल एक बचेगा तो शेष फल एक के लिए कितना साल जोड़ते हैं दिए गए साल में दिए गए साल में छः जोड़ेंगे तो इसका मतलब 2013 का जो साल है उसमें हम छ छः जोड़ देंगे तो 2019 में रिपीट करेगा वहीं अगर बात किया जाए अगर दो और तीन शेष बचता है तो दिए गए साल में हम 11 जोड़ देंगे और अगर वहीं बात करा पूरा पूरा कट जाता है तो दिए गए साल में हम 28 ऐड करते हैं तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना है नोट करके मैं लिख दे रहा हूं जब भी कैलेंडर की पुनरावृत्ति की बात करेगा तो आप याद रखिएगा एक एक शेषफल बचा तो छे जोड़ेंगे दो और तीन शेषफल बचा तो हम ग्यारह जोड़ेंगे और पूरा का पूरा भाग लग गया तो हम अट्ठाईस जोड़ेंगे ठीक है चलिए अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नया प्रकार का है आप लोग बताइए इसका आंसर पढ़ के कि अब पढ़ रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया आप सभी लोगों का क्लियर हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है देखिए यहाँ पे क्या है मोहन की माता को याद है कि मोहन का जन्म 12 अगस्त के पश्चात लेकिन 17 अगस्त के पूर्व हुआ है जबकि मोहन के भाई का जन्म 20 अगस्त के पूर्व लेकिन 15 अगस्त के पश्चात हुआ है तो मोहन का जन्म किस तिथि को होगी आप सभी लोग इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स आप सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका बताओ क्यों ऐड होता है फ्रेंड्स ये काफी लंबा जाएगा आ, जो जैम लक्ष्मी यहां आपका पेपर है कभी अकेले मिलना ये तीन से चार घंटे लगते हैं जहां लीप लिपियर्स रहता है उसको काटते हैं तो उसमें ऐड होता है उसमें उन्नीस ऐड होता है तो उस हिसाब से आता है वो लंबा प्रोसेस है यहां आपके कोई काम का नहीं है वो ठीक है चलिए अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या कह रहा मोहन की माता को याद है कि मोहन का जन्म 12 अगस्त के पश्चात लेकिन 17 अगस्त के पूर्व हुआ तो माता जो इनकी है वो कहती हैं इनकी जो माता है वो क्या कहती हैं कि 12 अगस्त के पश्चात या तो 13 को या तो 14 को या तो 15 को या तो 16 को ठीक 12 अगस्त के पश्चात <clears throat> लेकिन 17 अगस्त के पूर्व 17 अगस्त के पूर्व मतलब 17 के पहले तो यानी या तो 13 को या तो 14 को या तो पंद्रह को या तो सोलह को जबकि मोहन के भाई का जन्म 20 अगस्त के पूर्व लेकिन 15 अगस्त के पश्चात 20 अगस्त के पूर्व इसका मतलब हो गया कि 19, 18, 17, 16 और 15 अगस्त के पश्चात 15 अगस्त के पश्चात मतलब ये हो गया तो इसका मतलब दोनों दोनों सही बोल रहे हैं क्यों सही बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि उनकी माता को याद है कि 12 के बाद हुआ है लेकिन 17 अगस्त के पहले हुआ है उसके भाई को याद है कि 20 अगस्त के पहले हुआ है और 15 अगस्त के बाद हुआ है तो जो कॉमन डेट हुई वही आंसर हो जाएगा दोनों लोग सही हैं 16-16 दोनों में कॉमन है इसका मतलब उसका जन्मदिन कब था सोलह अगस्त को ऐसे क्वेश्चन आएगा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ये आंसर क्या जाएगा दोस्त सोलह अगस्त को ठीक है फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं हाँ वही आंसर हो जाएगा सोलह ही सोलह ही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चन है यदि आज रविवार है तो तीस दिनों के बाद कौन सा दिन होगा अब आप लोग देखिए यहाँ पे लगा तो लेंओगे ये क्वेश्चन लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली exactly नहीं पता है तो टाइम लगाओगे और हो सकता है गलती भी हो तो इसका आंसर क्या होगा यदि आज रविवार है तो तीस दिनों के बाद कौन सा दिन होगा आप सभी लोग जल्दी से बताइए चलिए जल्दी से बताइए फ्रेंड्स चलिए आप सभी लोगों को पता है यहां आज रविवार है यानी तीस दिनों के बाद आज रविवार है तो रविवार जो है रविवार को लिख लेंगे ऐसे जल्दी से करने के लिए इसको दो भागों में बांटेंगे तो हर सात दिन पे आपको पता है हर सात दिन पे जो डेट होती है वो रिपीट होती है तो हर सातवें दिन पे जब रिपीट होती है तो सात चूंकि अट्ठाईस यानी अट्ठाईस को भी क्या होगा अट्ठाईस को अट्ठाईस को आपका शनिवार हो उसके अगले दिन यानी उनतीस को क्या होता है रविवार होगा जब उनतीस को रविवार होगा आपसे पूछा है कि तीस दिनों के बाद कौन सा दिन होगा उनतीस को रविवार 30 को सोमवार दिनों के बाद पूछा है तो इसका मतलब उसके अगले का पूछा है तो उस दिन क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा तीस को तीस को सोमवार आपसे तीस दिनों के बाद पूछा है तो उसकी अगली डेट जो होगी यानी इकतीस को क्या होगा मंगलवार होगा तो आंसर क्या गया दोस्त मंगलवार तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसी तरीके से हमेशा निकालना अगर जैसे सत्तावन दे दे तो सात को सबसे पहले बार डिवाइड करो उसके बाद जितना बचा उसका अगले दिन वो लिख दो ठीक है चलिए चलिए आप सभी लोगों को समझ में आ गया अब हम आगे चलते हैं आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स इसका मंगलवार चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं पासा यानी डाइस पे आ गए हैं अब हम डाइस की बात करेंगे फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन हमने आपको करवाया हुआ है एक एक क्वेश्चन करवा दिया है अब उससे हम आगे बढ़ते हैं ठीक है अब पासा हम करवाते हैं डाइस चलिए चलिए डाइस की बात करते हैं हम यहाँ पे लिखा है मानक पासा आपको पता है पासे में टोटल छः फलक होते हैं और आपको पता है छो फलक पे कि एक दो तीन चार पाँच छः लिखा जाता है आपको पासे का अगर एक सरफेस दिखाऊं तो आपको पता है पासा इसी तरीके से बना रहता है किसी के पास यहाँ एक लिख दिया यहाँ तीन लिख दिया यहाँ दो लिख दिया इसी तरीके से ऐसे लिखता है लेकिन ये आपका एक मानक पासा होता है अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं दोस्त पासे पे डाइस पे जहाँ से केवल तीन नियम पढ़ने हैं बहुत ईजी होता है और ये फ्री में क्वेश्चन फ्री में नंबर दे जाता है चलिए कोई बात नहीं सानू सैनी जी हो जाएगा धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे मानक पासे का मतलब ये होता है मानक पासे का मतलब ये है कि एक के विपरीत छः होगा दो के विपरीत पाँच होगा तीन के विपरीत चार होगा यानी जो विपरीत सतहें हैं उनका जोड़ सात होगा वो क्या होते हैं मानक पासा होते हैं तो मानक पासा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिनकी विपरीत सतहों का जोड़ जिनकी जिनके जिनके विपरीत सतहों का योग सात होता है विपरीत सतहों का योग विपरीत सतहों का योग क्या होता है फ्रेंड्स सात होता है मानक पासा कहलाते हैं और इसी में अगर दूसरे तरीके से कहूं तो जिनके पड़ोसी साइड जो होते हैं पड़ोसी सतह जो होती है पड़ोसी स... जो जो आपका पता है पड़ोसी सतह क्या होता है जैसे मैंने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले इसको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अब ये देखो ये पड़ोसी सतह है ये इसका पड़ोसी सतह है अब आप जिस रूम में बैठे होंगे सामने वाली सतह को छोड़कर क्योंकि सामने जो सतह है वो आपका क्या है विपरीत है बाकी सभी सतहें पड़ोसी होती हैं तो पड़ोसी सतहों का जोड़ कभी भी साथ नहीं होगा विपरीत सतहों का ही जोड़ सात होगा पड़ोसी सतहों का अगर जोड़ सात आ गया तो वह सामान्य पासा हो जाएगा मानक पासा नहीं होगा मानक पासा हमेशा विपरीत सतहों का जोड़ सात होता है तो यहां पर आपको जैसे यहां पर एक लिख दिया पाँच लिख दिया और तीन लिख दिया आप यहां पे देख रहे होंगे यहां पर किसी को किसी से जोड़ोगे तो सात नहीं आएगा इसका मतलब यह हो गया कि यह क्या है मानक पासा है मानक पासा का मानक पासा में पड़ोसी सतहों का जोड़ कभी भी सात नहीं होता ठीक है तो जिनके विपरीत सतहों का योग सात होता है वही मानक पासा कहलाते हैं ये आपको ध्यान में रखना है आगे सामान्य पासा की बात किया जाए तो जो हम लोग जो हम लोग सामान्य पासा की बात करते हैं वहाँ विपरीत सतहों का जोड़ सात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अगर सामान्य पासा की बात किया जाए तो सामान्य पासा में विपरीत सतहों का जोड़ भी क्या हो जाता है सात जैसे यहाँ चार लिख दिया यहाँ तीन लिख दिया यहाँ दो लिख दिया कहीं भी जोड़ अगर आ रहा है चार तीन सात अगल बगल दोनों दिख रहे हैं तो ये कभी भी मानक पासा नहीं हो सकता ये सामान्य पासा ही होगा इतनी जल्दी सोनू सैनी जी अभी केवल और केवल डेढ़ घंटे हुए हैं इतने में ही मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है दोस्त पंद्रह से सोलह क्वेश्चन आपके आएंगे आर ओ ए आर ओ में और आपका पी सी एस में भी आपको पता है कि यहां से क्वेश्चन आएंगे तो आप एक दिन मेहनत कर लीजिए जिससे आपको अगले टाइम के लिए फिर रीजनिंग पे काम ना करना पड़े बस आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करते रहिए बस ठीक तो मानक पासा आप समझ जाएंगे जिनके विपरीत सतहों का जोड़ सात नहीं होता है वह सामान्य पासा कहलाते हैं यहां लिख देता हूं जिनके जिनके विपरीत सतहों का जोड़ विपरीत सतहों का जोड़ सतहों का जोड़ सात नहीं होता ठीक है दोस्त अब ये ध्यान रखिएगा सामान्य पासा हो गया मानक पासा हो गया अब सामान्य पासे के तीन मूलभूत नियम बताए गए हैं पहला जो है दोस्त वो निकटतम का नियम है निकटतम के नियम में जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती आप याद रखिएगा जो संख्या निकटतम के नियम का क्या है जो संख्या जो संख्या निकटतम होती है निकटतम होती है होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती वह कभी विपरीत नहीं हो सकता विपरीत नहीं हो सकती ठीक है इसका मतलब यह हो गया अब एग्जाम्पल मैं यहीं पे दे रहा हूं आप लोगों को एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं एक पासा हमने आपका एक पासा बनाया एक पासा और हमने बनाया यहां पे लिख दिया तीन चार दो और ये जो सामान्य पासे के तीन मूलभूत नियम है मानक पासे में कोई नियम बनेगा ही नहीं वहां कन्फर्म है तीन के विपरीत चार होता है दो के विपरीत पांच होता है एक के विपरीत छ होता है तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे चलिए चलिए कोई बात नहीं सही बात है जिनको रीजनिंग आती है उन वो अपना टाइम वेस्ट मत करें वो आराम से कुछ और पढ़ लें एग्ज़ाम बहुत पास में है ये क्लास मैं उन बच्चों के लिए लाया हूँ उन दोस्तों के लिए लाया हूँ जो रीजनिंग में असहज महसूस करते हैं जिनको दिक्कत होती है और एक दो क्वेश्चन गलत होने की वजह से वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं आप दस लोग भी रहोगे तब भी हम पढ़ाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमने अलग से लिख दिया यहाँ पे लिख दिया हमने छ एक पाँच ऐसे मैंने आपको लिख दिया तो आप सोचिए यहाँ पे यहाँ पे जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती इसका मतलब ये हो गया कि जो एक के पास में है चाहे पाँच हो चाहे छ हो वो कभी एक के विपरीत नहीं होगा यानी छः के विपरीत एक और पाँच नहीं होगा पाँच के विपरीत छः और एक नहीं हो सकता चार के विपरीत ना तो दो हो सकता है ना ही तीन हो सकता है तो जहाँ जो दिख रहा है उसके विपरीत एक दो नहीं हो सकते तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स निकटतम के नियम में अब जैसे ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया अब यहीं पे एक चीज में अगर इस को अगर मैं चार कर देता हूं सपोज अब आप देखिए के विपरीत तीन नहीं हो सकता चार के विपरीत दो नहीं हो सकता चार के विपरीत पांच नहीं हो सकता तो एक कौन सी संख्या बची केवल एक बची है इसका मतलब यह हो गया इसका मतलब यह हो गया कि चार के विपरीत चार के विपरीत एक होगा ऐसा हमने इस पासे को इस डाइस को देखते ही क्यों बोल दिया क्योंकि ये निकटतम का नियम है निकटतम के नियम के आधार पर जो संख्या जिसके पास में रहती है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती तो इसका मतलब चार के विपरीत में ना तीन हो सकता है ना दो हो सकता है ना छ हो सकता है ना पाँच हो सकता है और आपको पता है डाइस में टोटल छः अंक होते हैं एक दो तीन चार पाँच छ तो आपको पता है जब छः होते हैं तो इसमें से चार यानी तीन दो छः पाँच जब इसका विपरीत नहीं हो सकता तो केवल और केवल एक बचा एक किसके विपरीत हो जाएगा चार के विपरीत हो जाएगा तो आंसर कभी भी आपसे ऐसे दो दो आपको डाइस दे देगा और पूछ लेगा चार के विपरीत क्या होगा तो बिना लगाए आप देखते ही बता देंगे चार के विपरीत एक होगा क्योंकि वही उसके निकटतम नहीं है बाकी सभी निकटतम है चलिए अब हम आगे चलते हैं निकटतम का नियम हमने कर लिया अब हम आगे चलते हैं उभयनिष्ठ का नियम नियम उभय निष्ठ का नियम दोस्तों देखते हैं उभय निष्ठ के नियम के आधार पर हम क्या कह सकते हैं यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं उभय निष्ठ हैं तो शेष बची संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं फिर इसी एग्जांपल से ही मैं थ्योरी बना दूंगा एग्जाम्पल से ही थ्योरी आप सही कर सकते हो देखो कैसे देखिए कैसे यहां पे तीन दे दिया यहां पे चार दे दिया यहां पे पांच दे दिया यहां पे पांच दे दिया यहां पे तीन दे दिया यहां पे दो दे दिया अब यहां पे देखिए उभयनिष्ठ के नियम के अनुसार दो संख्याएं यदि उभयनिष्ठ हैं देखिए यहाँ पे पांच और तीन पाँच और तीन दो संख्याएं उभयनिष्ठ हैं तो बची संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी ये एकदम फिक्स मान के चलिए अगर दो डाइस आपको दिया गया है और दोनों डाइसों में दो कॉमन संख्या मिल गई चाहे जो दो कॉमन संख्या मिल गई तो जो संख्याएं दो बची हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी याद रख लीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं यहां पे देखिए अब यहां से क्या निकल के आया कि दो उभयनिष्ठ संख्याओं में बची हुई संख्याएं जो बचती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं इसका मतलब यहाँ चार के विपरीत क्या हो जाएगा चार के विपरीत चार के विपरीत दो ठीक क्यों क्योंकि पांच और तीन यहां पे आपको पता है पांच और तीन पांच और तीन दोनों में एक कॉमन है बचा कौन चार और दो बचा तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं उभयनिष्ठ हैं पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं उभयनिष्ठ हैं तो बची संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी ये उभयनिष्ठ का नियम है ठीक है अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स घूर्णन का नियम इसी एक से सारे सॉल्यूशन निकल जाते हैं जितना भी आता है उसको ध्यान से देखिएगा अब जो कराने चल रहे हैं तीन चार पासा एक साथ दे दे दो दे दे तीन दे दे जैसे भी दे अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी हम लेते हैं मान लीजिए ये दो पासे हैं इसमें से किसी में दो चार छ तीन, पाँच दो तो जब भी ऐसे पासा दे दे आपसे अगर पूछे चार के विपरीत जो भी पूछे चार के विपरीत बता दो तीन के विपरीत बता दो, दो के विपरीत बता दो साधा दीप नारायण जी साधारण पासा मैंने आपको बता दिया है साधारण पासा उसे कहते हैं जिनके विपरीत सतहों का जोड़ सात नहीं होता है उसे हम साधारण पासा कहते हैं ठीक है फ्रेंड्स अच्छा थोड़ा बड़ा लिखे चलिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं देखिए चलिए यहां कोई भी ले लेते हैं दो पाँच तीन चार तीन दो ठीक है फ्रेंड्स अब यहां पे आप देखिए यहां पे दो दो कॉमन हो गए तीन दो तीन दो तो एक से ही आ जाएगा जो मैं रूल बताना चाह रहा हूं उससे काम नहीं हो पाएगा यहां पे हम ले लेते हैं छे आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप सबसे पहले इसमें एक चीज़ ढूंढेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है दोनों में कॉमन क्या है आप देखिए तीन पाँच दो है यहाँ दो छः चार है तो कॉमन क्या है दो है कॉमन क्या है फ्रेंड्स कॉमन क्या है दो है यहाँ पे देखिए कॉमन दो है आपका तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दो को लेके क्लॉकवाइज घूम जाइए क्लॉकवाइज घूम जाइए दो छ चार तो लिख लीजिए दो चार। इसको भी क्लॉकवाइज हमेशा घूमना है दो तीन पांच दो तीन पांच अब देखिए यहां पे जिसके नीचे जो आया दो दो का आप कॉमन लिए थे जो एक संख्या बच जाएगी वो दो के विपरीत होगा यहां पे छे के विपरीत तीन तो आंसर क्या जाएगा दोस्त आपका अगर छे के विपरीत पूछा जाएगा छे के विपरीत पूछा जाएगा तो छे के विपरीत क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा छ के विपरीत छ के विपरीत तीन होगा वहीं अगर बात किया जाए चार के विपरीत चार के विपरीत चार के विपरीत पांच होगा अगर आपसे तीसरा पूछा जाए दो के विपरीत दो के विपरीत तो एक संख्या जो बच गई दोस्त कौन सी है एक तो दो के विपरीत कौन सा होगा एक अब आपसे इसमें कोई भी आंसर पूछता तो आप दे सकते थे ये तीन नियम पासे के ये तीन नियम थे आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इन चीजों को तो कभी भी आपसे यूपीएससी में एक बार मुझे एग्जैक्टली exactly साल वो याद नहीं है तीन क्वेश्चन डाइस से दिया हुआ था आप बताइए सोचिए ढाई ढाई नंबर का एक क्वेश्चन था यूपीएससी के तीन क्वेश्चन यही घूर्णन के नियम से दिए थे और इजीली ऐसे ही निकाल के तीनों आंसर आए थे एक मिनट में तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते लेकिन जिनको नहीं पता था गलत करके आए थे सोचिए आप इतना ईजी था हाँ बहुत ईजी है फ्रेंड्स बहुत ईजी है ठीक है अब यहां पे हमने कर लिया अब कुछ क्वेश्चन आपसे हम अगला करवाते हैं चल के देखते हैं कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग घर से कर लीजिएगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा दो तीन क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं होमवर्क के लिए आप लोग आंसर बताइए बता दीजिएगा इसका दो के विपरीत कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन है दो के विपरीत दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी कौन सी संख्या होगी ठीक है फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी और आज आप लोग अच्छे से कर लोगे जब प्रैक्टिस कराई जाएगी सीओम सर के द्वारा तो आप लोग सबसे पहले आंसर देने वाले में होंगे जब ये चैप्टर आएगा जितने लोग आप लोग क्लास कर रहे हो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा अब हम आगे चलते हैं तीन मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है यदि उनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का जोड़ तेरा हो तो नीचे आई संख्याओं का जोड़ क्या होगा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप लोग एकदम तैयार रहिएगा देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत बढ़िया इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले हम देख लेते हैं कह रहे हैं तीन मानक पासों को जमीन पर फेंका जाता है यहाँ आपको ध्यान क्या देना है दोस्त यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि पासा कैसा है मानक पासा है मानक पासे का मैंने पहले ही रूल बताया था एक के विपरीत छः होगा दो के विपरीत सात पाँच होगा तीन के विपरीत चार होगा तीन के विपरीत चार होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबका जो अपोजिट का जोड़ होगा वो सात होगा तो चलिए हम देखते हैं यदि उनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का जो जोड़ है कितना है तेरह है अगर ऊपरी संख्या हम मान लेते हैं छ छ है या फिर हम मान लेते हैं छह पांच दो है छ पांच ग्यारह दो तेरा ठीक है या हम एक और मान लेते हैं कि चार है तीन है और पांच है सब में अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं देखिए सब में तेरह आया छे, छे बारह एक तेरह छह पांच ग्यारह दो तेरा चार तीन सात छः तेरह सब में तेरा आया हुआ है समझते जाना अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है अभी इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे लेकिन अभी आप ऐसे समझ लो बाई वे आप शॉर्ट ट्रिक भूल गए फॉर्मूला भूल गए तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे लगाओगे वो भी आपको पता होना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए अब देखिए देखिए ध्यान से मैंने आपको बताया था मानक पासे में विपरीत सतहों का जोड़ सात होता है जब ऊपर छः आया है तो नीचे क्या आया होगा एक ऊपर छ आया है तो नीचे क्या आया होगा एक जब ऊपर एक आया है तो नीचे क्या आया होगा छे क्यों क्योंकि हमेशा विपरीत सतहों का जोड़ कितना होता है सात होता है अब दूसरे में चलो देख लेते हैं अगर ऊपर है, तो नीचे एक आया होगा ऊपर पांच आया है तो नीचे दो आया होगा ऊपर दो आया है तो नीचे पांच आया होगा इसमें देख लेते हैं ऊपर चार आया है तो नीचे तीन आया होगा ऊपर तीन आया है तो नीचे चार आया होगा ऊपर छह आया है नीचे एक आया होगा सब में देख सब में देखिए संख्याओं का जोड़ पूछा है सबका जोड़ देखिए दोस्त आठ आया कि नहीं आया सबका जोड़ आठ आया कि नहीं आया आप कोई भी संख्या लेंगे सबका आंसर कितना होगा दोस्त मेरे भाई आठ ही होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है ठीक है अगर आगे वही बात किया जाए आगे वही बात किया जाए तो तीन पासा है तीन पासा है तो तीन गुड़े सात कर लो तीन गुड़े सात कर लो कितना हो गया इक्कीस हो गया और इक्कीस में से तेरह घटा दो माइनस तेरह घटा दो जितना था तो देखिए ग्यारह ग्यारह में से तीन गए आठ एक में से एक गए कुछ नहीं आंसर कितना आ गया आठ तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया इसका मतलब ये है कि जितना पासा रहे जितना पासा रहे वो लीजिए और आपको पता है जो विपरीत सतहों का जोड़ होता है उससे गुड़ा कर दीजिए जैसे एक क्वेश्चन आपको यहीं पूछता कि पांच मानक पांच मान लो इसी में जोड़ दू एक क्वेश्चन मैं बोलूं पांच मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है यदि उनकी ऊपरी सतहों का जोड़ बीस है तो नीचे आई संख्याओं का जोड़ क्या होगा तो आप ध्यान रखिएगा पांच मानक पासा बोला है तो पांच गुड़े सात करना है पांच सतह पैंतीस हो गया पैंतीस में से बीस माइनस करना है आंसर कितना आ गया पंद्रह आ गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बीस पासा बोले तो बीस गुड़े सात करना है जो आपको ऊपर आया हुआ है उसको घटा देना है जो आंसर आया वही आपका हो जाएगा अब जैसे यहाँ पे तीन था हम कर लिए मान लो बीस पासा दे दे पचास पासा दे दे आपसे खेलना चाहे आपसे बीस पासा दे दे आपको बोलेगा बीस पासों को एक साथ जमीन पर फेंका जाता है उनके ऊपरी सतहों का जोड़ सौ आता है तो निचली सतहों का जोड़ कितना होगा तो कुछ नहीं करना है बीस गुड़े सात बीस सत्ते एक सौ चालीस और उसके बाद सौ घटा देना है आंसर कितना आ गया चालीस हो गया आंसर ठीक है चलिए अब आप लोग इसमें दिक्कत नहीं है जो ये चीजें बताई गई आपको चलिए चलिए अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स अब एक कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स खुला पासा क्या पूछा जाता है खुला पासा चलिए अब खुले पासे की अगर हम बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा खुले पासे में कैसे कर देते हैं अब बता आप, आप सभी लोगों को पता है छः जो है इनके फलक होते हैं छः इनके फलक होते हैं तो हम छः फलक बना दिए हैं ठीक है छः फलक बना दिए हैं कुछ भी लिखा जाए एक दो तीन पाँच छ चार आपसे ऐसे दे के आपसे पूछ लेगा आपसे पूछ लेगा कि दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी छः के विपरीत कौन सी संख्या होगी या चार के विपरीत कौन सी संख्या होगी कोई बात नहीं फ्रेंड्स अब नेट नहीं चल रहा है अब नेट नहीं चल रहा है तो क्या ही कर सकते हैं यूबीपीसी का है फ्रेंड्स का है चलिए चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आगे अब यहां पे यहाँ पे आंसर अगर आपको कहा जाए तो हमेशा याद रखिएगा दो के विपरीत क्या होगा पांच होगा तीन के विपरीत क्या होगा छे होगा और ये जो इधर और उधर हैं ये सब एक दूसरे के विपरीत होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है जब भी खुला डाइस दे खुला पासा दे तो इसका मतलब जो अल्टरनेट पे रहेगा वो आंसर होगा और जो बच गया इधर उधर जो लगाया गया है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं बहुत बढ़िया एक के विपरीत चार होगा एक के विपरीत चार दो के विपरीत पांच और तीन के विपरीत छ होगा ठीक अब एक क्वेश्चन और आपको मैं यहीं से पूछता हूँ एक क्वेश्चन और यहीं पे मैं करवा देता हूं आप लोगों को चलिए चलिए बताइए इसमें एक दो तीन चार पांच छ एक दूसरे के विपरीत कौन कौन सी संख्याएं होंगी चलिए बताइए कोई बात नहीं इंडिया जी अब क्या ही कर सकते हैं अब नेट नहीं चल रहा है आपका चलिए आप लोग कुछ लोग हैं जिनको पता है आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक के विपरीत तीन चार के विपरीत छे और दो के विपरीत जो बीच वाला है इधर बीच वाले से लग जाएगा दो के विपरीत क्या होगा पांच होगा तो आप सभी लोग एक के विपरीत तीन और चार के विपरीत छे और दो के विपरीत पांच तो जब भी ऐसे आंसर आएगा आप लोगों को ऐसे ही करना है ठीक है फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं अब जो टॉपिक चल रहा है ये थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दो टॉपिक हमने खत्म कर लिया एक कैलेंडर खत्म कर लिया है और दूसरा जो हमने खत्म कर लिया है डाइस बहुत अच्छी बात है इंडिया जी अगर समझ में आ रहा है तो चलिए अब हम आगे चलते हैं दर्पण प्रतिबिंब अब दर्पण प्रतिबिंब की बात करें यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब चलिए दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आपको बोलेगा क्लॉक से संबंधित यहाँ पे देखिए अब जो चैप्टर चल रहा है फ्रेंड्स क्लॉक का चल रहा है और पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो दर्पण प्रतिबिंब होगा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा एक घड़ी में चार बजकर पच्चीस मिनट हो रहे हैं यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय हो रहा होगा आपसे पूछा जाए आपसे पूछा जाए ठीक है तो अब देखिए यहां पे आप देखिए यहां पे कितने बजकर कितने मिनट मान लो कि दो बजकर बीस मिनट हो रहे हैं उसको दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा ठीक है तो यहां पे देखिए दो बजकर बीस मिनट दो बजकर बीस मिनट हो रहे हैं दो बजकर बीस मिनट हैं अगर यहाँ आपसे पूछा जाए इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय हो रहा होगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले ग्यारह बज के साठ मिनट में से दो बज के बीस मिनट को माइनस कर देते हैं आंसर जो आएगा फ्रेंड्स वही आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा तो ग्यारह में से दो गए नौ बज के चालीस मिनट ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया अगर आपसे पूछा जाए एक घड़ी में दो बजकर बीस मिनट हो रहे हैं यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय हो रहा होगा तो क्या समय हो रहा होगा आप याद रखिएगा नौ बजकर चालीस मिनट ठीक है तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सब में ग्यारह बजकर साठ से माइनस करेंगे लेकिन अगर घड़ी मान लो चौबीस घंटे वाली हो तब क्या करेंगे तब तेईस बज के साठ मिनट में से घटा देंगे बाकी प्रोसेस सेम वही वाला रहेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स दर्पण प्रतिबिंब अब हम आगे इसी पे चलते हैं दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग एक घड़ी में आठ बजकर बीस मिनट हो रहे हैं एक घड़ी में मैं लिख देता हूं एक घड़ी में आठ बजकर बीस मिनट आठ बजकर बीस मिनट हो रहे हैं हो रहे हैं आगे इसे लगातार 200 दर्पणों में देखा जाए इसे लगातार लगातार दर्पणों 200 दर्पणों में देखा जाए 200 दर्पणों में देखा जाए दो सौ दर्पणों में देखा जाए तब, तब दो सौ में दर्पण में क्या समय हो रहा होगा क्या समय दिखाएगा क्या समय दिखाएगा देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन आप लोग देखिए कि एक घड़ी में आठ बजकर बीस मिनट हो रहे हैं इसे लगातार दो सौ दर्पणों में देखा जाए तब दो सौ दर्पण में क्या समय दिखाएगा तो आंसर आप लोग बताइए क्या होगा नहीं तीन चालीस नहीं होगा फ्रेंड्स ती, तीन चालीस नहीं होगा चलो देखते हैं हम सबसे पहला पहले दर्पण में हम देखेंगे तो ग्यारह साठ में से माइनस करेंगे आठ बीस को क्या आ जाएगा चालीस और यहां तीन तीन बजकर पहले दर्पण में देख रहे हैं तो तीन बजकर चालीस मिनट आ रहा है अब जरा दूसरा चेक करते हैं दूसरा चेक करेंगे हम तो ग्यारह साठ में से फिर हम तीन चालीस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बीस और ये हो जाएगा आपका आठ तो दूसरे दर्पण में आठ बजकर बीस मिनट फिर आया तीसरा करेंगे तो फिर तीन चालीस आएगा चौथा करेंगे तो फिर आठ बजकर बीस मिनट आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम संख्या रहती है सम संख्या पर जो आता है वही दो सौवें दर्पण में दिखाई देगा एक हजार का पूछेगा दो हजार का पूछेगा जितने का पूछेगा अगर विषम संख्या आई तो तीन बजकर चालीस मिनट हो रहा है अगर सम संख्या आई तो समय में कोई चेंजेज नहीं होगा आठ बजकर बीस मिनट हो रहा है दो सौवें दर्पण में भी आठ बजकर बीस मिनट ही होगा तीन चालीस नहीं होगा दोस्त ठीक है याद रखिएगा आठ बजकर बीस मिनट ही होगा अगर यहां पे पूछा जाता एक सौ उन्नीसवें दर्पण में दर्पण में क्या समय हो रहा है तब आप बताते तीन बजकर चालीस मिनट तो आठ बीस ही होगा कोई अंतर नहीं आता लेकिन अगर यहीं पे अब देख लीजिए आपने सूरज यादव आपने बोला क्यों नहीं होगा तो आप खुद समझ जाइए कि तीन चालीस आपको पहले दर्पण में दिखेगा तीसरे में दिखेगा पांचवें में दिखेगा सातवें में दिखेगा नौवें में दिखेगा तो ऑड नंबर वाले में दिखेगा तीन चालीस और सम संख्या वाले में आठ बीस ही आंसर होगा आप इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है हाँ प्रियंका राठौर जी ये पी टेलीग्राम ग्रुप पर रहेगी वहां आप इसको डाउनलोड कर सकती हैं निकालवा सकती हैं देख सकती हैं चलिए आगे चलते हैं हैं अब आते हैं हम कोण पर आधारित प्रश्न हम एक एक क्वेश्चन कराते चल रहे हैं फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन कराते चल रहे हैं आपको इसको ध्यान में रखना है और कोई सी भी बुक लेके या कोई भी कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस सर दिन में जो क्लास होती है प्लीज़ टाइमिंग बता दीजिए दिन में क्लास दोस्त दो बजे से लेकर छः बजे तक दो बजे से लेकर छः बजे तक महामाराथन की क्लास हो रही है एक दो से चार चलती है दूसरी चार से छः फिर रात में आठ से ग्यारह और बारह बजे तक चलती है तो आगे देखिए कोण पर आधारित प्रश्न के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं फ्रेंड्स आप देखिए अगर मिनट की सुई की बात किया जाए मिनट की सुई की बात किया जाए तो आपको पता है मिनट की जो सुई होती है साठ मिनट में साठ मिनट में कितना एंगल घूम जाती है कितना कोण घूम जाती है 360 डिग्री अगर वहीं पर एक मिनट की बात किया जाए एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री एंगल का कोण बना देगी तो आप ध्यान रखिएगा 360 सौ साठ अपॉन जीरो से जीरो छ छा छत्तीस इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मिनट वाली सुई एक मिनट में छः डिग्री का कोण घूम जाता है ठीक अगर वहीं आपसे बात किया जाए वहीं आपसे बात किया जाए घंटे वाली सुई की तो पूरा बोर्ड दिख रहा है चलिए घंटे वाली सुई की बात किया जाए फ्रेंड्स तो आपको पता है कि एक घंटे में अगर आपसे कहा जाए तो बारह घंटे में कितने घंटे में बारह घंटे में बारह घंटे में तीन सौ साठ डिग्री कोण घूम जाती है तो एक घंटे में कितना घूमेगी फ्रेंड्स एक घंटे में कितना घूमेगी तो थ्री सिक्सटी डिग्री अपॉन बारह तो बारह या छत्तीस तो यानी एक घंटे में घंटे वाली सुई तीस डिग्री एंगल घूमती है तो अगर घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो साठ मिनट हो जाएगा साठ मिनट में कितना एंगल घूम रही है तीस डिग्री का तो एक मिनट में कितना घूमेगा एक बटे दो तो दो चीज़ें यहाँ से कन्फर्म हुई कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री एंगल घूम जा रही है छः डिग्री एंगल घूम जा रही है वहीं घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री एंगल घूम रही है तो आधा डिग्री यानी हाफ डिग्री इसका मतलब ये हुआ दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से हर मिनट साढ़े पाँच डिग्री एंगल एक्स्ट्रा बना देती है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनट और घंटे की सुइयों में कि एक मिनट में घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई कितना ज्यादा डिग्री एंगल बना लेती है तो साढ़े पांच डिग्री अधिक एंगल बनाती है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है यह चीज आप समझे रहिएगा अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स इसी में और हम ऐड करेंगे कोण पर आधारित प्रश्न में ही इसी में और ऐड करेंगे चलिए अब हम सबसे पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं एक घड़ी में तीन बजकर तीस मिनट हो रहे हैं तब घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण क्या होगा कितने बजकर कितने मिनट तीन बजकर तीस मिनट कितने हो रहे हैं दोस्त तीन बजकर तीस मिनट तीस मिनट हो रहे हैं तीन बजकर तीस मिनट हो रहे हैं आपसे पूछा है आपसे पूछा है कि घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण कितना होगा आपसे थीटा पूछा हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है थीटा बराबर थर्टी एच माइनस इलेवन बाई टू एम कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए केवल यही फॉर्मूला जब भी आपको दो एंगल के बीच यानी घंटे और मिनट की सुई घंटे और मिनट के बीच का कौन आपसे पूछा जाए तो थीटा इज इक्वल टू इलेवन बाई टू थर्टी एच माइनस इलेवन बाई टू एम से सारे क्वेश्चन आप लोग निकाल सकते हो अब हम देखते हैं कैसे एच का मतलब यहाँ क्या है दोस्त यहाँ एच का मतलब आर से है घंटे से है वहीं अगर आपसे बात किया जाए मिनट की बात तो ये एम जो है वो मिनट का डिनोट करता है तो अब हम देखते हैं इसको लगा के कि थर्टी एच की बात किया है तो कितने बज रहे हैं तीन बजकर तो इसका मतलब 30 3, उसके बाद 30 कितना 30. अब इसी को सॉल्व कर लो आंसर आप लोगों का आ गया फ्रेंड्स थर्टी एच माइनस इलेवन बाई टू एम से देखिए कैसे जल्दी से इसको लगाएंगे तीस तिहा नब्बे हो गया माइनस ग्यारह तिहाई तैतीस ग्यारह तिहाई अपॉन टू यहां पे आपको पता है 180 सौ अस्सी माइनस थ्री या इसको कट जाएगा काटिए मत अभी ऐसे ही लिख लीजिए यहाँ पे जो अंतर आया है माइनस आया है यहाँ पे आपको केवल और केवल दोस्त अंतर निकालना है माइनस में आंसर नहीं आएगा बस आपको माइनस करना है बस आपको इतना देखना है कि 330 में से 180 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा जीरो तेरह तेरह में से आठ गए पांच अब यहाँ पे आपका बना दो दो में से एक गए एक डेढ़ सौ आया अपॉन टू आंसर कितना आ गया दोस्त पचहत्तर डिग्री तो पचहत्तर डिग्री का एंकल दोनों के बीच में बनेगा आप लोगों का पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है सेवेंटी डिग्री ठीक है अब एक क्वेश्चन और मैं जल्दी से आप लोगों को करवाता हूं <laughs> जैसे आपसे पूछे जैसे आपसे पूछे चार बजकर तीस मिनट चार बजकर तीस मिनट चार बजकर तीस मिनट पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा कुछ नहीं करना है दोस्त थीटा इज इक्वल टू यहां पे आप देख लीजिएगा चार बजकर तीस मिनट पर मिनट और घंटे के बीच और घंटे के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा कितने डिग्री का कोण बनेगा कोण बनेगा कुछ नहीं करना है थीटा इज इक्वल टू थी थर्टी एच थीटा इट इक्वल टू थर्टी एच माइनस इलेवन बाई टू एम बस इतना आपको याद रखना है कैसे निकालेंगे अब आपको पता है थीटा यानी थर्टी एच एच की वैल्यू कितनी है चार माइनस इलेवन बाई टू एम इलेवन बाई टू एम यानि यहाँ पर इलेवन बाई टू एम की वैल्यू कितनी है तीस बस इतने से काम हो जाएगा आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए देखिए पे 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 अब आप, यहाँ पे बारा, 120 अब आप कितना आ जाएगा दोस्त, 15 आ जाएगा जाएगा दोस्त का जब मल्टीपल करते हैं तो जिनको मल्टीपल करना नहीं आता बहुत आसानी से हो जाता है पाँच का पाँच लिखो पाँच एक, एक लिख दो एक सौ पैंसठ आ गया एक सौ पैंसठ में जब एक सौ बीस माइनस करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बना पैंतालीस डिग्री का तो आंसर क्या गया दोस्त आपका पैंतालीस तो इस तरीके का क्वेश्चन केवल और केवल आपको छोटा सा याद करना है थर्टी एच माइनस इलेवन बाई टू एम से सभी खत्म हो जाएगा सभी आंसर आ जाएंगे अब हम दोस्त आगे चलते हैं जो कोण पर आधारित हमने कर लिया दर्पण पर आधारित कर लिया अब हम आगे चलते हैं आगे चलते हैं किस पर एक दो क्वेश्चन इसी में और ले लेते हैं चलिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं उसको भी करा देते हैं आगे एक क्वेश्चन है एक घड़ी में एक बजकर चालीस मिनट हो रहा है एक घड़ी में एक बजकर चालीस मिनट हो रहा है ध्यान से देखिएगा एक घड़ी में लिख देता हूं एक क्वेश्चन एक घड़ी में एक घड़ी में एक बजकर एक बजकर चालीस मिनट हो रहा है एक बजकर चालीस मिनट हो रहा है ठीक है फ्रेंड्स हो रहा है आगे कह रहा है वह समय ज्ञात कीजिए वह समय ज्ञात कीजिए वह समय ज्ञात कीजिए वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई पचहत्तर डिग्री से आगे बढ़ती है वह समय ज्ञात की ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई जब घंटे की सुई पचहत्तर डिग्री से पचहत्तर डिग्री से आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी ठीक है उस समय घड़ी में क्या समय हो रहा होगा वह समय ज्ञात कीजिए अब देखिए यहां पे आप लोगों को मैंने पहले ही जो कॉन्सेप्ट बताया था कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री एंगल घूम रही है हाफ डिग्री तो आप सोचिए हाफ डिग्री एंगल हाफ डिग्री एंगल कितने मिनट में घूम रही है एक मिनट में घंटे वाली सुई तो पचहत्तर डिग्री एंगल घूमने के लिए पचहत्तर डिग्री एंगल घूमने के लिए कितना समय लेगी कुछ नहीं करना है बटे में एक बटा दो एक बटा दो रहेगा तो जब बटे का एक बटा दो रहता है तो ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स डेढ़ सौ मिनट समय लेगी आप लोगों का आंसर आ गया डेढ़ सौ मिनट का मतलब दो घंटे तीस मिनट तो इसका मतलब ये हो गया एक घड़ी में एक बजकर चालीस मिनट हो रहा है तो वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई पचहत्तर डिग्री से आगे बढ़ेगी तब वह समय बताना है आपको आपको पता है कि पचहत्तर डिग्री से जब आगे बढ़ेगी तो समय कितना अधिक लेगी डेढ़ सौ मिनट समय अधिक लेगी और समय हो कितना रहा था एक घंटा चालीस मिनट हो रहा था सॉरी एक बजकर चालीस मिनट हो रहा था उसमें से जब दो घंटे तीस मिनट और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक बजकर हो रहा है दो घंटे जोड़ेंगे तो दो बज जाएगा तीन बज जाएगा तो बज कितना जाएगा तीन बज जाएगा और बीस मिनट अभी यहाँ बचा हुआ है कितना मिनट कितना मिनट बचा है दोस्त तीस मिनट बचा हुआ है और चालीस मिनट यहाँ बचा हुआ है तो एक घंटे अब ध्यान से देखिए आप लोग हो सकता है कि मैं बताने से कन्फ्यूज़ हो जाओ तो यहाँ पर टोटल कितना टाइम हुआ दो घंटे दो घंटे तीस मिनट, दो तीस मिनट घंटे कैसे दोस्त आपको पता है साठ मिनट का एक घंटा होता है तो यहां पर साठ मिनट का एक घंटा तो तीस साठ साठ एक सौ बीस एक सौ बीस मिनट हो गए दो घंटे का बचा कितना तीस बचा तो यानी दो घंटा तीस मिनट समय बाद ये चीजें हुई हैं। डिग्री का यहां फ्रेंड्स यहां पे डिग्री का कन्वर्ट डिग्री से डिग्री हट जाएगा ना यहां पे देखिए यहां पे हाफ डिग्री में एक मिनट घूमता है तो पचहत्तर डिग्री कितने में घूमेगा पचहत्तर डिग्री ऊपर गया और हाफ डिग्री यहां नीचे आया तो डिग्री से डिग्री खत्म हो जाएगा हम निकाल रहे हैं समय हम निकाल रहे हैं वो समय क्या होगा तो आपको पता है आपको पता है यहां पे दो घंटे तीस मिनट हो गया तो जब जोड़ेंगे एक बजे एक बज रहा है एक बजे में दो घंटे और जोड़ेंगे तो कितना बज जाएगा एक के बाद दो दो के बाद तीन तीन बज जाएगा और यहां पर 40 30 70 मिनट और हो गए तो चार बजकर दस मिनट पर बहुत बढ़िया बहुत सारे लोगों ने दीपिका इंडिया इन सब ने चार बजकर दस मिनट बोला है तो आंसर बिल्कुल चार बज के दस मिनट पे ये काम आपका होगा तो आप लोग याद रख लीजिएगा चार बज के दस मिनट पर पचहत्तर डिग्री से आगे घड़ी बढ़ेगी ठीक है चलिए चलिए अब इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप पे कौन से नेक्स्ट टाइप पे अब वो वाला क्वेश्चन जो आपका तीसरा टाइप है समय पर आधारित प्रश्न समय पर आधारित प्रश्न सबसे पहले हम कर लेते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि दो से तीन बजे के मध्य दो से तीन बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो यहां पे तीन रूल हैं वो आप लोग जरूर ध्यान दे लीजिएगा अब देखिए जैसे एक मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं यहां जैसे एक घड़ी होती है आपको पता है बारह छ तीन नौ आपको पता है उसके बाद एक दो चार पांच सात आथ, ग्यार, ओ, दस ग्यारह आपकी जो घड़ी होती है आपको पता है कि विपरीत कब होते हैं विपरीत कब होते हैं आपको पता है कि विपरीत जब होंगे जब सेम ऐसे एक लाइन खींची जाती है 180 डिग्री बनता है तो 180 डिग्री का जो ये एंगल बन रहा है कितने से कितने मिनट पे यानी तीस मिनट पे बन रहा है तो ध्यान दीजिएगा यहां अगर आपसे पूछे कि कब एक दूसरे के विपरीत होंगी तो मिनट की जगह क्या रखते हैं दोस्त विपरीत होने के लिए विपरीत जब होगी विपरीत होने होने पर विपरीत होने पर मिनट इज इक्वल टू थर्टी अब देखिए एक हमने आपको बता दिया अगर दूसरा यहीं आपसे बात करें हम दूसरा फ्रेंड से बात करें ध्यान से देखिएगा अगर बोले कि एक दूसरे के समकोण कब होंगी तो आपको पता है समकोण जो होता है 90 पे होता है 90 पे होता है इस समय मिनट में कितना है 10 15 हो गया तो इसका मतलब समकोण की बात करेगा समकोण की बात करेगा तो मिनट इज इक्वल टू कितना लिखेंगे मिनट इज इक्वल टू फिफ्टीन लिखेंगे तीसरी बात संपाती की आती है संपाती का मतलब ये होता है फ्रेंड्स संपाती का मतलब आपका क्या होगा संपाती का मतलब एक सुई दूसरे सुई के ऊपर इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के संपाती हैं जब बारह बजता है तो वो दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होती हैं तो बारह बजे का टाइम क्या होता है एक दूसरे के संपाती होती हैं तो संपाति होने के लिए यहाँ मिनट कि संख्या कितनी है मिनट कितने हुए हैं जीरो हुए हैं यानी संपाति पर मिनट की संख्या जो है शून्य है ठीक है तो इसका मतलब मिनट यहां क्या होगा फ्रेंड्स मिनट यहां क्या होगा मिनट इज इक्वल टू संपाति संपाति इक्वल संपत्ति में मिनट इज इक्वल टू जीरो अब ये तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी अब जो भी क्वेश्चन आएगा मैंने आपको बताया विपरीत होने पर मिनट की जगह तीस क्यों ले रहे हैं समकोण होने पर पंद्रह क्यों ले रहे हैं और संपाती होने पर हम जीरो क्यों ले रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं अब एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे लिखिए एक क्वेश्चन के साथ हम इसको आगे करते हैं जैसे यहां पे लिखा गया है दो से तीन बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो समय इज इक्वल टू फाइव एच प्लस माइनस मिनट ट्वेल्व बाई इलेवन फाइव एच प्लस माइनस मिनट ट्वेल्व बाई इलेवन ये एक ही फॉर्मूला है समय के लिए टाइम के लिए अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा केवल और केवल इसी को इसी फॉर्मूले से सभी आपके समय वाले क्वेश्चन हो जाएंगे कैसे अब एक क्वेश्चन जो आपको मैंने बोला था दो से तीन बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी यहां आपसे पूछा है विपरीत तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम फाइप लगाएंगे एच की जगह क्या बोला है दो से तीन बजे के मध्य इसका मतलब एच की जगह क्या दो प्लस माइनस मिनट मिनट की जगह हम कितना लेंगे फ्रेंड्स आपको पता है विपरीत पूछा है तो हम कितना लेंगे तीस लेंगे मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन अब यहां पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए यहां पर आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा कोई बात नहीं इंडिया जी हो जाएंगे तगड़े हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पे देखिए मल्टीप्लाई करो यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि आप प्लस वाला भी सॉल्व करिए और माइनस वाला भी सॉल्व करिए तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा अब देखिए यहाँ पे मैं ही सॉल्व करता हूं पाँच का मल्टीप्लाई टू करोगे सबसे पहले इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं इस क्वेश्चन को पांच गुड़े दो प्लस तीस मल्टीप्लाई यहां ब्रैकेट के बाहर जो होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है टेल्व बाई इलेवन अब अगला जो रख लेते हैं दोस्त फाइव मल्टीप्लाई टू माइनस रख लेते हैं तीस मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन ठीक अब दोनों को सॉल्व करते हैं देखते हैं पान दुनी दस प्लस तीस मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन ठीक अब देखिए तीस दस चालीस मल्टीप्लाई 12 बाई इलेवन अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बारह चौक अड़तालीस यानी चार सौ अस्सी बटे ग्यारह अब इसको जरा काटिए ग्यारह चौक चौवालीस चार आया चार आया ग्यारह ग्यारह तिही 33 बचा कितना सात बचा तो सात बटे ग्यारह ये क्या आ गया तिरालीस सही सात बटे ग्यारह अब दूसरे को जरा हम करते हैं 5 दूनी दस माइनस तीस मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन यहाँ पे यहाँ पे माइनस वाला आंसर नहीं होता है दोस्त क्योंकि यहाँ पे अब आ गया माइनस तो ये वाला आंसर नहीं होगा इसका मतलब उस समय कितना टाइम हो रहा होगा तिरालीस सही सात बजकर ग्यारह मिनट इसका मतलब ये हो गया कि दो बजकर तिरालीस सही सात बटा ग्यारह मिनट पर ग्यारह मिनट पर एक दूसरे के विपरीत होंगी अब इसको देखो करके थोड़ा जब मैं बनाऊंगा करके दिखाऊंगा तब आपको एहसास होगा जैसे देखिए ये आपका ये आपकी घड़ी है और उसने बोला है दो से तीन के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तो देखिए आप लोग ध्यान से एक मैं बताऊंगा बस बारह छ तीन नौ एक दो चार पांच सात आठ दस ग्यारह अब देखिए ये है उसने बोला है दो से तीन के मध्य कब एक दूसरे के विपरीत होंगी अब आप सोचिए जब दो से तीन के मध्य हो रहा है एक दूसरे के विपरीत की बात कर रहा है तो विपरीत तो अब इस पर ये घड़ी है अब मान लो कि ये अभी दो बजे हुए हैं ठीक अभी दो बजे हुए हैं जब तक ये मिनट वाली जब तक ये मिनट वाली सुई इधर घूम के इधर तक आएगी तब तक ये भी तो कुछ चल जाएगी इस साइड आपकी कुछ इधर भी चल जाएगी अब मिनट की सुई जब आते जाएगी आते जाएगी तो यहां कहीं पे होगी तिरालीस मिनट पैंतालीस हो जाएगा तब देखिए ये सीधी लाइन एकदम सही, दो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसको हमेशा ऐसे लगाते हैं फ्रेंड्स इसका मतलब ये होगा कि दो से तीन बजे के मध्य जो सुइया एक दूसरे के विपरीत होंगी किस समय होंगी तो आप याद रखिए दो

कहें तो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं हम क्वेश्चन यहां लिख देते हैं दोस्त क्वेश्चन यहां लिख देते हैं नहीं तो आप लोग भूल जाओगे दो से तीन बजे के मध्य घड़ी की सुइयाँ दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत कब होगी चलिए एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन लिख देते हैं नहीं तो बाद में जब पीडीएफ पड़ेगी तो अब आप नहीं समझ पाओगे दो से तीन बजे के मध्य बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइया घड़ी की दोनों सुइया घड़ी की दोनों सुइया एक दूसरे के विपरीत कब होंगी एक दूसरे के विपरीत कब होंगी कब होंगी तो ये क्वेश्चन है इससे आप लोग ध्यान दे लीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स अब हमने तीस क्यों लिखा क्योंकि ये विपरीत है क्योंकि ये विपरीत है विपरीत में तीस डिग्री का है तीस डिग्री मिनट घूम जाता है हाँ तीन बजने से लगभग तीन आ, इंडिया जी तीन बजने से लगभग सत्रह मिनट कम है अगर हम ये सही वाला छोड़ दें सात सही ग्यारह तो एकदम सही आप बोल रहे हो तीन बजने से सत्रह मिनट लगभग लगभग सत्रह मिनट पहले दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स हमने अब एक बता दिया है विपरीत वाला अब एक हम पढ़ा दे सूरज जी अब हम आगे चलते हैं हमने विपरीत वाला बता दिया अब हम बताएंगे समकोण वाला समकोण वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं लंबोत ठीक है चार से पांच बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत तो होंगी तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे चार से पांच के मध्य चार से पांच के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां कब घड़ी की घड़ी की दोनों सुइयां दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण पर होंगी एक दूसरे के समकोण पर होंगी यहां भी कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स वही करना है समय इज इक्वल टू फाइव एच प्लस माइनस मिनट मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन ये नियम लगाना है और आपको पता है यहाँ पे एक बार हम ले लेते हैं फाइव एच प्लस एम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन दूसरी बार हम ले लेते हैं फाइव एच माइनस मिनट मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन अब रख के देख लेते हैं दोनों में चार से पाँच बजे के मध्य तो पाँच गुड़े चार प्लस मिनट की जगह कितना रखा जाएगा पंद्रह रखा जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था समकोण बनाने के लिए कितना चलती हैं? मिनट चलती हैं। तो पंद्रह मिनट यहां पे ऐड हो गया मल्टीप्लाई यहां पे भी वही कर लेते हैं फाइव मल्टीप्लाई फोर माइनस मिनट कितना पंद्रह मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन अब यहां पे देखिए पांचौ बीस हो गया प्लस पंद्रह मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन यहाँ पे देखिए बीस पंद्रह गए पाँच आ गया मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स अगला हम यहाँ पे लें कितना आ जाएगा बीस दस तीस पाँच पैंतीस पैंतीस गुड़े बारह एपौन कितना आ गया ग्यारह यहाँ पे बारह पंचे साठ एपॉन ग्यारह इसको देखो अब एक ही बार में आ जाएगा ग्यारह पचे पचपन पचपन पांच साठ बटे ग्यारह इसका मतलब इसका मतलब यहां जो पहली बार समकोण होगा वो चार बजकर 5 मिनट 5 सही 5 बटे ग्यारह मिनट पे समकोण पर हो जाएंगे समकोण पर हो जाएंगी वहीं अगर इसकी बात किया जाए तो आप इसको गुड़ा करिए बारह पंचे साठ सिफर वन कैरी बारह तिहाई छत्तीस छत्तीस छे बयालीस चार सौ बीस अपॉन ग्यारह अब इसको देख लेते हैं बारह पंचाठ से बारह तिहाई छत्तीस ठीक है तो ग्यारह चूंकि चौवालीस तैतीस हो गया तैतीस उसके बाद आ जाएगा तैतीस सात सात दो नौ हो जाएगा नब्बे हो जाएगा ग्यारह अठे अट्ठासी अब आ गया ये हो जाएगा अड़तीस सही अड़तीस सही दो बटे ग्यारह तो दो बार मिलती है समकोण की सुइया दो बार समकोण पर होती है कब कब एक चार बजकर पांच सही पांच बटे ग्यारह मिनट पर समकोल होंगी दूसरी बार चार बजकर अड़तीस सही दो बटे ग्यारह मिनट पे समकोण होंगी तो जो घंटे जो समकोण होती हैं एक घंटे में दो बार समकोण होती हैं हमेशा जो घड़ी की सुइयां होती हैं एक घंटे में दो बार समकोण होती हैं पहला जो चार से पाँच बजे के बीच में समकोण हुआ वो पाँच सही पाँच बटे ग्यारह मिनट पे समकोण हुई और वहीं दूसरी जो समकोण हुई चार बजकर अड़तीस सही दो बटे ग्यारह इसको मैं रेड से रेड से मैं कर देता हूँ ये आंसर है आप लोग याद रखिएगा आंसर इसका फ्रेंड्स आया इसका पह, आंसर दो आंसर आए पहला आंसर आपका आया चार बजकर चार बजकर अड़तीस सही दो बटे दो बटे ग्यारह मिनट ग्यारह मिनट पे और वहीं दूसरा आंसर जो आया है चार बजकर चार बजकर पांच सही पांच बटे ग्यारह मिनट पे ये आप दोनों आंसर आपका वैलिड है दोनों आंसर आपका सही है क्यों क्योंकि समकोण एक घंटे में सुइयां दो बार होती हैं ठीक है फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं अब हम आगे चलते हैं एक बार संपात वाला भी कर लेते हैं एक और पेज ऐड करते हैं एक संपाति वाला क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद ये तीनों टाइप खत्म हो जाएगा संपाति की बात करें तो देखते हैं पांच से छ के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी तो चलिए देख लेते हैं पांच से छ बजे के मध्य पांच से छ बजे के मध्य पांच से छह बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे की संपाति होंगी कब एक दूसरे के एक दूसरे के संपाति होंगी पाति होंगी कुछ नहीं करना है यहां भी आपको पता है कि जो समय इज इक्वल टू छोटा छोटा थोड़ा लिखते हैं समय इज इक्वल टू फाइव एच प्लस माइनस मिनट मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन अब आपको कुछ नहीं करना है फाइव एच की जगह कितना रखना है जहां से शुरुआत है पांच प्लस माइनस मिनट यहां शून्य रखना है क्योंकि दोनों में मिनट का कोई अंतर नहीं है दोनों एक दूसरे पे चिपकी हुई हैं जैसे कि 12 बजे 12 बजे को संपाति कहते हैं मल्टीप्लाई 12 बाई इलेवन अब जरा देखिए पच पच्चीस अब प्लस माइनस जीरो है तो जीरो का कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई इलेवन अब इसको जोड़ लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पच्चीस दो न पचास कैरी पच्चीस इक्यानम पच्चीस पांच तीस तीन सौ बटे ग्यारह आ गया अब आंसर क्या आ जाएगा दोस्त इसका ग्यारह दूनी बाईस आठ बचा ग्यारह सते सतहत्तर सतहत्तर तीन अस्सी सत्ताइस तीन बटे ग्यारह तो इसका मतलब कब संपाती होंगी पाँच से छह बजे के मध्य तो पांच बजकर सत्ताईस सही तीन बटे ग्यारह मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी क्या होंगी फ्रेंड्स दोनों सुइयाँ एक दूसरे के संपाती होंगी ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए अब ये क्वेश्चन भी आपका आ गया यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा आंसर की बात किया जाए तो आप ध्यान रखिएगा पांच बजकर पांच बजकर पांच बजकर सत्ताईस सही सत्ताईस सही तीन बटे ग्यारह मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी इसमें आंसर आपका क्या आया ये ठीक है अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स जितने लोग फ्रेंड्स आप सभी लोग जुड़े हुए हो सब लोगों को समझ में आ रहा है या कोई डाउट है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ते हैं अब यहां पे चलते हैं फ्रेंड्स यहां पे जो चीजें अभी तक बताया उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है यहां पे जैसे लिखा गया है आप देखेंगे प्रत्येक एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइया एक दूसरे के विपरीत एक बार आती हैं ध्यान रखिएगा कि हर बार एक घंटे में जो दोनों सुइया होती हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं लेकिन 12 घंटे में यह स्थिति केवल 11 बार होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि फ्रेंड्स पांच से सात बजे के मध्य यह स्थिति केवल एक बार होती है ठीक छह बजे अब इसको मैं घड़ी में घड़ी बना के दिखाता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा देखिए यह घड़ी हो गई जैसे यह है अब यहां बोला है पांच से सात के मध्य यह स्थिति केवल एक बार होती है देखिए वो कब होगा अभी मान लीजिए आपका जो है पाँच बजा हुआ है सपोज दैट सपोज दैट आपका ये छोटी वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है जो बड़ी रहती है अभी आपका पांच बजा हुआ है अब सोचिए ये धीरे 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 ऐसे जाएगी इधर आती रहेगी इधर आती रहेगी और आपको पता है कि ये जो सुई है सॉरी पाँच से छः बजे के मध्य ना ये छोटी वाली सुई है ये बड़ी वाली सुई है अब आप सोचिए कि ये सुई जो है बड़ी वाली जो सुई मिनट वाली है वो तेजी से जाती है तो ये इधर बढ़ती आ रही है बढ़ती आ रही है इधर जा रही अभी तक देखिए विपरीत नहीं हुई है ऐसे जाती रहेगी और ये भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी <laughs> जैसे ही जैसे ही मिनट वाली सुई दोबारा यहाँ पहुंचेगी वैसे ही छोटी वाली जो सुई घंटे वाली है वो सीधा छे पे पहुंच जाती है ध्यान से समझना सीधा पे पहुंच जाती है तो पाँच से छः बजने में एक बार तो हो गया अब छः के बाद जब सात बजता है तब विपरीत नहीं होती क्यों क्योंकि देखिए अब बड़ी वाली सुई फिर जब दोबारा यहां से चलना शुरू की चल रही है तो यह भी धीरे धीरे चलती होगी तो जब बड़ी वाली सुई छः पे आई होगी तो ये वाली यहाँ बीच में होगी अब ऐसे करते करते जब ये यहाँ पे आई होगी अभी जो है सात बज गए हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं हुई हैं क्योंकि ये वाली सुई यहाँ पहुँच चुकी है और ये वाली सुई यहाँ पहुँच चुकी है अब देखिए अभी विपरीत नहीं हुई है जैसे ही मिनट वाली सुई थोड़ा सा आगे पहुँचेगी वैसे ही ये विपरीत हो जाएगी तो इसका मतलब छः से सात के बीच यह नहीं मिलती हैं बाकी हर एक घंटे में ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं ठीक है समझ में आया अब दूसरा कॉन्सेप्ट एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती यहां भी एक बार आती हैं लेकिन 12 घंटे में यह स्थिति केवल 11 बार होती है क्योंकि 11 से एक बजे के एक बजे यह स्थिति केवल एक बार होती है ठीक बारह बजे यानी बारह से एक के बीच में ये नहीं मिल पाती हैं क्यों नहीं मिल पाती हैं ये आपको पता है जब ये बारह है बारह बजे हुए हैं बारह बजे हुए हैं जब एक बजेगा बारह से आगे बढ़ेगा तो बड़ी वाली सुई चलती जाएगी चलती जाएगी जब फिर ये बारह पे पहुंच जाएगी और ये घंटे वाली सुई तो एक पे पहुंच चुकी होगी तो बारह से एक के बीच में ये सुइया आपस में नहीं चिपक पाती हैं नहीं मिल पाती हैं तो बारह से एक के मध्य जो है ये एक दूसरे के संपाति नहीं हो पाती हैं ठीक है ठीक है? है तो याद रखिएगा इसको अब तीसरी बातें हम करें समकोण वाला प्रत्येक एक घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत दो बार आती हैं लेकिन 12 घंटे में यह स्थिति 22 बार होती है आप सोचेंगे जब हर घंटे में दो बार लंबवत होता है तो 12 घंटे में 22 बार क्यों होता है 24 बार क्यों नहीं होता तो इसकी इसका रीजन ये है कि दो टाइम ऐसा आता है जब केवल और केवल एक घंटे में केवल एक बार मिल पाती हैं दो बार नहीं मिल पाती हैं कैसे अब क्योंकि आठ से दस बजे के मध्य यह स्थिति केवल तीन बार होती है यानी दो से चार बजे के मध्य यह स्थिति केवल तीन बार होती है तो दो टाइम ऐसा निकल के आया पहला आठ से दस के मध्य और दूसरा दो से चार के मध्य क्यों नौ से साढ़े नौ के बीच में नहीं मिल पाती हैं और दूसरा जो है तीन से साढ़े तीन के मध्य नहीं मिल पाती हैं इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जब आप खुद से घड़ी बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं मिलती नौ से साढ़े नौ बजे के मध्य और दूसरा जो, दूसरा जो है दूसरा जो है दो से चार बजे के बीच इसमें तीन से साढ़े तीन बजे के मध्य नहीं मिल पाती हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम फ्रेंड्स अब देखिए ये घड़ी जो है हो सकता है कभी आपसे पीसीएस में पूछ ले हो सकता है आईएएस में भी पूछ ले या हो सकता है आरओ एआरओ में पूछ ले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक घड़ी एक समान दर से तेज हो रही है इसे सोमवार याद रखिएगा सोमवार दोपहर 12 बजे देखा गया तो वह दो मिनट पीछे थी जबकि अगले सोमवार दोपहर दो बजे वह चार मिनट अड़तालीस सेकंड तेज थी तब इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा आपसे पूछा है कि सही समय कब दर्शाया होगा तो चलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा करके हाँ बिल्कुल सही है अरविंद राज जी बिल्कुल सही कि ए, कि 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में आपका चौलीस बार ठीक है चलिए अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स आगे चलते हैं यहाँ पे अब आप आगे क्या पूछ रहा है आपसे इसको ध्यान रखिएगा सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि घड़ी कितना तेज हुई है टोटल कितना तेज हुई है तो दो मिनट पीछे थी उसको कवर किया और आगे कितना गई चार मिनट अड़तालीस सेकंड तेज थी तो टोटल कितना तेज हुई है छ मिनट अड़तालीस सेकंड तो टोटल तेज कितना हुई है तो टोटल टोटल तेज कितना हुई है फ्रेंड्स छ मिनट इसको हम एक एक करके लिखते हैं दो प्लस चार मिनट दो मिनट प्लस चार मिनट प्लस अड़तालीस सेकेंड जब सेकेंड में है तो सबको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं दो मिनट बराबर यहाँ पर 120 सेकंड सेकेंड हो जाएगा चार मिनट बराबर यहां हो जाएगा 240 सेकंड सेकेंड और ये कितना है 48 सेकेंड तो सबको जब जोड़ेंगे तो दो एक तीन 300 तीन सो हो जाएगा तीन सौ आठ चार चार आठ दो दस की सिफर वन कैरी दो एक तीन एक चार तो 408 सेकंड टोटल तेज कितनी हुई है फ्रेंड्स चार सौ आठ सेकेंड इसको कैसे हम करेंगे आपको मैं क्वेश्चन से अब बताता हूं ध्यान से देखिए एक घड़ी एक समान दर से तेज हो रही है इसे सोमवार दोपहर बारह बजे देखा गया तो वह दो मिनट पीछे थी जब बारह बजे देखा गया था तो ये दो मिनट पीछे थी लेकिन जब अगले सोमवार दोपहर दो, दो बजे देखा गया तो वो चार मिनट अड़तालीस सेकेंड तेज थी इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया अगर मैं एक लाइन खींचू एग्जैक्ट टाइम ये था तो पहले जब देखा गया तो दो मिनट पीछे थी पहले इसको इसने कवर किया दो मिनट पहले इसको कवर किया इसने दो मिनट और जब अगली बार सोमवार को देखा गया दो बजे तो ये कितना तेज हुई जो सामान्य घड़ी थी उससे चार मिनट चार मिनट अड़तालीस सेकंड तेज थी तो टोटल कितना तेज हुई है छह मिनट अड़तालीस सेकंड तेज हुई है जब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट किए तो चार सौ आठ सेकंड तेज हुई है अब हम इसको देख लेते हैं कितने समय में ये घड़ी चार सौ आठ सेकंड तेज हुई है तो आइए सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं कि कितने सेकंड में चार सेकंड तेज हुई है बारह बजे देखा गया तो वह दो मिनट पीछे थी जबकि अगले सोमवार यानी एक सप्ताह बाद एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्त सात दिन होते हैं और एक दिन में कितने घंटे होते हैं चौबीस घंटे होते हैं प्लस ये हो जाएगा अभी तक हमारा कितना निकला है बारह बजे दोपहर लेकिन दो बजे देखा गया है तो इसलिए दो इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि दो बजे यहाँ शुरुआत बारह बजे से हुई थी बारह से बारह एक हफ्ते बाद यानी बारह बजे से लेकर ये बारह बजे तक कितने हो गए तो सात गुड़े चौबीस हो गए अब दो बजे यानी दो घंटे एक्स्ट्रा लिया है तो ये दो इसलिए हमने एक्स्ट्रा ले लिया ठीक है तो अब देखिए सात चौके अट्ठाईस आठ वन कैरी और सात चौक को अट्ठाईस दो कैरी सात दूनी चौदह दो सोलह एक सौ अड़सठ घंटे प्लस दो और हो जाएगा एक सौ सत्तर घंटे में एक सौ सत्तर घंटे में यह घड़ी कितना तेज हुई है चार सौ आठ सेकेंड तो आप लोग इसको याद रखिएगा कितना तेज हुई है चार सो आठ सेकेंड सर सच में आप बहुत अच्छे 음, <sus> 차. चलिए कोई बात नहीं एक बार और आप लोग दोबारा देखिएगा थोड़ा समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ़ है लेकिन आप लोग समझिएगा ध्यान से अब यहाँ पे टोटल तेज कितनी हुई है टोटल तेज 408 सेकंड हुआ है कितने घंटे में तेज हुआ है तो आपको पता है 170 घंटे में तेज हुआ है कितने घंटे में दोस्त 170 घंटे में तेज हुआ है जब 170 घंटे में 408 सेकंड तेज हुआ है एक्चुअल में हम कितना तेज करना चाहते थे आपको पता है दो घंटा पीछे थी सॉरी दो मिनट पीछे थी घड़ी तो हम एक्चुअल में केवल दो मिनट आगे करना चाहते हैं क्योंकि पीछे केवल दो मिनट थी लेकिन हो कितनी गई है 408 सेकंड आगे हो चुकी है 408 सेकंड आगे हो चुकी है तब हम क्या लगाएंगे तो जब 408 सेकंड 408 सेकंड कितने समय में तेज हुई है 170 घंटे में तो 120 सेकंड सेकेंड हमको तेज करना है तो उसके लिए हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है यहां से ले लेते हैं 408 सौ तेज हुई है 170 घंटे में हमें एक्चुअल में कितना तेज करना है 120 सौ तेज करना है तो 120 का यहाँ पे गुड़ा कर देंगे और 408 का भाग दे देंगे बस यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त कोई दिक्कत नहीं होगी आइए चलिए इसको काटते हैं चार से ही काटते हैं कितना हो जाएगा चार धाम चालीस चार दूनी आठ ठीक ठीक है है अब 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 से 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 ये तीस हो गया अब तीन से, अब इसको हम काटते काटते हैं तीन तीस, तीन से काटते हैं थ्री थ्री जा, मतलब तीन का चौतीस आ गया अब इसको यहां पे हम काट देंगे सत्रह दूनी चौंतीस और दो पंचे दस तो यानी पचास पचास घंटे पचास घंटे में यानी पचास घंटे में ये जो घड़ी थी दो मिनट आगे कब हुई है पचास घंटे में दो मिनट आगे हुई है लेकिन एक सौ सत्तर घंटे में कितना आगे हुई थी टोटल छह मिनट अड़तालीस सेकंड यानी चार सौ आठ सेकंड और हमें एग्जैक्टली exactly क्या निकालना था केवल दो मिनट आगे करना था तो दो मिनट पचास घंटे में आगे हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है आपने घड़ी कब देखी है दोपहर 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 दो बजे या चार मिनट अड़तालीस सेकेंड तेज थी तब इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा तो दोपहर बारह बजे के बाद उसमें पचास और एड कर लेंगे तो आपको पता है कौन सा दिन था सोमवार था सोमवार के बाद जब मंगलवार बजेंगे तो चौबीस घंटे बीत चुका होगा फिर अगला जब बुधवार होगा फिर चौबीस घंटे बीत चुका होगा बारह बज चुके होंगे तो इसका मतलब बुधवार बुधवार को दो बजे ये सही समय बताया होगा बुधवार को दोपहर दो बजे इसने सही समय बताया होगा समझ में आ गया अगर इसी में देखिए इसी का पेज मैं आगे लेके बताऊं दोस्त तो आप याद रखिएगा इसी का आगे पेज लेके बताऊं तो आपको पता है पचास घंटे पचास घंटे में उसने सही समय दर्शाया है जब पचास घंटे में सही समय दर्शाया है तो इसका मतलब चौबीस घंटे का एक दिन होता है चौबीस घंटे का एक दिन होता है तो इसको तीन भागों में बांटे एक दिन एक दिन दो और आपको पता है सुबह दस बारह बजे सोमवार को घड़ी देखा गया था जब वो दो मिनट पीछे थी तो जब सोमवार के बाद मंगलवार आएगा बारह बज चुके होंगे तो ये चौबीस कट जाएगा अगला फिर जब बारह बजेगा बुधवार का तो ये भी चौबीस कट जाएगा तो बुधवार बारह बजे अड़तालीस घंटे बीत चुके हैं तो बुधवार बारह के बाद एक आता है एक के बाद दो आता है तो इसका मतलब दो बजे बुधवार को दो बजे बुधवार को सही समय दर्शाया होगा सही समय दर्शाया होगा ठीक है फ्रेंड्स तो ये इसका आंसर था आप लोग इसको ध्यान रख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है कोई बात नहीं पूजा कुमारी जी टाइम सही बताना है फ्रेंड्स आप कैसे एग्जैक्टली exactly बता पाओगे कि दो बजे दो बजे कौन सा दिन आपसे पूछा है ना तब इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा तो सही समय बुधवार दो बजे दर्शाया होगा बुधवार दो बजे ये आंसर होगा बुधवार दो बजे आप केवल दो लिख हाँ तो वहां पे पर दो पीएम पे आप इसको याद कर लीजिएगा समझ लीजिएगा ऐसे ही लगेगा ठीक है अब हम आगे चलते हैं अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया दिशा संबंधी परीक्षण दिशा संबंधी परीक्षण आ गया आप लोग स्टार्ट करते हैं अब हम दिशा संबंधी परीक्षण ठीक है फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं ठीक है सब लोग तैयार होना आगे चलते हैं अब ये वाला अब यही एक दो टॉपिक जो थे थोड़ा टफ थे अब जो आने वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आगे चलते रहेंगे ठीक है चलिए चलिए अब हम आगे करते हैं ध्यान से समझिएगा अब दिशा संबंधी परीक्षण यहां से हर बार एक से दो क्वेश्चन पूछता है और इस बार आरओ के इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा ठीक है दिशा संबंधी सही रहता है हाँ बिल्कुल सही रहता है तो चलिए जब कोई व्यक्ति एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसे मैं आपको खड़ा हूं यहां पे देखिए जैसे मैं खड़ा हूं अब मेरा दाया ये है एक बार दाएं मुड़ूंगा इधर गया फिर एक बार बाएं मुड़ा फिर अपनी दिशा में आ गया तो वही यहां पे कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है आप देखिए अभी एक बार मैंने बताया मैं अपनी दिशा में खड़ा हूं एक बार दाएं मुड़ूंगा एक बार दाएं मुड़ा फिर एक बार बाएं मुड़ूंगा देखो फिर आपके सामने आ गया तो एक बार दाएं मुड़ने से एक बार बाएं मुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दो बार दाएं मुड़ने से दो बार बाएं मुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीन बार दाएं मुड़ने से तीन बार बाएं मुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार बार दाएं और चार बार बाएं मुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब हम देखिए पे आगे लाइन पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति दो बार दाएं यहां पे या लगा है, जब कोई व्यक्ति दो बार दाएं या दो बार बाएं मुड़ता है तो उसकी दिशा प्रारंभिक दिशा के ठीक विपरीत हो जाता है अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूं देखिए अभी सबसे पहले क्या है यहां पे फ्रेंड्स दो बार दाएं मुड़ता है ये मेरा दाहिना हाथ है दो बार दाएं मुड़ता है एक बार दो बार दाएं मुड़ूंगा देखो आपके जस्ट पीछे आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज होगी अगर दो बार दाएं मुड़ेगी या दो बार बाएं मुड़ेगी तो जिस स्थिति में जिस दिशा में वो खड़ा रहेगा उसके विपरीत दिशा में वो हो जाएगा यहां पे ये लाइन कह रही है दो बार चाहे दाएं मुड़ोगे चाहे दो बार बाएं मुड़ोगे अपनी विपरीत दिशा में हो जाओगे ठीक जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए एक व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है यदि वह अपने दाहिने दो बार मुड़ता है तो अब वह किस दिशा में देखेगा तो अगर वो पहले उत्तर की तरफ देख रहा है तो अब वो दक्षिण की तरफ देखेगा अभी इसी में एक क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाए कि एक व्यक्ति सूर्य को देख रहा है वह अपने बाएं दो बार ठीक विपरीत आप देखोगे जैसे अभी मैंने आपको मुड़ के दिखाया बाएं मुड़ोगे तब भी आपका यही काम होगा जैसे बाएं दो बार मुड़ो एक बार मुड़ा दो बार मुड़ा फिर देखिए जस्ट बैक आया मेरा तो ऐसे क्वेश्चन चाहे दाएं मुड़ने के लिए बोले चाहे बाएं मुड़ने के लिए बोले आप अपनी दिशा के ठीक विपरीत हो जाओगे ठीक है चलिए तीसरे पे आते हैं हम जब कोई व्यक्ति चार बार दाएं या यहां पे देखिए या चार बार दाएं या चार बार बाएं मुड़ता है तो उसके तो उस उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता आपको पता है फ्रेंड्स आपको पता है कोई परिवर्तन क्यों नहीं होगा क्योंकि चार बार कभी भी क्वेश्चन आए आपसे पूछ ले कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है वह वह आदमी चार बार अपने दाएँ मुड़ता है अब वह किस दिशा में देखेगा तो अभी भी पश्चिम दिशा में ही देखेगा क्यों क्योंकि देखिए दाहिने मुड़ने की बात आए पहली बार दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार फिर आपके सामने आ गया चीज तो चार बार चाहे दाएं मुड़ने के लिए बोले चाहे चार बार बाएं मुड़ने के लिए बोले जिस जगह जिस दिशा में वो देख रहा है उसी दिशा में फिर वो देखेगा ठीक है तो इसमें आप लोग गलती नहीं कीजिएगा आगे चलते हैं लास्ट एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना देखिए अब क्वेश्चन आ गया एक व्यक्ति यहां पे एक एक चीज और बताना है फ्रेंड्स यहां पे एक चीज और ध्यान देना अगर आपसे कहीं कोई क्वेश्चन पूछे कि एक व्यक्ति तीन बार दाएं मुड़ता है तो आप तीन बार दाएं मुड़ने से अच्छा है जल्दी आंसर निकालने के लिए एक बार बाएं मुड़ा दो क्यों क्योंकि तीन बार दाएं मुड़ाओगे और एक बार बाएं मुड़ाओ मुड़ाओगे तो सेम वही दिशा आ जाएगी कैसे जैसे अभी मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं मैं आपसे बोलूं कि सर आप तीन बार मतलब मेरे को आप लोग कह रहे हो सर तीन बार आप दाएं मुड़ जाओ तो तीन बार दाएं मुड़ने का एक दो तीन इस दिशा में मेरा मुंह हुआ अगर मैं इसी को कह दूं तीन बार दाएं मुड़ने की बजाय सर एक बार बाएं मुड़ जाओ तब भी वही बात होगी तीन बार दाएं मुड़ने की बजाय एक बार बाएं मुड़ जाओ तब भी वही बात होगी तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तीन बार दाएं मुड़ने के लिए क्वेश्चन में बोले तो आप एक बार बाएं मुड़ जाओ अगर आपसे तीन बार बाएं मुड़ने के लिए बोले आप एक बार दाएं मुड़ जाओ सेम वही स्थिति आ जाएगी सेम वही चीज होगी जो आप तीन बार बाएं मुड़ोगे ठीक है चलिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बस आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है आप कर दे क्या हो तीन बार घुमाते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी दिशा होगी जैसे आपको तीन बार दाएं मुड़ने के लिए बोले एक बार बाएं मुड़ जाओ जो दिशा आपके सामने आए वही आंसर हो गया ठीक है अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन देखिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है बारह बार दाएं और उन्नीस बार बाएं मुड़ता है वह अब किस दिशा में देख रहा होगा तो आपको पता है फ्रेंड्स आपको पता है चाहे चार बार दाएं मुड़ेगा चार बार बाएं मुड़ेगा अपनी ही स्थिति में आएगा अब यहाँ पे यहाँ पे चार बार कितना बारह बार क्या लिखा है बारह बार दाए लिखा है और उन्नीस बार बाएं लिखा है उन्नीस बार क्या लिखा है बाएं लिखा है तो आपको पता है जो बराबर बराबर संख्या है वो कट जाएगा क्यों कट जाएगा क्योंकि आपको पता है चार बार दाएं मुड़ोगे या चार बार बाएं मुड़ोगे तो आपकी सेम स्थिति होगी जो आप जहां देख रहे थे वहीं दिखोगे तो इसका मतलब बारह बार दाएं अगर मैं इसको अलग कर लूँ बारह बार दाएँ यहां उन्नीस बार लिखा है इसको तोड़ लू बारह बार बारह बार, बार बाएं प्लस बचा कितना सात बार दाएं बाएं प्लस सात बार बाएं तो अब देखिए बारह से बारह कैंसिल क्यों हो जाएगा मैंने आपको बताया था आपको दो बार बाएं मुड़ने के लिए बोले दो बार दाएं मुड़ने के लिए बोले तो एक दूसरे से कट के समाप्त जैसे देखो दो बार बाएं एक दो फिर दो बार दाएं एक दो आप फिर अपनी स्थिति में आ गए तो ऐसे जब बारह बार दाएं बारह बार बाएं लोगे तो बारह से बारह पूरा खत्म हो जाएगा अभी भी आप जिस दिशा में देख रहे होंगे उसी दिशा में देखे देख रहे होंगे तो बचा कितना भी सात बार बाएं एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि चार बार चार बार बाएं घूमने का मतलब सेम उसी दिशा में तो चार और खत्म हो जाएगा बचा कितना तीन तीन बार बाएं कह रहा है आपको तीन बार बाएं घूमने के लिए कह रहा है तो एक बार आप दाएं घूम जाइए एक बार दाएं घूमिए बात खत्म हो गया आंसर तो यहां क्या था एक व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है अब ये दिशा क्या थी दोस्त उत्तर दिशा में देख रहा था तो अब वह जो है तीन बार तीन बार जब बाएं मुड़ता तीन बार जब बाएं मुड़ता इधर होता तो एक बार जब दाएं मुड़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा उत्तर ठीक है पूर्व हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है समझ में आया फ्रेंड्स नहीं सात हां सात राइट आया अब सात राइट आया तो लेफ्ट राइट right यहाँ पे बाएं से समझिए सात बार जो है एक्स्ट्रा क्या आया सात एक्स्ट्रा बाएं आया तो सात जब आयात तो अभी भी आपको पता है चार बार होगा तो चार बार फिर अपनी स्थिति में आ जाएंगे यानी अभी भी हम अभी भी सात बार में चार बार और निकालेंगे तो अभी भी हम किस तरफ देख रहे हैं उत्तर दिशा में ही देख रहे हैं अब हमें तीन बार बाएं घूमना है देखिए ध्यान समझिए तीन बार बाएं घूमना है एक दो तीन पूरब में देख रहे हैं लेकिन मैंने आपको बताया है तीन बार घूमने से अच्छा है एक बार दाएं घूम जाओ एक बार दाएं घूमोगे देखो फिर आ गए हम किस दिशा में आ गए हम पूरब दिशा में अभी उत्तर दिशा में थे एक बार हम, तीन बार घूमने की बजाय हम एक बार दाएं घूम लिए आ गया आपका पूरब तो आंसर क्या हो गया दोस्त पूरब हो गया ठीक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर आपका क्या हो जाएगा पूरब दिशा में देख रहा होगा पूरब दिशा में कभी भी कितना भी दे बराबर बराबर संख्या से काटो जो बच गया उसको चार से चार का भाग दो उसको भी काट दो जो बच गया अगर आपका दो बचा तो जिस दिशा में देख रहा है उसके विपरीत होगा अगर आपका तीन बचा है और बाएं के लिए बोला है तो एक बार दाहिने घुमा दो अगर तीन बार दाहिने के लिए बोला है तो एक बार बाएं घुमा दो आंसर हो गया कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स ठीक है चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री के कोण से घूमता है पुनः उसी दिशा में 180 डिग्री कोण घूमता है अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री के कोण से घूमता है अब वह किस दिशा में देख रहा होगा इसको बताने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बड़ा सा देखिए आप सब लोग जानते हैं कभी भी आप बुक यूज करते हैं तो हमेशा आपका पूर्व यही होता है पश्चिम आपका यही होता है आपका उत्तर ये होता है और दक्षिण ये होता है ठीक अब इसको हम इंग्लिश से डिनोट कर देते हैं ये आपका ईस्ट हो गया ये आपका वेस्ट हो गया ये आपका साउथ हो गया और ये आपका क्या हो गया नॉर्थ हो गया अब ये जो आपका है फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट और यहीं पे अगर हम इस वाले की बात करें तो साउथ वेस्ट ठीक अब ध्यान से देखिएगा ये जो आपका एंगल है इतना 90 बनता है और इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो 45 डिग्री पैतालीस डिग्री ये दोनों पैंतालीस 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 जितने हैं सब पैंतालीस पैंतालीस डिग्री का एंगल बनाते हैं तो आप बस इतना अभी समझे रहिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त क्वेश्चन पे आते हैं देखिए क्या कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है तो आइए देखते हैं हम पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में देखने का मतलब व्यक्ति कहाँ देख रहा है इस साइड देख रहा है ठीक पश्चिम दिशा में देख रहा है पीछे है पश्चिम दिशा में देख रहा है वह घड़ी की घड़ी की दिशा में 45 डिग्री कोण से घूमता है अब घड़ी की दिशा में 45 डिग्री अब घड़ी घड़ी की दिशा पता है है यही होता है, ऐसे ही चलती है घड़ी की दिशा में 45 जब घूमता है घड़ी की दिशा में 45 घूमता है पश्चिम में देखता है उससे पैंतालीस घड़ी की दिशा में घूमता है तो पैंतालीस डिग्री घूम गया ठीक अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम आगे क्या कह रहा है पुनः उसी दिशा में उसी दिशा में 180 डिग्री का कोण और घूमता है 180 डिग्री का कोण और घूमेगा तो अब आप देखिए जब 180 डिग्री कोण और घूमेगा तो यहाँ से सीधी लाइन जो होती है फ्रेंड्स जो सीधी लाइन आपकी होती है वो 180 डिग्री होती है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया वो 180 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ से यहाँ तक ठीक अब 180 घूम गया अब आगे देखिए क्या कह रहा है आगे कह रहा है अंत में घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री का कोण बनाता है अब आप देखिए 270 डिग्री का जो कोण बना रहा है 270 डिग्री का अब यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में अब आपको पता है 180 तो यहाँ पहुँचा वापस अब 270 तक उसको जाना है एक में पैंतालीस करोगे तो यहाँ पहुँच गया 180 प्लस 45 225 हो गया अब 225 में अभी कितना और जोड़ोगे आप पचास और कितना 90 और जोड़ गए कितना बोला है 270 बोला है तो यहाँ पे 180 180 45 हो गया तो कितना हो गया पांच आठ चार बारा की दो हासिल लगे एक और एक, एक दो, दो सौ पच्चीस हो गया अभी आपका और कितना बचा है पैंतालीस और घूमेगा पैंतालीस और घूमेगा तो दोस्त कहां पहुंच गया यहां पहुंच गया क्वेश्चन क्या पूछा है आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है वह अब किस दिशा में देख रहा होगा तो आप देखिए अब वह किस दिशा में देख रहा है साउथ ईस्ट में क्यों क्योंकि अब वो इस लाइन पे पहुंच चुका है तो अब वो साउथ ईस्ट में देख रहा है ये तो आपका कॉन्सेप्ट था ये तो आपका दोस्त कॉन्सेप्ट था चलिए ये आपका कॉन्सेप्ट था अब आपको जो करना है अब आपको जो करना है उसकी बात हम करते हैं ठीक है फ्रेंड्स आपको करना क्या है कुछ नहीं करना है 180 प्लस 45 जोड़ना है कितना हो गया 5 आठ चार बारह के दो हासिल लगे एक 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 दो हो गया अब 270 में से 270 में से पच्चीस घटा देना है दस दस में से पांच गए पांच यहां कितना बचा यहां छः बचा छः में से दो गए चार कुछ नहीं पैंतालीस आया एंटी क्लॉकवाइज घूमना था तो जहां वो था जहां वो था उससे एक कम आ जाएंगे पैंतालीस यहां पहुंच जाएंगे तो यही हो जाएगा आंसर ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब वही चीज़ मैंने आपको बताया यहाँ आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली कैसे करके बताया जा बताया जा सकता है अब डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स अब कॉन्सेप्ट आपको मान लो ये तरीका नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया और डायरेक्ट क्या करना है एक 270 में से 270 में 180 प्लस 45 जोड़ लो 225 आ गया 225 में से जब घटाओगे 270 को तो 45 आ गया 45 ज़्यादा आ रहा है 270 बड़ा है तो एंटी क्लॉक घूम जाना है जो यहाँ पे ये बना हुआ था यहाँ से चला हुआ था अब कहाँ पहुँच जाएगा वो इस दिशा में देखेगा इस दिशा को क्या कहा जाता है साउथ वेस्ट कहा जाता है तो आंसर क्या जाएगा दोस्त साउथ वेस्ट आंसर होगा इसका ठीक है चलिए चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है चालीस मीटर की दूरी तय करता है बाएं मुड़ता है और बीस मीटर की दूरी तय करता है पुनः बाएं मुड़ता है और चालीस मीटर की दूरी तय करता है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स दाएं मुड़ने के लिए बोले तो हमेशा दाएं मुड़ने के लिए बोले तो हमेशा घड़ी की दिशा में मुड़ना बाएं मुड़ने के लिए बोले तो हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना अब चलिए इसको हम करते हैं एक पेज लेके क्या यही कर लेते हैं फ्रेंड्स हो जाएगा इतने में ही देखिए एक व्यक्ति एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है व्यक्ति यहां पे था उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ किया यहां तक चला चालीस मीटर की दूरी तय करता है कितना दूरी करता है दोस्त चालीस मीटर की दूरी तय करता है बाएं मुड़ता है मैंने आपसे बोला हुआ था बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घड़ी के विपरीत दिशा में इधर मुड़ते तो घड़ी की दिशा होती तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा और आगे बढ़ा आगे बढ़ा कितना चला घड़ी के बाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी चलता है तो 20 मीटर की दूरी तय किया पुनः बाएं मुड़ा तो पुनः एंटी क्लॉक मुड़ेगा पुनः एंटी क्लॉक मुड़ा और 40 मीटर चला फिर 40 मीटर चला वो <coughs> और 40 मीटर की दूरी तय करता है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है तो प्रारंभिक बिंदु दोस्त क्या था इसका ये वाला प्रारंभिक बिंदु था प्रारंभिक बिंदु इनका कौन सा था ये वाला प्रारंभिक बिंदु था तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है बीस है तो प्रारंभिक बिंदु से बीस मीटर की दूरी पर तथा किस दिशा में है तो यहाँ से आप दिशा लोगे यहाँ से आप दिशा लोगे तो पश्चिम दिशा है क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से पूछा है तो वो आपका आ जाएगा पश्चिम दिशा में अगर आपसे पूछा जाता अगर आपसे यह पूछा जाता अब वह किस दिशा में है तो किस दिशा में जा रहा है तब वो जा रहा होता दक्षिण दिशा में लेकिन पूछा क्या है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है तो प्रारंभिक बिंदु से देखना है ना कि वह उसकी दिशा देखनी है तो प्रारंभिक बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और प्रारंभिक बिंदु यहाँ से आप देखोगे जब इसको तो यह किस साइड है ये पश्चिम की दिशा में है पश्चिम की दिशा में है तो तो आंसर आपका आ गया 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर और पश्चिम की ओर पश्चिम में ये क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स आप लोग कर लीजिएगा आगे चलते हैं एक लड़का उत्तर दिशा में दस किलोमीटर तथा दक्षिण की ओर छः किलोमीटर फिर पूर्व में तीन किलोमीटर की दूरी तय करता है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में होगा ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आंसर पता होगा बहुत अच्छे से इसमें कोई दिक्कत नहीं है एक लड़का एक लड़का आपका उत्तर दिशा में दस किलोमीटर चलता है ठीक है फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप बड़े आराम से कर सकते हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं यह क्वेश्चन आप लोग लगाओगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट बताना है ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा आगे चलते हैं एक लड़का उत्तर की दिशा में दस किलोमीटर तथा दक्षिण की दिशा में छह किलोमीटर फिर पूर्व में तीन किलोमीटर ये वही क्वेश्चन हो गया क्या फ्रेंड्स हाँ दो बार वही आ गया है अब आते हैं हम तार्किक वेन आरेख पे तो वो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा अब हम चलते हैं दोस्त तार्किक वेन आरेख पे ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और लगभग पंद्रह से बीस मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ठीक है पंद्रह से बीस मिनट में खत्म हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइए कि वो क्वेश्चन करवाएं या आगे बढ़ें बंद है <laughs> नहीं जाएंगे चले अरे यार तुमने बोला हाँ खुला हुआ है ठीक है अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा एक तरफ पत्नी रहेगी एक तरफ परिवार रहेगा ठीक है और ये जो आइडेंटिटी होगी ये जो आइडेंटिटी होगी आपका वो परिवार का होगा ठीक है ये जो आइडेंटिटी होगी वो परिवार का होगा लेकिन परिवार के अंदर पत्नी भी आती हैं और पति भी आता है परिवार के अंदर पति भी एक आइडेंटिटी है और पत्नी भी एक आइडेंटिटी है लेकिन ये दोनों स्वतंत्र रहेंगे एक दूसरे में मिलेंगे नहीं फ्रेंड्स एक दूसरे में मिलेंगे नहीं याद रखिएगा ठीक है चलिए आवाज आ रही होगी फैमिली आ गई आ गई वाइस ठीक है बहुत बढ़िया सर आवाज नहीं आ, अब आ गई आप ध्यान दीजिएगा यहाँ गलती नहीं करनी है आप लोगों को अब हम आगे चलते हैं आगे जैसे एक और हम लेते हैं भाई पिता और पुरुष एक और हम लेते हैं भाई पिता और पुरुष भाई चलिए आप लोग बताइए इसका भाई पिता और पुरुष मैं इसमें आपको लिख के दे रहा हूं कि एक आपका हो जाएगा ये एक ये एक ये ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया और डी की बात करें ये तो बताइए इसमें आंसर क्या जाएगा भाई पिता पुरुष भाई पिता पुरुष के लिए आंसर क्या होगा फ्रेंड्स अब आ रही होगी फ्रेंड्स अब आ रही होगी चलिए चलिए ए आंसर आप लोग देखिए ए आंसर जो आप लोग बता रहे हो ए आंसर जो आप लोग बता रहे हो मान लो मान लीजिए मान लीजिए हम इसको पिता इसको पुरुष मानते हैं बड़े वाले गोले को इसमें से एक भाई को मान लेते हैं एक आपका हम मान लेते हैं पिता अब इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि कोई भी भाई ऐसे नहीं है जो पिता हों और कोई भी पिता ऐसे हैं जो भाई नहीं हैं जबकि होता क्या है आपके पापा आपके पापा आपके पिता हैं लेकिन किसी के भाई भी होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आंसर क्या जाएगा दोस्त सही बी जाएगा ये गलत है क्यों क्योंकि ये आपका हो जाएगा पुरुष पुरुष में पुरुष में पिता भी आएंगे और भाई भी आएंगे इसलिए पुरुष के अंदर ही पिता और भाई आए और कुछ और कुछ पिता ऐसे हैं जो भाई भी हैं और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो पिता भी हैं तो ये वाला जो आपका दिख रहा है ये वाला जो दिख रहा है आपका वो ऐसे पिता या पुरुष ऐसे पिता हैं जो किसी ना किसी के भाई हैं जो किसी ना किसी के पिता हैं तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा ये आपका पिता का हो गया और ये आपका क्या हो गया दोस्त भाई का तो ये आंसर सही जाएगा ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा आंसर आपका क्या जाएगा बी तो यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ कि कुछ पिता ऐसे हैं जो भाई भी हैं और कुछ भाई ऐसे हैं जो किसी के पिता भी हैं तो याद रखिएगा आपने जो बताया इसका मतलब जो किसी का भाई है वो किसी और का पिता नहीं हो सकता जबकि ऐसा नहीं है मैंने एग्जाम्पल दिया आपके पापा आपके तो पिताजी हैं लेकिन आपकी बुआ के भाई भी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति पिता भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है इसलिए दोनों एक दूसरे से क्रॉस करेंगे ये वाला आंसर सही जाएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स एक और बताते हैं इसी में कुत्ता बिल्ली और पालतू कुत्ता बिल्ली और पालतू अब इन तीनों का मैं आप लोगों से पूछूं कैसे बनेगा तो अगर मैं आपको तीन यहां पे फिर बना के दूं। एक दो तीन चलिए बताइए इसमें ए सही होगा बी सही होगा सी सही होगा या फिर डी सही होगा चलिए आप लोग बताइए चलिए चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अब देखिए जिन लोगों ने ये बताया ये क्यों नहीं होगा ये आप से लोगों से बताते हैं चलिए अगर आपने इसको पालतू मान लिया अगर आपने इसको पालतू मान लिया चाहे जिसको आप कुत्ता मानेंगे चाहे जिसको आप बिल्ली मानेंगे आप बताइए क्या सभी कुत्ते और बिल्ली पालतू होते हैं आप लोग बताइए अपने दिमाग से क्या सभी कुत्ते बिल्ली पालतू होते हैं अगर आपने ए आंसर बताया तो इसका मतलब यही निकल के आ रहा है पालतू के अंदर सभी हैं पालतू के अंदर सभी हैं कुत्ता भी है और बिल्ली भी है तो ये आंसर कैसे हो सकता है फ्रेंड्स सभी कुत्ते और सभी बिल्ली पालतू नहीं आप देखते होंगे सड़कों पे निकलते होंगे बहुत सारे ऐसे कुत्ते हैं जो आवारा घूम रहे हैं तो पहला आंसर तो इस वजह से कट जाएगा क्योंकि सभी कुत्ते और बिल्ली पालतू नहीं होते तो पहला गलत हो गया अगर हम इसको पालतू लिखते हैं और एक कुत्ता लिखते हैं और दूसरा बिल्ली लिखते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ, कुछ कुत्ते बिल्ली हों और कुछ बिल्ली कुत्ते हों? कभी ऐसा नहीं हो सकता कुत्ता अलग है बिल्ली अलग है ठीक तो कुत्ता अलग है बिल्ली अलग है कोई मिक्सअप नहीं है कुत्ते की प्रजाति अलग है बिल्ली की प्रजाति अलग है तो ये आंसर नहीं हो सकता अब तीसरा देखते हैं एक पालतू लिख देते हैं एक कुत्ता लिख देते हैं और एक बिल्ली लिख देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कुछ पालतू कुत्ते हैं कुछ पालतू बिल्ली है कुछ ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये तीनों ये दोनों अलग आइडेंटिटी हैं लेकिन यहाँ पे देखिए अब जो डी मैंने लिखा है ध्यान से समझिएगा उसको अगर इस बीच वाले को हम पालतू बना दें इस बीच वाले को हम पालतू कर दें और इसमें से किसी को भी मान लो हमने इसको बिल्ली लिख दिया और इसको कुत्ता लिख दिया अब देखिए फुलफिल हो रहा है कि नहीं कुछ बिल्ली पालतू हैं, कुछ कुत्ते पालतू हैं और कुछ और भी चीज़ें जो जगह हैं लोग लोग जो है शेर भी पालते हैं लोग जो है भालू भी पालते हैं लोग कुछ मोर भी पालते हैं तो ये सब जो और चीज़ें बची इसमें और सब चीज़ें पाली जा सकती हैं और बहुत सारे कुत्ते बिल्ली जो हैं जो पालतू नहीं हैं वो बाहर हैं पालतू से बाहर हैं वो ऐसे बिल्ली हैं जो पालतू नहीं हैं और कुत्ते का भी कुछ पोर्सन पालतू से बाहर है इसका मतलब सभी कुत्ते भी पालतू नहीं होते तो दोनों आंसर गया यहाँ पर यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आंसर दोस्त क्या होगा आंसर आपका डी जाएगा ना कि सी जाएगा ना कि बी जाएगा ना कि ए जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है चलिए चलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स आगे चलते हैं अब हम चलिए आगे अब हम एक आप बताइए प्रोफेसर वैज्ञानिक और शोधकर्ता तीन लेते हैं प्रोफेसर वैज्ञानिक शोधकर्ता कई बार पूछा गया है प्रोफेसर वैज्ञानिक और शोधकर्ता ठीक है यहाँ पे जब भी तीनों ये चीज़ें आए तो प्रोफेसर आए वैज्ञानिक आए शोधकर्ता आए तो ये समझ लो हमेशा ये वाला बनता है ये वाला बनेगा प्रोफेसर वैज्ञानिक क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं वो वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और शोधकर्ता भी हो सकते हैं वैज्ञानिक जो है, वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं वो करता भी हो सकते हैं जो शोधकर्ता हैं वो वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और प्रोफेसर भी हो सकते हैं इस वजह से तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं चाहे जिसको जो लिख दीजिए शोधकर्ता वैज्ञानिक और आपका प्रोफेसर ठीक है फ्रेंड्स अब आगे हम इसमें लें आगे एक क्वेश्चन और आपको करवाएं बढ़िया सा आप लोग अब इसका आंसर एकदम सच्चाई से देना एकदम बढ़िया सा पिता सॉरी माता महिला डॉक्टर क्या है तीन शब्द में लिखता हूं माता महिला डॉक्टर माता महिला डॉक्टर देखता हूं आप सब लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं ठीक है तो चलिए पहला ऑप्शन में लिखता हूं पहला लिख दिया दूसरा अगर आपको लिखा जाए दूसरा हो गया तीसरे की बात किया जाए तीसरा हो गया और चौथे की बात किया जाए चौथा हो गया चलिए बताइए इसमें आंसर क्या है ए बी सी डी आप लोग आंसर बताइए आंसर बताइए भाई आप लोग आंसर बताइए माता महिला डॉक्टर में ए आंसर होगा बी आंसर होगा सी आंसर होगा या डी आंसर होगा डी ही होगा सर पवन पाल का आंसर डी आया है चलिए डी आप लोगों का आ रहा है सबका अब देखिए सबसे पहले जो आप लोग डी बोले हो डी का मतलब क्या है अब सबसे पहले आप लोगों का डी मैं काटता हूं क्यों आप लोग खुद कहेंगे हाँ सर ये तो होगा नहीं माता महिला डॉक्टर अब आप लोग किसी को भी कुछ भी देंगे कभी बैठेगा नहीं इसमें क्यों क्योंकि मान लीजिए आपने डॉक्टर इनको बोला माता मान लो इनको आपने बोला और महिला आपने इनको बोला तो भैया क्या ऐसी एक भी माताएं नहीं है जो महिला ना हो बिना महिला के माता कैसे होंगी सपोज आपने इसको महिला कहा इसको माता कहा तब भी नहीं बनेगा क्योंकि जो महिलाएं होंगी वही तो माताएं होंगी पुरुष कभी माता हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती तो जितनी महिलाएं हैं जितनी महिलाएं हैं महिलाओं के अंदर ही माता जाएगा महिलाओं के अंदर ही माता जाएगा ना आप लोगों ने अगर इसको चूज किया तो इसका मतलब आप लोगों ने यह चीज प्रूफ कर दिया कि बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो महिला नहीं है ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं तो इसका मतलब ये आंसर तो होगा ही नहीं अब अगर इसकी बात हम करें इसकी बात करें मान लो इसको हमने डॉक्टर ले लिया इसको हमने डॉक्टर ले लिया कुछ भी लोगे कभी नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा अगर हमने उसको डॉक्टर लिया तो माता और महिला मान लो हमने इसको माता ले लिया इसको महिला ले लिया तो यहां पर भी तो दोस्त महिला अलग है माता अलग हो जा रही है तो महिला और माता दोनों एक के अंदर ही बनेगा महिला के अंदर पूरा का पूरा माता बनेगा क्योंकि बिना महिला के माता नहीं हो सकती पुरुष माता नहीं बन सकता पुरुष पिता ही बनेगा ठीक अब जरा इसको देखिए अब मान लेते हैं हम इसको आपने इसको बोल दिया महिला है थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको लगा सकते थे मान लीजिए ये महिला है और ये माता है अगर ये डॉक्टर इसको माना जाए तो क्या आप लोग बताइए क्या ऐसी कोई माताएं नहीं हैं जो डॉक्टर हों अगर आपने इसको सही किया है तो क्या ऐसी कोई माताएं नहीं हैं जो डॉक्टर हैं आज आप अपने आस पड़ोसी देखोगे किसी भी डॉक्टर में देखोगे या किसी भी हॉस्पिटल में देखोगे तो बहुत सारी माताएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है जिनके बच्चे हैं वो आज डॉक्टर हैं तो इस वजह से ये भी आंसर गलत हो गया अब देखिए ये कैसे फुलफिल करता है आपको ये डॉक्टर हो गए ये आपकी महिला हो गई ये हो गई माता अब बताइए इसमें कैसे कोई दिक्कत होगी अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे जितनी भी महिलाएं हैं सबकी सब क्या हैं जितनी महिलाएं हैं महिलाओं के अंदर माता हैं तो इसका मतलब जितनी माताएं हैं सबकी सब महिला हैं पहला प्रूफ हुआ और बहुत सारी माताएं ऐसी हैं बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो डॉक्टर भी हैं और बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो डॉक्टर नहीं भी हैं और बहुत सारी महिलाएं और भी हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन माता नहीं हैं हो सकता है भी उनकी शादी ही ना हुई हो हो सकता है उनके बच्चे ही ना हुए हों इसलिए माता नहीं बनी है तो आंसर क्या गया दोस्त ए गया और जो डॉक्टर का ये वाला एरिया बचा हुआ है अपन लोग भी तो उसी में आएंगे पुरुष भी तो उसी डॉक्टर में आएंगे केवल माताएं ही थोड़ी डॉक्टर बनेंगी पुरुष भी तो डॉक्टर बन सकते हैं डॉक्टर बनते भी हैं तो ये जो बाहर वाला पार्ट आया इसमें तो अपन सब आ जाएंगे ठीक है चलिए नहीं नहीं सी नहीं होगा पवन पाल सी नहीं होगा वॉइस आ रही होगी फ्रेंड्स वॉइस आ रही होगी वॉइस तो आ रही होगी वॉइस नहीं आ रही फ्रेंड्स कोई बात नहीं यूपीएससी मिशन एस्पायरेंट कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप लोग आगे ध्यान रखिएगा चलिए चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स ये चीज समझ गए ना आप लोग ऐसा मत बोलो कि आप लोग डी बता रहे थे तो यहां पे तो अलग, अलग ही आंसर आ रहा था चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं ये करवा दिए हैं ये भी करवा दिए हैं अब इसको बैक ले जाते हैं यहीं पे एक पेज और ऐड करते हैं अब एक दो क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं फिर ये क्लास इसका जो है ये टॉपिक खत्म करते हैं ये टॉपिक खत्म करते हैं एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आप लोग लिखिए सब्जी आलू गोभी लिखिए सब्जी आलू गोभी सब्जी आलू गोभी चलिए बताइए किसी ने पूछा था सफ़ेद कपड़ा फूल ये देखिए ललिता जी ने पूछा है फूल कपड़ा सफ़ेद इसमें कोई दिक्कत नहीं है देखिए ये फूल हो गया ये सफ़ेद हो गया ये कपड़ा हो गया क्योंकि आइडेंटिटी दोनों की अलग है फूल अगर आप लेंगे तो ये फूल हो गया अच्छा फूल कपड़ा फूल हो गया ये आपका सफ़ेद हो गया ये आपका कपड़ा हो गया कोई दिक्कत ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि देखिए फूल कुछ सफ़ेद भी हो सकते हैं फूल कुछ सफेद हो सकते हैं कपड़े भी कुछ सफेद हो सकते हैं लेकिन फूल और कपड़े का कोई संबंध नहीं है तो फूल सफेद कपड़ा का ये बनेगा दोस्त याद रखिएगा ललिता जी आपने जो पूछा है फूल कपड़ा सफेद ये उसका ऐसे ही बनेगा दोस्त ये है फूल सफेद और कपड़ा इस तरीके से बनेगा क्योंकि यहाँ पे फूल जो होता है वो सफेद भी हो सकता है रेड भी हो सकता है लाल भी हो सकता है किसी भी कलर का हो सकता है और जो कपड़ा है कपड़ा है वो भी सफेद हो सकता है पीला नीला हरा लाल जो भी हो सकता है और कपड़े की और भी कलर आते हैं उनके लिए ये सब है और सफेद में कपड़ा और फूल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें सफेद आ सकती हैं ठीक है कुर्सी सफेद आ सकती है लैपटॉप सफेद आ सकता है तो उसके लिए सब जो जगह बची वो सब में आ जाएगा ठीक है कंफर्म हुआ ललिता जी ललिता जी आपका कंफर्म हुआ चलिए इसको मिटाते हैं आप समझ गए होंगे अब चलिए सब्जी आलू गोभी अब आपको पता है आपको पता है अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा ये हो गया आपका टोटल सब्जी हो गया सब्जी में आलू भी आता है गोभी भी आता है लेकिन आलू और गोभी की आइडेंटिटी अलग है आलू और गोभी की आइडेंटिटी अलग है तो ऐसे बनेगा इसको आप आलू ले लीजिए इसको आप गोभी ले लीजिए इसको आप सब्जी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आंसर कैसे बनेगा दोस्त ऐसे तो ये आलू है ये गोभी है ये सब्जी है ठीक है ललिता जी जी सर चलिए आपको भी कंफर्म हो गया चलते हैं आगे ठीक चलिए चलिए आप चलते हैं आगे चलते हैं चलिए एक और बताइए आप लोग वेल मगरमच्छ और मछली व्हेल मगरमच्छ और मछली वेल मगरमच्छ और मछली चलिए अब ये चीज आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स आगे चलते हैं देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग दिमाग अपने आप से मत लगाया करो कि ये सब के सब पानी में रहते हैं इसलिए एक दूसरे से सबको मिक्स कर दे नहीं इनकी तीनों की आइडेंटिटी अलग है यहां पर मछली व्हेल नहीं है मछली व्हेल नहीं है बल्कि एक मैमल है तो इस वजह से तीनों की आइडेंटिटी अलग होगी व्हेल अलग होगा मछली अलग होगा और मगर अलग होगा ये तीनों अलग होंगे व्हेल मछली मगरमच्छ ठीक है अब अगर इसी में पानी दे देता सपोज दैट पानी दे देता तो पा, मगर मच्छर पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है अगर पानी दे, दे देता तो ये पूरा आता इसमें लेकिन ये आधे पे चला जाता ठीक है तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स बैठक व्यवस्था गोलीय बैठक इसमें एक दो क्वेश्चन करा देंगे फिर आगे चलेंगे फ्रेंड्स नहीं तो खत्म नहीं होगा थोड़ा जल्दी से चलते हैं गोली बैठक व्यवस्था अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन दिया गया है छह व्यक्ति क्वेश्चन अगर दे लिख दिया गया होता तो बहुत अच्छा था लेकिन लिखा नहीं गया है तो हम इसको करा देते हैं बोल के करा देते हैं कि छ व्यक्ति ए बी सी डी ई e, एफ गोले में बैठे हैं जिनके चेहरे केंद्र की ओर हैं ए बी को देख रहा है तो छह व्यक्ति हैं छह व्यक्ति हैं फ्रेंड्स इनको हम कहें तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा ए जो है बी को देख रहा है ए बी को देख रहा है तो हम कहते हैं कि ए बी को देख रहा है जब छह व्यक्ति हैं तो इस तरीके से कुछ कर लेते हैं ये देखिए छह व्यक्ति हो गए ए बी को देख रहा है इसको ऐसे कर लेते हैं सामने-सामने सामने हो गए ए बी को देख रहा है आगे क्या कह रहा है बी ई के दाएं बी जो है ई के दाएं है तो बी जो है ई के दाएं है तो दोस्त ई के दाएं देखिए बी जो है ई के दाएं है तो देखिए ये क्या है दाएं है बी जो है ई के दाएं आगे क्या कह रहा है बी जो है ई के दाएं तथा सी के बाएं बैठा है और बी जो है ई के दाएं तथा सी के बाएं बैठा है इतना फुलफिल हुआ सी के बाएं बैठा हुआ है आगे क्या कह रहा है सी डी के बाएं बैठा हुआ है सी जो है डी के बाएं बैठा हुआ सी जो है डी के बाएं बैठा हुआ है तो डी के बाएं कौन बैठा हुआ है सी बैठा हुआ है ठीक आगे क्या कह रहा है एफ ए के दाएं बैठा है एफ जो है ए के दाएं बैठा है तो ए के जो दाएं बैठा होगा वो कौन बैठा है एफ बैठा है तो ये क्या है दाया ए का दाया है ए के दाएं कौन बैठा है एफ बैठा है अब पूछा हुआ है अब यहां से आपसे कुछ भी पूछे आपसे पूछ ले ए और सी के बीच में कौन बैठा है कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे ए और सी के बीच में कौन बैठा है डी बैठा है आपसे पूछ ले डी के सामने कौन बैठा है डी के सामने ई e बैठा है ए के सामने कौन बैठा है बी बैठा है एफ के सामने कौन बैठा है सी बैठा है जो भी आपसे पूछे या आपसे पूछ ले, F और B के बीच में कौन बैठा है? तो ई e बैठा है जब आप इसको बना लेते हैं, तो जितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले आपको पता रहेगा कि आंसर क्या है ठीक है चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं इस टाइप से इस टाइप से करते जाना बहुत ज्यादा टफ यहाँ पे नहीं आएगा अब एक हम रेखीय व्यवस्था वाला करा देते हैं लेकिन एक चीज यहाँ हम लिख देते हैं अगर दाएं की बात करें तो इसका मतलब घड़ी के विपरीत दिशा दाएँ की बात करें तो यहाँ नोट डाल के मैं लिख देता हूं अगर दाएं की बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है घड़ी के विपरीत दिशा में देखिए जहां जहां दाएं की बात किया है दहां दहां दाएं की बात किया है देखिए हम घड़ी की विपरीत दिशा गए हैं और बाएं की बात किया है हम घड़ी की दिशा में गए हैं तो आप बार बार अपने आप को मत घुमाओ आप बस दो कॉन्सेप्ट याद रखिए ब्रेक मतलब गोली बैठक व्यवस्था में अगर आपसे दाएं की बात करता है तो आप एंटी क्लॉकवाइज बैठाओ अगर आपसे बाएं की बात करता है तो आप क्लॉकवाइज बैठाओ जैसे कि देखिए यहां पे दाएं गया है ई के दाएं बी बैठा है है, तो ई के एंटी क्लॉकवाइज गया है ना ये क्लॉक तो ऐसे घूमता है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज गया है तो आप इसी से समझ जाइए बस एक लाइन ये याद रखना है दाएं की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज और बाएं की बात करें तो क्लॉकवाइज की बात करेंगे ठीक कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स इतने से काम हो जाएगा बस आपको दो लाइन याद रखना है कई बार क्या होता है गोली व्यवस्था में बैठाते रहते हैं अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता तो हम हम कॉपी टेढ़ी करते हैं अपनी जहाँ पे बनाते रहते हैं उस कॉपी को टेढ़ा करके दाएं बैठाते हैं बाएं बैठाते हैं टाइम ज़्यादा लगता है और अंत में गलत हो जाता है लेकिन बस इतना याद रखना है अगर दाएँ बैठाने की बात करें तो एंटी क्लॉक घुमाएंगे और अगर बाएँ बैठाने की बात करें तो क्लॉक की बात करेंगे काम इतने में आपका हो जाएगा ठीक है अब हम अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक क्वेश्चन अब आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिएगा एक क्वेश्चन ले लेते हैं रेखीय बैठक व्यवस्था में इसको हटा देते हैं फ्रेंड्स यहां पे दो एक्स्ट्रा पेज आ गए हैं चलिए अब आ गया रेखी बैठक व्यवस्था ठीक तो अब रेखी में एक क्वेश्चन है पांच व्यक्ति एक कतार में बैठे हैं देखिए पांच व्यक्ति एक कतार में बैठे हैं दोनों सिरों पर जिसमें से एक होशियार है एक गोरा है इसमें कहा गया है पांच व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं एक रेखी व्यवस्था में एक रेखी व्यवस्था में पांच व्यक्ति बैठे हुए हैं उसमें कहा गया है दोनों कोने पर दोनों सिरे पर एक जो आदमी है उसका नाम होशियार है और दूसरा गोरा है अभी हमें नहीं पता होशियार यहां होगा या गोरा यहां होगा तो चलिए देख लेते हैं कौन कहाँ होगा मान लीजिए होशियार और गोरा में से कोई एक आएगा यहां पर और गोरा और होशियार में से गोरा और होशियार में से कोई एक यहां पर आएगा अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि होशियार यहां आएगा या होशियार यहां आएगा ठीक आगे कह रहा है एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है एक मोटा व्यक्ति जो है कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है तो अब सोचिए मोटा यहां भी बैठ सकता है एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है यहां भी हो सकता है इसको छोड़ दो अभी कन्फर्म नहीं है आगे चलते हैं कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटे के मध्य बैठा है क्या कह रहा है कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटे के मध्य बैठा है तो इसका मतलब कमजोर व्यक्ति होशियार होशियार और मोटे तो इसका मतलब कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटा आ गया ना वो यहां पे अब मोटा यहां पे आ गया कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटे के मध्य बैठा हुआ है अब उस वाली पहली लाइन पे आ जाइए क्या बोला है एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के देखिए दाएं बैठा है कि नहीं बैठा है ये देखिए दाएं है दाएं बैठ गया है वो फुलफिल हो गया अब एक बचे हैं एक ऊंचा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है एक ऊंचा व्यक्ति गोरे के बाएं ऊंचा व्यक्ति है ऊंचा व्यक्ति है गोरे के बाएं बैठा है तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि गोरा यहां होगा तो होशियार यहां नहीं होगा होशियार अब यहां हो जाएगा गोरा नहीं होगा तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया अब आपसे पूछे बीचो बीच कौन बैठा है तो बीचो बीच कौन बैठा है मोटा बैठा है आपसे पूछा जाए कि होशियार के बगल कौन बैठा है तो कमजोर बैठा है आपसे पूछा जाए गोरा के बगल कौन बैठा है तो ऊंचा बैठा है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है गोरा और मोटा के मध्य कौन बैठा है तो ऊंचा बैठा है कोई बात नहीं दीप नारायण जी नींद जिसको जिसको आ रही है वो सो सकता है क्योंकि एग्जाम है आप लोगों को आता है तो बिल्कुल क्लास छोड़ सकते हो लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए दोस्त ये क्लास है जिससे उनका एक दो नंबर से जो सिलेक्शन रीजनिंग की वजह से रुकता है उनका सिलेक्शन ना हो इस वजह से ये क्लास लाई गई है जिनको आता है वो बहुत आराम से सो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब हम आगे चलते हैं एक हमने रैखी व्यवस्था वाली बता दी एक हमने गोली व्यवस्था वाली बता दी अब आगे चलते हैं वरीयता के आधार पर प्रश्न वरीयता के आधार पर प्रश्न की बात करते हैं चलिए अब देखते हैं दीपिका की कक्षा में ऊपर से सात और नीचे से छब्बीसवीं रैंक है तब इस कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं तो आप याद रखिए दीपिका की कक्षा में ऊपर से कितनी रैंक है फ्रेंड्स ऊपर से रैंक कितनी है सातवीं है वहीं अगर बात किया जाए और नीचे से रैंक इनकी कितनी है नीचे से रैंक इनकी कितनी है छब्बीसवीं है इसका मतलब यह हो गया दोस्त इसके नीचे कितने व्यक्ति हैं पच्चीस और सात एक ही स्थान है इनके ऊपर कितने व्यक्ति थे छः तो पच्चीस पच्चीस पैंतीस इकतीस इकतीस एक बत्तीस कुल कितने व्यक्ति थे दोस्त तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए इसमें टोटल कितने व्यक्ति थे हमने आपको बता दिया है हमने आपको बता दिया है टोटल कितने व्यक्ति थे अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए और इसके लिए ट्रिक भी होती है इसके लिए ट्रिक भी है फ्रेंड्स चलिए सबका बत्तीस ही आ रहा है सबका बत्तीस ही आ रहा है यहां पे आप आंसर ऐसे भी लगा सकते हैं टॉप प्लस बॉटम माइनस वन यानी टॉप में यानी सात टॉप प्लस बॉटम यानी 26 माइनस वन इज इक्वल टू बत्तीस तो ये आंसर आप यहां रूल लगा सकते हैं इस वाले टाइप के कितने भी क्वेश्चन आए आप केवल इतना करना है टॉप प्लस बॉटम माइनस वन आंसर इतने से आ जाएगा इतने से आंसर आ जाएगा आंसर कितना गया अगर आपको आंसर नहीं रटा जाता तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया है इससे भी आंसर आपका आ जाएगा क्यों क्योंकि आपको पता है वो तो व्यक्ति एक ही है इसका मतलब ऊपर से सातवें नंबर पर है तो इसके पहले कितने व्यक्ति होंगे छः नीचे से छब्बीसवें नंबर पर है तो छब्बीस के नीचे कितने होंगे पच्चीस पच्चीस और छः ऊपर थे पच्चीस छः हो जाएगा इकतीस और वो एक व्यक्ति स्वयं था तो वो कितना हो जाएगा छब्बीस तो टोटल कितने हो गए बत्तीस चलिए आगे चलते हैं गुड नाइट मानसी जी कोई बात नहीं चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आगे देखिए व्यक्तियों की कतार में मानिक दाएं सिरे से चौदहवें स्थान पर है तब वह बाएं सिरे से कौन से स्थान पर होगा देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं चालीस व्यक्ति हैं मानिक दाएं सिरे से इसका मतलब दाया सिरा यहां से है दाएं सिरे से दाएं सिरे से दाएं सिरे से चौदाहवें स्थान पर तो यह हो जाएगा आपका चौदाहवां स्थान ठीक तो दाएं सिरे से चौदाहवां स्थान पर है तब वह बाएं सिरे से कौन से स्थान पर होगा अब आप सोचिए चौदह यह हो गया इसके पहले आपका कितना आएगा टोटल हो जाएगा छब्बीस यहां इसका मतलब इसके इस पार कितने हैं छब्बीस तो बाएं सिरे से कौन से पर स्थान पर होगा सत्ताईसवें स्थान पर होगा ठीक है फ्रेंड्स कौन से स्थान पर होगा सत्ताईसवें स्थान पर होगा क्योंकि आप लोगों को पता है चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं आगे यहां पर अगर पूछा जाए आपको पता है अब छब्बीस इधर हैं। इसमें इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है कोई डाउट है इस वाला जो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कोई दिक्कत है इस वाले में जल्दी से बताइए <laughs> माही यादव जब तक हंड्रेड परसेंट का मैसेज नहीं आता चलिए चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अब हम आगे चलते हैं लड़कों की एक कतार जिनके चेहरे उत्तर की तरफ हैं, ए बाएं सिरे से सोलवें स्थान पर है तथा सी दाएं सिरे से सोलवें स्थान पर है बी ए के दाएं चौथे स्थान पर तथा सी के बाएं पांचवें स्थान पर है तब कुल कितने लड़के होंगे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को लड़कों की एक कतार जिनके चेहरे उत्तर की ओर हैं जिनके चेहरे उत्तर की ओर हैं तो हम ऐसे ले लेते हैं और इनके चेहरे उत्तर की ओर हैं ए बाएं सिरे से सोलवें स्थान पर तो यहां से व्यक्ति यहां पर है ए बाएं सिरे से सोलहवें स्थान पर है ठीक है तथा सी दाएं सिरे से यहां पर ए ए हो जाएगा लड़कों की ये कतार में जिनके चेहरे उत्तर के बाएं सिरे से सोलवे स्थान पर तथा सी दाएं सिरे से सोलवे स्थान पर अब सी का जो हम ले लेते हैं दाएं सिरे से सोलह स्थान पर तो ये हो गया सी हो गया ये दाएं सिरे से सोलह स्थान पर उधर से और इधर से ठीक बी ए के दाएं चौथे स्थान पर अब ध्यान से सुनना बी जो है ए के ये है ए के दाएं चौथे स्थान पर यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा ये जो है बी है ठीक है चौथे स्थान पर बी ए के दाएं चौथे स्थान पर तथा सी के बाएं पांचवें स्थान पर तो सी का बाया ये है पांचवें स्थान पर एक दो तीन चार ये देखो पांच पे भी है ही है अब क्या पूछा है तब कुल कितने लड़के होंगे अब आपको पता है सोलह ये हो गए सोलह ये हो गए बत्तीस हो गए बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस तो इसके बीच में कितने बच्चे आए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो प्लस आठ तो कितने हो गए सोलह दूनी बत्तीस बत्तीस आठ चालीस तो आंसर क्या आ गया दोस्त चालीस आंसर आ गया आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कभी गलती नहीं होगी ठीक है आप फॉर्मूला याद करेंगे तो प्रेशर दोस्त बहुत ज्यादा होता है प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वहां याद नहीं हो पाएगा लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं टाइम आपके पास इनफ रहेगा आर ओ में यूपीपीसीएस में इस तरीके से आप बिल्कुल सही कर सकते हो एक बार और बता देता हूँ चलिए कोई बात नहीं इंडिया जी मैं एक बार और बताता हूँ यहाँ देखिए जो पूछा गया है वही आपको करना है ठीक देखिए लड़कों की एक कतार जिनके चेहरे उत्तर की तरफ हैं, हमने चेहरे उत्तर की तरफ कर दिए हैं क्या कह रहा है ए बाएं सिरे से सोलहवें स्थान पर ए जो है बाएं सिरे से सोलवे स्थान पर तो आपको पता है जब ये पूरा खड़ा है आपका देखिए ये पूरा है तो ये बाया होगा ये दाहिना होगा तो बाएं सिरे से ए सोलवे स्थान पर तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल बच्चे कितने हैं सोलह वहीं सी की बात कर जा रहा है तो ये बाएं दाहिने सिरे से सोलवें स्थान पर तो ये सोलह हो गया आगे क्या कह रहा है बी ए के दाएं चौथे स्थान पर बी जो है ए के दाएं ए के दाएं चौथे स्थान पर देखिए ए यहां पे है ए के दाएं चौथे स्थान पर तो एक दो तीन चार बी को हमने यहां बैठा दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक आगे क्या कह रहा है सी के बाएं पांचवें स्थान पर तो हमने सी यहां पे रखा ही हुआ है तो सी के बाएं पांचवें स्थान पर एक दो तीन चार पाँच फुलफिल हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुलफिल हो गया नींद आ रही है फ्रेंड्स कोई बात नहीं आप लोग थोड़े टाइम और साथ दीजिए आपको पता है आर ओ ए आर ओ का एग्जाम है और सिलेक्शन हो जाएगा तो खूब सोइएगा लेकिन एक दो गलती अगर रीजनिंग की वजह से आप लोगों का गलत हो गया तो पूरे पूरे साल भर की मेहनत खराब होगी जो पिछले तीन चार महीनों से बहुत अच्छे तरीके से आप लगे हो इसके पहले वाला चलो वो भी बता देंगे ये चालीस हुआ है ये वाला कह रहे हो चलो इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार दोबारा से जिनको थोड़ा जो है उनको समझ में आ जाएगा चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको कह रहा चालीस व्यक्तियों की एक कतार में मानिक दाएं सिरे से चौदहवें स्थान पर है अब ये जो लाइन है दोस्त इंडिया आपने क्वेश्चन पूछा है इसलिए आपका नाम लेके बता रहा हूँ चालीस व्यक्तियों की एक कतार में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने व्यक्ति हैं दोस्त चालीस व्यक्ति है चालीस व्यक्तियों की एक कतार है आगे क्या कह रहा है मानिक दाएं सिरे से चौदहवें स्थान पर है तो आपको पता है अगर इधर खड़े हो जाएंगे तो ये जो है ये दाया होगा दाए से कौन से स्थान पर मानिक है चौदहवें स्थान पर तो हम चौदाहवा स्थान मान लेते हैं ये एक दो तीन चार पांच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदहवा स्थान ये हो गया मानिक का ठीक है मानिक का कौन सा स्थान हो गया चौदाहवा अब पूछा है कि मानिक जब चौदाहवें स्थान पर दाहिनी तरफ से है तो पूछा है इस तरफ से उनका क्या स्थान होगा अब आप सोचिए एक पंक्ति में टोटल चालीस लोग बैठे हुए हैं चालीस लोगों में से चालीस लोगों में चौदाहवें स्थान पर ये हैं, तो अब बचे कितने व्यक्ति बचे कितने व्यक्ति हैं दोस्त आपको पता है इसके इस पार यानी यहाँ से लेकर यहां तक कितने लोग बैठे हैं 26 लोग मानिक के इस पार बैठे हैं छब्बीस लोग छब्बीस लोग मानिक के इस पार बैठे हैं तभी तो चालीस होगा तभी तो चालीस होगा यानी मानिक के मानिक के इधर आओगे तो छब्बीस लोग और मिलेंगे आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया है यहाँ से यहाँ से मानिक का स्थान कौन है तो छब्बीस लोग यहाँ से लेकर मानिक के पहले तक पहुँच चुके हैं तो मानिक बाएं सिरे से सत्ताईसवें स्थान पर होगा ना मानिक, बा, मानिक बाएं मानिक बाएं सिरे से सत्ताईसवें स्थान पर होगा क्योंकि मानिक के मानिक के बाद छब्बीस लोग हैं मानिक के बाद छब्बीस लोग हैं जब बाएं सिरे से गिनोगे तो छब्बीस तो इधर हो ही गए मानिक को ऐड करोगे क्योंकि मानिक का पूछा है तो मानिक कितना हो जाएगा सत्ताईसवें स्थान पर ठीक है चलिए आंसर क्या गया दोस्त ट्वेंटी सेवन आंसर कितना गया इसका 27 याद कर लीजिएगा आंसर आया आपका 27 क्योंकि ये जो मानिक है छब्बीस यहां है ये जो मानिक है ये 27वें स्थान पर बाएं सिरे से आएगा चलिए ये वाला ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग करना चाहे ये सब आपके होमवर्क के लिए है आपके होमवर्क के लिए है आप लोग इसको करके बताइएगा तीन लड़के ए बी सी एक कतार में खड़े हैं ए तथा बी के मध्य पांच लड़के हैं बी तथा सी के मध्य आठ लड़के हैं सी के आगे तीन लड़के हैं तथा ए के पीछे इक्कीस लड़के हैं तब इस पंक्ति में न्यूनतम कितने लड़के हैं तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या होगा आप लोग इसका आंसर बताइएगा फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर ठीक है और मैं आंसर आप लोगों को लिख दे रहा हूं आप लोग एग्जैक्ट करके बताना आंसर इसका आएगा 28 28 आंसर आएगा ये आप लोगों का होमवर्क है आप फिट करके बैठाइएगा कि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से अरेंज करना है और आपको 28 आंसर लाना है ठीक है चलिए 28 आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइए तब तक हम दो मिनट एक मिनट लगेगा पानी पी लेते आप सब में कितने लोग ऐसे चाहते हैं जो दो तीन मिनट का ब्रेक चाहते हैं या कंटिन्यू करें जल्दी से बताइए आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दो तीन मिनट का ब्रेक हो जाए लगभग एक से डेढ़ घंटे की क्लास और होगी फ्रेंड्स इसके बाद लगभग एक से डेढ़ घंटे या आपका हां डेढ़ दो घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी इंडिया जी है मेरे पास धीरे धीरे खा लेता हूं चाय मैं पीता नहीं गाजर का हलवा लेके खड़ा हूं बीच बीच में खाता रहता हूं ऐसे तो नहीं रह पाऊंगा चलिए कंटिन्यू करते हैं अधिकतर लोगों का कंटिन्यू आ रहा है अधिकतर लोगों का कंटिन्यू आ रहा है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं फ्रेंड्स चलिए बहुत बढ़िया अब ध्यान से देखिए इसको करते हैं बच्चों की एक कतार में क्षमा बाएं सिरे से नौवें स्थान पर है अब देखिए यहां पर बाएं सिरे से नौवें स्थान पर कौन है नौवें स्थान पर कौन है क्षमा ठीक है फ्रेंड्स जबकि जिया दाएं सिरे से बारहवें स्थान पर दाएं सिरे से हम लेके आएंगे तो जिया किस स्थान पे है बारहवें स्थान पर है तो हम मान लेते हैं कि बारवा स्थान जिया का यहां है ठीक है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन कह रहा है जो क्वेश्चन कह रहा है केवल और केवल उतना करेंगे बस अभी उसने क्या बोला कि क्षमा का जो स्थान है वो बाएं सिरे से नौवा है और जो जिया का स्थान है वो दाएं सिरे से बारवा है हमने जितना बोला केवल कि उतना किया अब आगे चलते हैं जबकि वह अपनी स्थिति को बदलते हैं तो क्षमा बाएं सिरे से पंद्रहवें स्थान पर हो जाती हैं जब वह अपनी स्थिति बदलती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षमा पहले यहाँ थी नौवें स्थान पर थी अब उन्होंने क्या किया अपने स्थान को चेंज करके जिया की जगह शिफ्ट कर ली तो इसका मतलब यहां से यहाँ जब शिफ्ट हुई क्षमा अब यहाँ पर क्षमा का जो स्थान हो गया वो कितना हो गया दोस्त पंद्रह हो गया इसका मतलब क्या हुआ इसके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं नौ के बाद दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तभी तो पंद्रह होगा तभी तो बाएं सिरे से पंद्रहवाँ स्थान क्षमा का हो गया अब देखिए नौ था दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह अब क्वेश्चन भी फुलफिल कर रहा है कि जब जब अपनी स्थिति को बदल लेती हैं तो क्षमा बाएं सिरे से पंद्रहवें स्थान पर हो गई तो अब ये जिया की जगह बैठ रही हैं तो यहाँ से देखा जा रहा है क्षमा पहले नौ पे थी अब क्षमा जब जिया की जगह पहुँच गई तो वह स्थान इनका बाएं सिरे से पंद्रहवां हो गया इसका मतलब दोस्त क्या हुआ बीच में कितने लोग बैठे हैं बीच में पांच लोग और बैठे हैं बीच में जब पांच लोग और बैठे हैं तो आपसे पूछा है कि जिया का दाएँ सिरे से कौन सा स्थान होगा तो जिया का दाया सिरा कौन है मेरे दोस्त जिया का दाया सिरा ये वाला है दाएँ सिरे से जब आप लोगे तो जिया पहले कहाँ पे थी? 12 पे थी। अब जिया कहाँ पहुँच गई है? की जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसका मतलब ये हुआ कि जिया का जो स्थान होगा, वो कौन सा होगा दोस्त? 18वां स्थान होगा। ठीक है? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? 18, eighteen आंसर जाएगा। तब जिया का दाएं सिरे से कौन सा स्थान होगा अट्ठारवा स्थान होगा आप याद रखिएगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दक्ष श्रीवास्तव आपने बिल्कुल सही बताया है अठारवें स्थान पर कोई दिक्कत नहीं है चलिए आपका वरीयता से आधारित जो चार से पांच टाइप के क्वेश्चन दोस्त बनते थे वो हमने करवा दिया है और आज आप लोग जितने लोग हमारे साथ लगे हुए हो जब किसी भी दिन जब भी आपकी प्रैक्टिस रीजनिंग की होगी ना अगर आप इतना अच्छे से करके जाते हो तो आंसर बताने में सबसे पहले आप लोग रहोगे कोई भी क्वेश्चन देंगे बस आपको पता होना चाहिए मैंने कैसे करवाया है और किस तरीके से जोड़ के बताया हुआ है ठीक चलिए आगे चलते हैं अब आ गया श्रेणी अब श्रेणी को हम समझते हैं दो तीन श्रेणी को हम सॉल्व करेंगे लिखते हैं और आपको बताते हैं एक नौ पच्चीस उनचास इक्यासी एक नौ पच्चीस उनचास इक्यासी एक नौ पच्चीस उनचास इक्यासी अगला क्या होगा अगला क्या होगा ये सीरीज वाला चैप्टर है दोस्त अगला क्या होगा जल्दी से बताइए चलिए जल्दी से बताइए चलिए जिया जी, जी बहुत बहुत थैंक यू आ, रूल नंबर ट्वेंटी फोर आपको फिर से क्यों पढ़ना पड़ेगा बस एक बार क्लास आप दोबारा के लिए मत रखिए दोस्त दोबारा के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उसको दोबारा के लिए मत रखिए क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है आपके पास आज आप टाइम दे रहे हो दे रहे हो तो इसको अच्छे से पढ़ के चलो जिससे रीजनिंग रिवीज़न करें और आपका काम हो जाए जिससे रीजनिंग reasoning... करें और आपका काम हो जाए आगे ना जाए अगला आ गया 121 बहुत बढ़िया आपको पता है ये वन का स्क्वायर है ये तीन का स्क्वायर दिया है ये आपका पाँच का स्क्वायर दिया है ये आपका सात का स्क्वायर दिया है ये आपका नौ का स्क्वायर दिया है इसी प्रकार से अगला जो स्क्वायर होगा दोस्त वो क्या होगा ग्यारह का होगा ग्यारह का स्क्वायर कितना होता है एक तो आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह इसी प्रकार से आगे भी होगा आगे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछू चार सात बारह उन्नीस अट्ठाइस चार सात बारह उन्नीस अट्ठाईस का बताइए चार सात बारह उन्नीस अट्ठाईस अगला पद क्या होगा आप बताइए अगला पद क्या होगा जल्दी से बताइए चार सात बारह चार सात बारह उन्नीस अट्ठाईस अगला पद क्या होगा चलिए चलिए अभी तक किसी का आंसर नहीं आया उनतालीस आ गया दिनेश कुमार का बहुत बढ़िया दिनेश जी आपको पता है देखिए यहां कुछ नहीं है फ्रेंड्स बस आपको समझते जाना है आपको समझते जाना है कुछ नहीं है देखिए चार तीन सात अगले में क्या बढ़ा सात पांच बारह प्लस हो रहा है देखिए प्लस हो रहा है तीन जुड़ा फिर पांच जुड़ा अगला क्या जुड़ रहा है सात जुड़ रहा है अगला फिर क्या जुड़ेगा मेरे भाई नौ जुड़ेगा फिर जब देखिए क्या क्या जुड़ रहा है तीन जुड़ा पांच जुड़ा सात जुड़ा नौ जुड़ा अगला क्या जुड़ेगा ग्यारह जुड़ेगा तो जब अट्ठाईस में ग्यारह जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा थर्टी नाइन हो जाएगा आंसर आपका क्या गया दोस्त थर्टी नाइन ठीक है अब आगे हम लेते हैं इसमें आगे अगर हम लें अब आप लोग जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है टफ पड़े एक सौ बीस निन्यानवे एक सौ बीस निन्यानवे अस्सी तिरसठ अड़तालीस अस्सी तिरसठ अड़तालीस अगला पद क्या होगा यहां पे आपसे पूछा है अगला पद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं चलिए जल्दी से बताइए बिमल पनवन पवन पाल करण सिंह सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा सर ये वाला कौन सा इंडिया जी आप कौन सा कह रहे हैं जल्दी से बताइए आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इसके पहले वाला या अभी वाला बहुत बढ़िया पिल्ला जी जबरदस्त और एकलव्यक्लव्य ने भी आंसर बिल्कुल सही बताया है देखिए दोस्त यहाँ कुछ नहीं है आपको यहाँ पे पता है ग्यारह का स्क्वायर क्या होता है देखिए कुछ नहीं किया गया है ग्यारह का स्क्वायर माइनस वन दस का स्क्वायर माइनस वन नौ का स्क्वायर माइनस वन आठ का स्क्वायर माइनस वन आठ का स्क्वायर माइनस वन ऐसे ही सात का स्क्वायर माइनस वन अगला क्या आ जाएगा छः का स्क्वायर माइनस वन अब देखिए ग्यारह ग्यारह में एक सौ इक्कीस में से एक गए एक सौ बीस दस दहा सौ सौ में से एक गए निन्यानबे नौ नवा इक्यासी में से एक गए अस्सी आठ, अठाई चौसठ में से एक गए तिरसठ सात सतह उनचास में से एक गए अड़तालीस इसी प्रकार से जब छह का स्क्वायर करोगे छत्तीस छत्तीस में से एक गए पैंतीस तो आंसर आपका क्या गया पैंतीस ठीक है चलिए श्रेणी वाला ये देखिए इसमें कुछ नहीं था फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था अब जैसे शुरू का लिखा है एक नौ पच्चीस उनचास इक्यासी तो आप देख रहे होंगे या किसी ना किसी का स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पे एक का स्क्वायर एक ही होता है एक के बाद तीन आया तीन का स्क्वायर फिर पाँच का स्क्वायर फिर सात का स्क्वायर फिर नौ का स्क्वायर फिर ग्यारह का स्क्वायर यानी जो विषम संख्या होती है उसी का स्क्वायर करते हुए आगे बढ़ाया गया है उसी का स्क्वायर करते हुए आगे बढ़ाया गया है तो आगे देखिए जैसे ये वाला है चार सात बारह उन्नीस अट्ठाईस अब देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है चार में तीन जोड़ा सात सात में पाँच जोड़ा बारह बारह में सात जोड़ा उन्नीस उन्नीस में नौ जोड़ा अट्ठाईस अट्ठाईस में ग्यारह जोड़ा उनतालीस आंसर आपसे वही पूछा गया था ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं इस टाइप से भी अब आप लोग कर लीजिएगा अब हम एक चलते हैं दूसरी सतत श्रेणी ठीक है अच्छा डबल सीरीज की पहचान चलिए इसकी पहचान क्या है दोस्त मैं आपको बताता हूं एक दो क्वेश्चन लिखता हूं उससे आप समझ जाएंगे दो पंद्रह चार बारह दो पंद्रह चार बारह छ सात आपसे पूछा है ये जो प्रश्नवाचक बना इसकी जगह क्या आएगा कभी भी डबल सीरीज की पहचान क्या है दोस्त आप याद रखिएगा कि कभी भी छोटा बड़ा फिर छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे आए तो आप समझ जाइएगा वो सिंगल सीरीज नहीं है दो सीरीज को एक साथ मिलाकर दिया गया है यहां पर देखिए दो के बाद पंद्रह पंद्रह के बाद चार चार के बाद बारह बारह के बाद छः के बाद सात तो इसका मतलब यहां पर डबल सीरीज की बात की गई है डबल सीरीज है तो देखिए कैसे यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए दो चार छ अगला क्या जाएगा दोस्त आठ जाएगा ठीक अब अगला देखिए पंद्रह से कम कितना हुआ माइनस तीन हुआ बारह आया फिर अगले में कितना कम हुआ चार जो आया पाँच कम हुआ माइनस पाँच अगले में कितना कम होगा सात कम होगा सात जब कम होगा से माइनस सात में सात गए जीरो आएगा तो आंसर देखिए यहाँ पे डबल श्रेणी थी डबल श्रेणी थी एक तीन का कम हुआ फिर पाँच कम हुआ फिर सात कम हुआ यहाँ क्या हो रहा है दो ऐड हो रहा है पहले दो ऐड हुआ फिर दो ऐड हुआ फिर आपका दो ऐड हुआ लेकिन ऊपर क्या हो रहा था माइनस तीन माइनस पांच माइनस सात तो आठ और जीरो एकदम सही दिया है जिया बहुत अच्छा चलिए आगे अब चलते हैं फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद जिया जी आपको भी अब हम देखो डबल श्रेणी की पहचान मैंने आपको बता दिया और एक तरीका ये था और दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये है कि किसी भी श्रेणी में यदि संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है तब भी वो डबल श्रेणी है वहाँ पे आप देखते ही दिमाग किसका लगाओगे डबल श्रेणी वाला अगर आप यहाँ पे सिंगल श्रेणी वाला दिमाग लगाओगे कि दो से पंद्रह कैसे आ गया पंद्रह से चार कैसे आ गया फिर चार से बारह कैसे आ गया तो ज़िंदगी में कभी सॉल्व नहीं होगा लेकिन जो मैंने तरीका आपको बताया कि कम ज्यादा कम ज्यादा इस तरीके से आ रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे आप ये वाला तरीका लगा लेना बहुत आसानी से बहुत अच्छे से निकल आएगा ठीक है चलिए अब हम आ जाते हैं सतत श्रेणी पे आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन में कैसे करके देता है मैं आपको अब एक दो क्वेश्चन इसको भी करा देता हूं दो डॉट किया फिर उसके बाद लिखा ए बी ए ए बी ए बड़ा बड़ा लिखें क्या थोड़ा बड़ा लिखते हैं दो डॉट किया उसके बाद लिखा ए बी ए ए बी ए फिर आगे दो डॉट किया फिर बी ए फिर आगे आपसे क्या किया एक डॉट किया फिर ए बी लिखा एक डॉट किया फिर आपसे ए बी लिखा अब आपसे पूछता है कि चार ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन कौन से शब्द आएंगे बहुत पूछा जाता है दोस्त बहुत पूछा जाता है अब यहाँ पे आप दो ध्यान रखिएगा देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह टोटल बारह शब्द दिए गए हैं तो जोड़ा कैसे बना होगा या तो तीन तीन का जोड़ा बना होगा या तो चार का जोड़ा बना होगा या तो आपका दो का जोड़ा बना होगा अगर दो का जोड़ा बना होगा तो छः बार जाएगा तीन का जोड़ा बना होगा तो चार बार होगा और चार का जोड़ा बना होगा तो तीन बार होगा अब जरा हम इसको देखते हैं अगर यहाँ पे हम फिक्स करें देखिए ए बी ए बी फिर ए बी ए बी फिर ए बी ए बी यहाँ पे देखिए दो का जोड़ा बना है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी तो भरने के लिए ऑप्शन में आपको दिया होगा कि ए में कुछ दिया होगा बी में कुछ दिया होगा सी में मान लो आपको दे दिया कि ए में कुछ दिया बी में कुछ दिया और सी में आपको यही दिया हुआ था ए बी बी ए बी ये भरने के लिए आएगा तो अब देखिए ये लाइन आपको फुलफिल करती ए बी बी ए ये फुलफिल आपको करता तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसको गिनकर हम देख लेते हैं या तो दो दो में बांटा होगा या तो तीन तीन में बांटा होगा या फिर चार चार में बांटा होगा ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसको हमने आपको जो तरीका बताया अब मिश्रित श्रेणी में देखिए मिश्रित श्रेणी में क्या होगा फ्रेंड्स आप इसको देखिएगा बी इसमें आपसे शब्द भी देगा और अंक भी देगा फोर सी एट ई आगे आपका दिया है फोर्टीन एच आगे दिया है कि यहां पर कौन क्या आएगा अब देखिए ये आपको दिया है एक श्रेणी दिया है आपसे पूछा है इसके अगला शब्द क्या होगा तो आप लोग बताइए क्या होगा अगला शब्द चलिए बहुत जल्दी चलिए आगे चलते हैं अब हम चलिए स्टार्ट करें फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम आपको पता है देखिए दो से चार आया संख्या को संख्या से इंक्लूड करेंगे चार से चार जुड़ा आठ हो गया आठ में कितना जुड़ा दोस्त छ जुड़ा देखिए दो जुड़ा फिर चार जुड़ा फिर छः जुड़ा अगला क्या जुड़ेगा छः दो चार छः फिर अगला क्या जुड़ेगा आठ जुड़ेगा तो चौदह आठ बाईस तो संख्या तो हमें प्राप्त हो गई बाईस अब आपको पता है बी के बाद सी आया है बी के बाद सी आया है जस्ट बाद एक जुड़ा है सी के बाद ई आया है तो यहां पर आपको दो जुड़ा है और ई के बाद आपका एच आया है तो कितना जुड़ा है तीन जुड़ा है तो अगला जो आएगा दोस्त वो चार जुड़ेगा तो एच में जब चार जोड़ोगे एच आठ पे होता है एच आठ पे होता है आठ चार बारह बारह किस पे होता है बारह आपका आता है एल तो बाईस एल आंसर होगा अगली श्रेणी आपकी क्या होगी बाईस एल ठीक है अब आपको अब आप लोगों को यह करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि M कितने पे आता है जैसे M 13 पे आता है अगर आपसे V पूछा जाए 22 पे आता है U पूछा जाए 21 पे आता है S पूछा जाए 19 पे आता है T पूछा जाए 20 पे आता है Q पूछा जाए 17 पे आता है तो सारे आपको याद होने चाहिए अगर आपसे W पूछे तो चौबीस पे बताना चाहिए जे पूछे तो दस पे आता है जी पूछे तो सात पे आता है एच पूछे तो आठ पे आता है के की बात करें तो ये ग्यारह पे आता है तो इस आई पूछे तो नौ पे आता है याद होना चाहिए सब आपको तब मजा आएगा ये जैसे आपके सामने एस आया तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए उन्नीस जैसे आपके सामने यू आया तुरंत आपके समझ में आ, आना चाहिए इक्कीसवे नंबर पे है तो यानी ए बी सी डी का जो क्रम है ए एक पे आता है बी दो पे आता है ये आप रट लो ऐसा नहीं कि आप उसको काउंट करो जैसे आपके सामने एच आया तुरंत आप बोलो एच आठ पे आता है जैसे आपके सामने आई आया तुरंत बोलो नौ पे आता है जब इस तरीके से याद रहेगा तब मजा आएगा क्यों जैसे आपके सामने आया क्यों सत्रह पे आता है ठीक है चलिए मिश्रित श्रेणी आपको बता दिया इस तरीके से पूछेगा और ऐसे ही करना है अब फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं चलिए अब देखिए यहाँ पर वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है अब कंचन गोंड याद है सर बहुत बढ़िया जिनको जिनको याद है बहुत बढ़िया जिनको जिनको याद है अब वर्गों की संख्या ज्ञात करने को चल रहा हूँ ये पॉइंट जो है मज़ा आएगा ये करके बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी होगा एक एक क्वेश्चन कराते जाएंगे वर्गों की संख्या में आप लोग ध्यान देते जाइएगा आपसे पूछेगा ऐसे दे देगा और आपसे पूछा जाए कि इस पूरे में वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए तो आप लोग कैसे बताओगे बहुत बढ़िया पवन पाल जी बिल्कुल सही है आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी है वर्गों की संख्या क्या होगी आप लोग बताइए वर्ग की संख्या क्या होगी चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स आप लिखते जाइए एक दो तीन चार पाँच एक के बाद दो तीन चार पाँच छः तो ऐसे अगर आपका आ गया एक मिटा दो छः एक्स्ट्रा हो गया है एक अभी मिटा दो ठीक तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए और आपसे वर्ग की संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या करना है पचवा पच्चीस चार चौक सोलह कुछ नहीं करना है पचवन पच्चीस चार चौक सोलह तीन त्रिका नौ दो दूनी चार और एक एक जो बचा ले लो सबको जोड़ लो आंसर हो गया कैसे नौ एक दस चार चौदह चौदह छब्बीस बीस दस तीस तीस बीस पचास पांच पचपन पचपन आयत बने पचपन वर्ग बनेंगे आंसर हो गया आपका पचपन वर्ग हां बिल्कुल बहुत ज्यादा त्रिशु जी कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा है पोस्ट आपको पता है पोस्ट चार सौ कुछ है और फॉर्म भरने वाले बहुत सारे हैं तो कंपटीशन इसी से समझ में आ जाता है हर एक सीट पे दस दस हजार लोग बैठे हुए हैं चलिए समझ गए ना कैसे निकालेंगे हम जैसे एक और छोटा समय इसी में और करवा देता हूं अब देखिए यहां भी क्या करना एक दो तीन चार पाँच एक बाद दो तीन चार अच्छा इसमें भी पांच हो गया छोड़ो पांच नहीं करेंगे इसमें एक हटा देते नहीं तो आप लोग सोचोगे सर दोनों वही वाला कराए अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे चार ही कर दिए आपको कुछ नहीं करना है पांच चौक बीस करते जाइए चार तियाई बारह तीन दूनी छ अब कितने बचे एक दो बचे इनको दो लिख लो कुछ नहीं करना है आपको छ दो आठ दस आठ अट्ठारह दो बीस बीस चालीस चालीस वर्ग यहां बनेंगे ठीक है तो आप समझते जाना इस चीज को कैसे क्या कराया गया है तो वर्ग की संख्या हो गई आ, अच्छा है पवन पाल जी यूपी प्रयागराज से हैं बहुत अच्छी बात है चलिए चलिए कोई बात नहीं अब हम आगे चलते हैं अब आयातों की संख्या बतानी है आयातों की संख्या बतानी है दोस्त चलिए इसको भी करते हैं हम समझते जाना इसको यहाँ पे कुछ नहीं करना है दो एक तीन तीन छः चार दस पाँच पंद्रह जोड़ लेना है यहाँ पे भी जोड़ोगे तो पंद्रह ही आएगा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स इस पंद्रह का इस पंद्रह से गुणा कर लेना है पंद्रह पंद्रह हमें दो सौ पच्चीस तो इसमें कितने आयत आ गए दो सौ पच्चीस आंसर हो गया ठीक है फ्रेंड्स यहां पे आंसर क्या हो गया 225 बस समझ के रखना कि आयत पूछेगा तो क्या करना है और वर्ग पूछेगा तो क्या करना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स आगे चलते हैं अब हम अब यहां पे ध्यान रखना ये जो आयत है ये जो आयतों की संख्या आई है इसमें वर्ग भी इंक्लूड है आपसे अगर ये पूछता है ऐसे आयत की संख्या बताइए जो केवल आयत हैं तब क्या करेंगे इसी में पूछ लेता कि ऐसे आयत की संख्या बताइए जो केवल आयत है मैं लिख देता हूं के, केवल आया आयतों की संख्या केवल आयतों की संख्या केवल आयतों की संख्या की बात करें तो इसका मतलब यह है कि वर्ग को ब्रेकट में वर्गों की संख्या को छोड़कर वर्गों की संख्या को छोड़कर वर्गों की संख्या को छोड़कर तब आप क्या करेंगे कुछ नहीं करना है पचो पच्चीस चार चौक सोलह तीन नौ टू टू जा फोर वन अब देखिए कितना आ गया नौ एक दस चौदह छब्बीस दस तीस बीस पचास पांच पचपन इसका मतलब ये जो दो सौ पच्चीस टोटल आयात आए थे इस दो सौ पच्चीस में से पचपन ऐसे आयत हैं जो वर्ग हैं केवल केवल आयत पूछा है इसका मतलब वर्ग को घटा देंगे तो केवल आयतों की संख्या बराबर आयातों की संख्या बराबर दो सौ पच्चीस माइनस पचपन ज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो और उसके बाद बारह सात एक सौ सत्तर आंसर क्या आ जाएगा दोस्त एक सौ सत्तर आ जाएगा ध्यान दे लीजिएगा ठीक है तो भूलिएगा नहीं एक सौ सत्तर आयत दोनों क्वेश्चन को एक ही में ही करा दिया दोनों में अलग तरीके से पूछा जा सकता है अगर आपसे केवल ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि दिए गए चित्र में आयत की संख्या बता दीजिए तब आप 225 बताएंगे लेकिन अगर आपसे पूछे कि दिए गए दिए गए चित्र में ऐसे आयातों की संख्या बताइए जो वर्ग नहीं है या केवल आयातों की संख्या बताना है तब आपको क्या बताना पड़ेगा 170 आंसर होगा क्योंकि 225 में से 55 माइनस हो जाएगा 170 आ जाएगा ठीक है चलिए अब आते हैं हम त्रिभुजों की संख्या पे अब त्रिभुजों की संख्या पे आज आते हैं फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है करते चलते हैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से मान लो ये है इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी तो आपको कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स क्या करना है एक दो तीन चार कुछ नहीं करना है दो एक तीन तीन छः चार दस होंगे दस त्रिभुज किया क्या गया है कुछ नहीं किया गया है सबको नंबरिंग करके जोड़ लिया गया है कैसे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार जितने भी ऐसे रहें सबको जोड़ लें अगला इसी में अगर मैं कहूं इसका नेक्स्ट टॉपिक इसी में अगर नेक्स्ट मैं जोडूँ एक ऐसे ले लिया हमने सपोज दैट हमने ले लिया इतना ठीक और इसमें तीन लाइन भी ले लिया कुछ नहीं करना है एक दो तीन चार पांच छः अब देखिए एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छः इतना किया जोड़ लो सबको तीन तीन छः चार दस पांच पंद्रह पांच बीस एक इक्कीस आया ऐसे कितने बनेंगे एक आधार है दो आधार है तीन आधार है तो इक्कीस गुड़े तीन बराबर सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री त्रिभुज टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है सिक्सटी थ्री समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है जो कराया जा रहा है हाँ बहुत बढ़िया रूल नंबर ट्वेंटी फोर आपने बिल्कुल सही बोला यहीं अंशु जी स्टूडियो यहीं दिल्ली में है दिल्ली के वजीराबाद में दिल्ली के वजीराबाद में चलिए 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 आगे चलते हैं इस तरीके से आएगा तो ऐसे ही करेंगे थोड़ा सा इसी में एक दो और बताएंगे हम चलिए एक और बताते हैं फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड कभी आपसे पूछा जा सकता है चलिए देखते हैं इसमें बताइए कितने त्रिभुज होंगे दोस्त जल्दी से बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे हाँ बिल्कुल आती है रीजनिंग और मैथ दोनों आती है लगभग पंद्रह से सोलह क्वेश्चन आते हैं दोस्त दस से कम नहीं आता सोलह से ज्यादा अभी तक नहीं आया है सोलह मैक्सिमम आया है और दस कम से कम आया है हर बार चलिए जल्दी से आप लोग बताइए बीस आप लोग बीस बता रहे हैं चलिए देखते हैं एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। तो देखिए तीन दो पांच एक क्षेत्र अठारह यही हो गया अठारह एक ये वाला हो गया उन्नीस और एक बड़ा वाला हो गया बीस बीस आंसर होगा आप सभी लोगों का बिल्कुल सही है ठीक है चलिए अब इसी में एक और बताते हैं जैसे यहां पे इसमें कितने त्रिभुज होंगे फ्रेंड्स आप लोग बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे हाँ बिल्कुल श्रद्धा चौरसिया बिल्कुल आंचल मैम आंचल मैम सर ने रूल बता दिया है चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स हाँ साइड हो गए फ्रेंड्स अंशु यादव आप एक बार मैं सर से बात कर लूंगा अगर जरूरत होगी तो आपसे जरूर कांटेक्ट किया जाएगा चलिए यहां पे देखिए यहां पे आप इतना ध्यान रखिए दोस्त कि जैसे समझाने के लिए आपको पता है जैसे आपको यहां एक लिख दिया गया ये चार लिख दिया गया ठीक तो एक दो तीन चार अगर चार खाने बने हैं तो उसका दोगुना कर दिया जाता है चार दुनी आठ अगर मान लो एक और कर दिया गया ऐसे ये ऐसे कर दिया गया तो यहां से पॉइंट हम लगाना शुरू करें यहां पॉइंट लगाना शुरू करें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है आठ हुए ना तीन तीन छः दो आठ तो इसका मतलब एक खाने में कितने बने दो से मल्टीपल करना हुआ इसका मतलब सोलह त्रिभुज एक में बने तो जब सोलह त्रिभुज याद रखिएगा सोलह त्रिभुज इसमें बने ध्यान दीजिएगा आप लोग सोलह त्रिभुज इसमें बने सोलह त्रिभुज भी इसमें भी बने तो सोलह सोलह कितने हो गए फ्रेंड्स बत्तीस तो यही हो गए अब ध्यान से समझिएगा ध्यान से समझिएगा अब आप लोग आवाज आ रही फ्रेंड्स ठीक है बत्तीस हो गए हैं अब ध्यान से समझिएगा बत्तीस के बाद देखिए ये दोनों में है बत्तीस एक तैंतीस अब आगे देखिए एक और दिखाते हैं हम आपको अब देखिए एक ये हो गया अब इसी तरीके से आप ये देखिए तैंतीस के बाद ये आपका एक गया तैतीस एक चौंतीस ये भी तो एक त्रिभुज बनेगा दोस्त तैंतीस एक चौंतीस अब देखिए क्या इसके बाद और कोई बन रहा है नहीं तो आंसर कितना आप लोग बता रहे हैं चौंतीस हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप सभी लोग चौंतीस बताए हैं और जो लोग चौंतीस बताए हैं उन सबका सही है बिल्कुल इसमें कितने बनेंगे दोस्त थर्टी फोर ठीक है थर्टी फोर अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम अब दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित अब ज़्यादा देर नहीं बचा है फ्रेंड्स थोड़ी सी क्लास आप लोगों को और बची है लगभग आधे घंटे की लगभग आधे घंटे की क्लास और करवाऊंगा <laughs> नहीं अभी टाइम लगेगा एक घंटे हो चलिए करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर करके आधे घंटे में थोड़ा जल्दी खींच देते हैं चलिए दर्पण प्रतिबिंब समतल दर्पण में याद रखिएगा दर्पण प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है समतल दर्पण में वस्तु का आकार एवं प्रतिबिंब समान होता है आगे देखिए यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हों तो अनंत इमेज बनेगी और एक व्यक्ति उनके मध्य खड़ा है तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे गए हों और उसके बीच में कोई एक व्यक्ति हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे आप याद रखिएगा कितने प्रतिबिंब बनेंगे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे ठीक है आगे यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हों तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी अपॉन थीटा ये रूल याद कर लेना जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप एन की वैल्यू कितने प्रतिबिंब बनेंगे प्रतिबिंबों की संख्या पूछेगा तो एन बराबर तीन सौ साठ बटे थीटा आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बट सर आंसर नहीं दे रहे आंसर बताया तो फ्रेंड्स अच्छा आप नहीं बता रहे हो चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं यूपीएससी मिशन एक्सपायरेंट कोई दिक्कत नहीं आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए बस अब इसमें इसमें जो आपको मैंने बताया वो चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और एक चीजें अब यहां पर जल प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब आप यहां पे ध्यान दे लीजिएगा एक चीज और यहां पे बता देता हूं फ्रेंड्स जैसे ये वाला लास्ट लाइन है ये वाली लाइन है अगर यहाँ पे आंसर आपका सम में आता है आंसर मतलब दो आता है चार आता है छः आता है एन की वैल्यू दो चार छः आती है आठ आती है दस आती है तो इसका मतलब आप याद रख लीजिएगा आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे एन इज़ इक्वल टू थ्री सिक्सटी अपॉन थीटा है तो एन बराबर यहाँ पे जब आंसर आए मान लो आपका दो आए या चार आए छः आए मतलब सम संख्या में आंसर आता है तो उसमें से एक माइनस करके आंसर बताते हैं इसको आप ध्यान रख लीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स अतुल कुमार जी जय हिंद चलिए आपको भी जय हिंद फ्रेंड्स आगे चलते हैं अब हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसे क्षैतिज प्रतिबिंब भी कहते हैं चलिए इसको क्या कहते हैं इसको छैतीस दर्पण भी कहते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा यदि किसी घड़ी में चार बजकर पचास मिनट हो रहे हो और इसे छैतीस दर्पण में देखा जाए तब यह दर्पण में क्या समय बताएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में बोल देता हूँ आप लोग सुन लीजिएगा आ, हिंदी की क्लास फ्रेंड्स होगी लेकिन वो आ, मंडे से होगी अब क्योंकि अब कल संडे है मंडे से हिंदी की क्लास दो क्लास अब बची है वो हिंदी की क्लास हो जाएगी ठीक है राकेश सर की राकेश सर की क्लास है इवनिंग में ठीक है इवनिंग में राकेश सर की क्लास है मैराथन है ज्योग्राफी की पूरा ज्योग्राफी एक क्लास में खत्म कराएंगे बहुत अच्छे से ठीक है आगे चलते हैं फ्रेंड्स अब देखिए किसी घड़ी में कितने हो रहे हैं किसी घड़ी में चार बजकर पचास मिनट हो रहे हैं ठीक है चार बज के पचास मिनट हो रहे हो और इसे छैतीस दर्पण में देखा जाता है तब दर्पण में क्या समय बताएगा इसके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं नहीं तो आप लोग बाद में बड़ी दिक्कत होगी जब आप लोग स्लाइड पढ़ोगे कोई मतलब नहीं रह जाएगा एक क्वेश्चन लिख देता हूं दोस्त टाइम बेशक थोड़ा लगेगा एक मिनट यदि किसी घड़ी में चार बजकर पचास मिनट हो रहे हैं चार बजकर पचास मिनट हो रहे हैं तो पचास मिनट हो रहे हैं तो है तो चार बजकर पचास मिनट हो रहे हो तो, तो इसे छैतीस दर्पण में देखा जाए तो इसे छैतीस दर्पण में छैतीस दर्पण में छैतीस दर्पण में देखा जाए तो देखा जाए तो क्या समय बताएगा क्या समय बताएगा यह क्वेश्चन था फ्रेंड्स क्या समय बताएगा अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए यह क्वेश्चन ठीक है अतुल जी आप लोगों को अच्छा लगा बहुत अच्छी बात है अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे चार पचास जब भी यहाँ जल प्रतिबिंब या छैतीस दर्पण की बात करें तो बात एक ही है इसमें क्या करते हैं दोस्त इसमें क्या करते हैं हम याद रखिए यहाँ पर छः बज के तीस मिनट में से घटाते हैं याद रखिए छः तीस से घटाते हैं सब में छः तीस से ही घटाएंगे और कितना हो रहा है चार पचास तो आप याद रखिए अब इसको क्या होता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है अगर वो अगर वो छे तीस मिनट से ज्यादा है तो जोड़ लेंगे जैसे ये तीस मिनट से ज्यादा है तो जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं तो पचास तीस अस्सी और ये आपका जो छः से ज्यादा होता चार वाला पचास तो हम जोड़ते और छः से कम है छः से कम कौन है चार है तो इस वजह से इसको घटाएंगे छः में से चार गए दो अब ये बताइए साठ में से अस्सी कितना ज़्यादा है क्योंकि जो मिनट होता है वो साठ मिनट का होता है तो कितना ज़्यादा है साठ से बीस ज़्यादा है तो साठ में बीस माइनस कर दो कितना आएगा चालीस तो इसका मतलब साठ से कितना ज़्यादा है साठ से ज़्यादा है साठ से ज़्यादा है बीस तो साठ माइनस बीस इज इक्वल टू चालीस तो आंसर क्या आ जाएगा दो बजकर चालीस मिनट तो ये आप याद रख लीजिएगा दो बजकर चालीस मिनट इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि छः से अगर घंटा जो ये घंटा दिया गया है घंटे दिए गए हैं अगर यहाँ पे छः से ज्यादा आता है छः से ज्यादा आता है तब जोड़ेंगे तब जोड़ेंगे जोड़ेंगे छे से कम आता है तब घटाएंगे तब घटाएंगे इसी प्रकार से मिनट में यह घंटे वाली बात हो रही है ये घंटे वाली बात हो रही थी मिनट वाली बात किया जाए तीस मिनट से तीस मिनट से ज्यादा आता है तो जोड़ देंगे जोड़ देंगे अगर 30 मिनट से 30 मिनट से कम आता है तो घटा देंगे ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी बात कर रहा हूँ देखिए छः से कम है चार इस वजह से छः में से चार घटाया हूँ दो आया है पचास जो है ये तीस मिनट से ज़्यादा है इसलिए मैंने क्या किया है पचास और तीस को जोड़ा है तो मैं इसकी बात नहीं किया हूँ अब जोड़ने पे जितना भी आया है अस्सी आ गया तो साठ से कितना ज़्यादा है साठ से बीस ज़्यादा है तो साठ में बीस घटाओगे कितना आएगा चालीस आएगा इसका मतलब जल प्रतिबिंब में, में अगर चार बजकर पचास मिनट हो रहा है यदि किसी घड़ी में चार बजकर पचास मिनट हो रहा है उसको जल प्रतिबिंब में देखोगे तो कितना टाइम हो रहा होगा दो बजकर चालीस मिनट ठीक है इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जैसे मैं ले लेता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मान लो सात बजकर किसी घड़ी में मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ एक बार किसी घड़ी में सात बजकर चालीस मिनट हो रहे हो और इसको छीस दर्पण में देखा जाए तो यह दर्पण में क्या समय बताएगा अब देखिए मैंने आपको बताया था आपको बताया था में से घटाना ही है हर बार छीस में से घटाना है यह रूल है छत्तीस से ही घटेगा लेकिन यहां क्या आ गया दोस्त सात चालीस आ गया क्योंकि सात बज के चालीस मिनट घड़ी में हो रहे हैं अब मैंने आपको बताया था अगर छह से ज्यादा रहेगा तो जोड़ देंगे छह से ज्यादा है तो जोड़ दिया तेरह हो गया और यहां मैंने आपको बताया था कि अगर 30 मिनट से ज्यादा है तो जोड़ देंगे आप देख रहे हैं कि 30 मिनट से ज्यादा है इसलिए इसको भी जोड़ देंगे 40 30 70 अब ये कितना ज्यादा है 60 से? से, से दोस्त 60 से 10 ज्यादा है 60 से 10 ज्यादा है इसलिए, इसलिए क्या होगा इसलिए साठ माइनस दस इक्वल टू तो मिनट क्या आ गया फिफ्टी मिनट आ गया आप लोगों का फिफ्टी मिनट आ गया अब बारह से कितना ज्यादा है एक ज्यादा है तो बारह में एक घटाएंगे तो क्या आएगा ग्यारह आएगा इसका मतलब आपका दर्पण उसमें देखेंगे किसमें देखेंगे जब आप जल में देखेंगे तो जो समय दिखा रहा है सात चालीस जब जल प्रतिबिंब में, में देखेंगे या क्षेत्र दर्पण में देखेंगे तो आंसर क्या होगा दोस्त ग्यारह बजकर पचास मिनट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग गलती नहीं कीजिएगा ठीक है ठीक है फ्रेंड्स चलिए चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा दोनों टाइप की हमने आपको बता दिया अब आगे हम चलते हैं इसी से रिलेटेड एक दो चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा अंग्रेजी की वर्णमाला में मैं यहाँ एक नया पेज लेके लिख देता हूँ अंग्रेजी की वर्णमाला में ऐसे कुल ग्यारह अक्षर होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब वैसा ही होता है तो यहाँ नोट डाल के लिख लो दोस्त नोट डाल के लिख लो कि अंग्रेजी की वर्णमाला में अंग्रेजी की वर्णमाला में कुल ग्यारह अक्षर कुल ऐसे ग्यारह अक्षर अक्षर होते हैं जिनका द्र... जिनका दर्पण प्रतिबिंब जिनका दर्पण प्रतिबिंब समान होता है समान होता है ठीक है फ्रेंड्स वो क्या है ए हाई मोटू डब्ल्यू एक्स वाई ए हाई मोटू वी W एक्स वाई ये चार होते हैं ठीक है वीडब्ल्यू एक्स वाई तो ये याद रखिएगा इनको वर्टिकली डिवाइड किया जाता है ए हाई मोटू वी W एक्स वाई ठीक है तो ग्यारह अक्षर दर्पण प्रतिबिंब सेम होगा इसको याद कर लीजिएगा ये यूपी या आर ओ ए आर ओ में एक बार पूछा भी गया है या कोई

इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको करवाना है एक और क्वेश्चन दोस्त करवाना है अंग्रेजी वर्ड वाला में ऐसे कुल आठ अक्षर हैं जिनका जल प्रतिबिंब समान होता है जल प्रतिबिंब समान होने वाले अक्षर ऊपर लिख देते हैं यहां पे। जल प्रतिबिंब समान याद रख लीजिएगा आप इनको जल प्रतिबिंब समान ऐसे आठ अक्षर हैं आठ अक्षर हैं इनको भी आपको याद रखना है अभी मान लो दर्पण का पूछा है जल का पूछेगा तो आठ है कौन कौन से हैं कोची डेक्स तो याद रखिएगा कोची डेक्स आपको पता है जो वो था वो वर्टिकली कटता है और ये क्षैतिज कटता है क्या कटता है क्षैतिज कटता है जैसे यहां पे तभी तो बराबर होगा देखिए इसपे काटते जाओगे तो बराबर ही आएगा सबका ठीक है तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है फ्रेंड्स डेक्स इसको ध्यान रखना है तो दो हो गया और तीसरा एक चीज और बताना है पहला नोट था ये दूसरा नोट आपका हो गया एक नोट और बताना है जो दोनों में जल और दर्पण दोनों में समान हो जल और दर्पण दोनों में समान हो जल और दर्पण दोनों में समान दोनों में समान ऐसे टोटल कितने अक्षर हैं आप ध्यान रखिएगा ऐसे टोटल दोस्त कितने अक्षर हैं लिख चार अक्षर हैं एच आई ओ एक्स हाई ऑक्स याद रख लीजिएगा चार अक्षर हैं चार अक्षर हैं आप याद करने का तरीका क्या है Hi ऑक्स आपको पता है ऑक्स मींस बैल होता है तो उससे याद कर सकते हैं hi ऑक्स दोनों में समान होगा ए हाय मोटू ए हाय मोटू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये दर्पण प्रतिबिंब का है वहीं आपका बात किया जाए कोची डेक्स कोची डेक्स की बात किया जाए तो वो आपका जल प्रतिबिंब में समान होगा ठीक है फ्रेंड्स तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स अब हम ये तीनों नोट हो गए और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले ठीक है फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो भूलिएगा नहीं चलिए चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं तीनों चीज़ जो आपको बताना था वो हमने बता दिया है अब हम जो कराने चल रहे हैं उसमें सब लोगों को थो, थोड़ा सा और है एक छोटा सा टॉपिक है छूटा हुआ पद या आप्यूह छूटा हुआ पद या आपव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो एक दो इससे भी कर लेते हैं चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी जिससे जो एक दो टॉपिक बचे जो बहुत बड़े बड़े हैं जैसे आपका क्यूब एंड क्यूबाइड हो गया उसको किसी दिन लेके आऊंगा उसमें एक से दो घंटे लगेंगे जिससे आपका एक ही बार में खत्म हो जाए और कभी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो जिससे गलती भी ना हो आप लोगों से ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं अब हम अब इसमें आपको एक पद में छोड़ दूंगा उसको बताना रहेगा कि वहाँ कौन सा पद आएगा जैसे आपका ये पद छोड़ा गया है ये पद छोड़ दिया गया एक दो तीन पाँच, एक दो तीन पाँच आठ तेरह इक्कीस आठ तेरह इक्कीस आपसे पूछा गया है जो छूटा हुआ पद है इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी तो आप लोग जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसकी जगह क्या आएगी चलिए चलिए बहुत थैंक यू दीपिका जी आप लोगों को लग रहा है लेकिन एनर्जी कम नहीं होगी आप लोग अगर तीन बजे तक बने रहोगे तीन बजे तक ऐसी एनर्जी रहेगी चलिए अब देखिए यहां पे दोस्त यहां पे क्या बोला है देखिए एक में एक जोड़ा दो आया दो एक तीन अब ध्यान से जोड़िएगा देखिए एक दो, दो एक तीन अब देखिए तीन दो पांच पांच और तीन आठ आठ और पांच तेरह तेरह आठ इक्कीस और इक्कीस तेरह आप जोड़ सकते हो इक्कीस तेरह आप जोड़ सकते हो कितना हो जाएगा तीन एक चार और दो एक तीन चौंतीस तो चौंतीस ले सकते हो आप यहाँ पे. ठीक है फ्रेंड्स चौतीस आ जाएगा टारगेट टू लक्ष्य करंट अफेयर की बुक दोस्त आ जाएगी आपके डिस्पैच कर दी जाएगी कल यहां से परसों अगर पास में होगा तो परसों नहीं तो मंगलवार को आपके यहां बिल्कुल पहुंच जाएगी ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे करते जाएंगे तो आ जाएगा आपका आंसर ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं एक दो एक और करा देते हैं इसी में एक और करा देते हैं फ्रेंड्स ठीक है एक और करा देते हैं फिर आगे बढ़ चलेंगे चलिए अब देखिए ये भी वैसे ही बना दिया यहाँ पे दो सौ एक साठ टू जीरो वन सिक्स जीरो फोर फोर एट फोर फोर एट आगे कह रहा है फोर फोर एट ट्वेंटी फोर नाइन्टी सिक्स एट्टी ट्वेंटी फोर नाइन्टी सिक्स एटी और लास्ट जो है फ्रेंड्स वो क्या है आपका वो क्या है एटी नहीं है फोर एटी है फ्रेंड्स फोर एटी और लास्ट जो है आपका वो है टू आपको अब यही बताना है सब लिख देता तो होता ही क्या अब आप बताइए इसकी जगह आंसर क्या होगा चलिए जल्दी से बताइए आनंद वर्मा जी चलिए इस बार बड़ा लिख देंगे अच्छा दिख नहीं रहा चलिए फिर बड़ा ही लिख देते हैं फ्रेंड्स जहां लिख दें यहां दिखेगा ना यहां थोड़ा बड़ा कर देते हैं टू जीरो वन सिक्स जीरो फोर फोर एट ट्वेंटी फोर नाइन्टी सिक्स फोर एट्टी आपसे पूछा है इसकी जगह क्या आएगा ठीक है अब दिख रहा होगा इसको हटा देते हैं चलो फाइव करण सिंह का आंसर आया है फाइव एट एट जीरो और प्राची चौहान का आंसर आया है टू एट एट जीरो चलिए बताइए अब चलिए नहीं अदिति जी आप पेपर दे लीजिए क्योंकि वो ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सो नहीं पाओगे तो एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा एग्जाम आप बाद में ही भी मतलब सॉरी ये क्लास आप बाद में भी कर लेना आप बिल्कुल सो जाइए कल आपका एग्ज़ाम है बिल्कुल मत देखिए कल एग्ज़ाम है अभी आप नहीं सोगे क्योंकि लगभग बारह चालीस हो गए हैं आप सो जाइए आराम से कूल माइंड से जाके कल दीजिएगा बाद में कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग जो कितना कितना आंसर बता रहे हैं जल्दी से बताइए आप सभी लोग देखिए यहाँ पे क्या गया है फ्रेंड्स देखिए फोर का मल्टीप्लाई किया गया है 1 में 4 आया का मल्टीप्लाई किया गया है टू में एट आया फोर का एट का मल्टीप्लाई किया गया है थ्री में ट्वेंटी फोर आया ट्वेंटी फोर का मल्टीप्लाई किया गया है फोर में तो क्या 96 आया नाइनटी सिक्स आया नाइनटी सिक्स का मल्टीप्लाई किया गया है फाइव में चार सौ अस्सी आया चार सौ अस्सी का मल्टीप्लाई किया जाएगा छः में तो छः में मल्टीप्लाई किया जाएगा जरा कीजिए छः का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ज़ीरो आएगा छः क्या जीरो में मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा और 6 का जब आठ में गुणा करोगे तो छः अड़तालीस अड़तालीस की आठ कितना कैरी लगेगा चार कैरी लगेगा उसी तरीके से छः चौक चौबीस चार अट्ठाईस तो टू एट एट जीरो जिसका आंसर है उन सबका सही है बहुत बढ़िया प्राची चौहान रूल फोर एड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभी आप लोग इतनी रात में भी आप लोगों का दिमाग इतना बढ़िया काम कर रहा है बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है अब चलिए हम अब यू वाला करा दिए हैं इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो दोस्त और करा दिया जाएगा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अब जो सेशन चल रहा है ये आपकी ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक होगा लास्ट टॉपिक होगा यहाँ छः से सात क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी लगभग एक बजकर दस या पंद्रह मिनट नहीं तो एक बजे क्लास ओवर हो जाएगी बीस से पच्चीस मिनट और लगेगा वर्क थैंक यू जिया जी, जी आपको भी कंटिन्यू आप भी लगे रहते हो हर क्लास अटेंड करते हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो जल्दी से इसका आंसर बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा आप लोग चलिए जल्दी से बताइए आप लोग आप लोगों का 99 भी आ रहा है 45 और 99 आ रहा है दोनों चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं एक सेकंड लगेगा मान लीजिए अभी पार्टी में केवल चार लोग हैं एक दूसरे से हाथ मिलाने की बात हो रही है मान लो ये पर्सन इनसे हाथ मिलाया एक बार हैंडशेक हुआ फिर ये पर्सन इनसे भी हाथ मिलाया दो बार हैंडशेक हुआ फिर यही पर्सन इनसे भी हैंडशेक किया तीन बार हैंडसेक हुआ अब पहले वाले पर्सन का सबसे हैंडसेक हो गया अब ये बाहर निकल जाएगा अब ये बाहर निकल गया अब अब ये वाला पर्सन अभी इनसे हाथ नहीं मिलाया है और इनसे हाथ नहीं मिलाया है तो तीन दो पाँच और हो जाएगा और ये छः तो यानी जब चार लोग हैं तो मिलाया जा रहा है हाथ अब जैसे दस लोग हैं टोटल कितने लोग हैं एक व्यावसायिक सम्मेलन की समाप्ति पर सभी दस लोग समझाने के लिए था दोस्त आपका सभी दस लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं कुछ नहीं करना है एन एन माइनस वन टू आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एन एन माइनस वन एपॉइन टू एन की वैल्यू यहां दोस्त कितनी है एन की वैल्यू दस है दस दस माइनस वन टू देखिए दस गूढ़े नौ बटे दो तो दो पंचे दस 45 आंसर क्या आ गया दोस्त 45 आंसर आ गया यही इसका आंसर है है ठीक तो कभी भी हैंडसेक की बात आए तो एन एन माइनस वन एब टू लगा दोगे पचास व्यक्ति हैं पचास गुड़े उनचास बटे दो आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी काम हो जाएगा कैसे मान लो एक पार्टी में सौ लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हैंडसेक हुआ तो पचास गुड़े उनचास बटे दो अगर सौ लोग हैं तो सौ गुड़े निन्यानबे बटे दो सत्रह लोग हैं तो आप बता दीजिए सत्रह गुड़े सोलह बटे दो चालीस लोग हैं चालीस गुड़े एक कम कर दीजिए चालीस गुड़े उनतालीस बटे दो बस हो गया आंसर ठीक है बहुत बढ़िया आगे चलते हैं दिल्ली से मेरठ के मध्य कुल दस स्टेशन हैं दिल्ली व मेरठ को शामिल करते हुए यहाँ यात्रियों के लिए कुल कितने प्रकार के टिकट लगाए जाएंगे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इस प्रकार का जब टिकट वाला क्वेश्चन आता है दोस्त तो आप याद रखिएगा तब के लिए फॉर्मूला एन एन माइनस वन होता है यहाँ एपॉन में टू नहीं होता ये आप याद रख लीजिएगा तो यहाँ आंसर क्या होगा दस गुड़े नौ बराबर नब्बे यानी दस मल्टीप्लाई दस माइनस वन इज इक्वल टू दस गुड़े नौ इज इक्वल टू नब्बे आपको पता है दो से डिवाइड क्यों नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपको पता है जो टिकट निकल निकलेगा स्टेशनों के लिए हर एक स्टेशन के लिए निकलेगा यहाँ क्या हो रहा है एक व्यक्ति जब दूसरे से हाथ मिला रहा है तो दूसरा तो जा नहीं रहा है दूसरा तो चला जा रहा है लेकिन यहाँ क्या है टिकट दिल्ली से मेरठ के लिए मान लो मेरठ के बीच में दस हैं तो मान लो पहला जो होगा वहाँ से भी तो दिल्ली के लिए वापस बनेगा तो दो बन जाते हैं इसलिए दो से डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन जब हम हाथ मिलाते हैं तो दो लोग मिलते हैं लेकिन हैंडसे केवल एक बार होता है लेकिन यहां पे क्या है दिल्ली से मेरठ जाओगे मेरठ से दिल्ली के लिए भी तो टिकट होगा एक जाने के लिए भी एक आने के लिए ऐसे सबके लिए होगा तो इस इसी वजह से दो से डिवाइड नहीं किया जाता है इसमें तो एन माइनस एन एन माइनस वन ही होगा आंसर क्या जाएगा दोस्त नब्बे ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं एक परीक्षा में प्रश्न के सही उत्तर पर चार अंक दिए जाते हैं और गलत होने पर एक अंक काटा जाता है एक विद्यार्थी ने कुल साठ प्रश्नों के उत्तर दिए इस इसे कुल 130 अंक मिलते हैं तो विद्यार्थी ने कुल कितने सही उत्तर दिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए चलिए जल्दी से बताइए फ्रेंड्स <coughs> 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 इंडिया जी उसमें कुछ नहीं था उसमें ए हाय मोटू वी वाई इसमें ऐसे शब्द हैं जो दर्पण प्रतिबिंब में समान होते हैं दर्पण प्रतिबिंब में उनका वही प्रतिबिंब बनता है चलिए इसको बताते हैं हम चलिए इस क्वेश्चन को, को बताते हैं हम आगे ले लेते हैं एक परीक्षा में प्रश्न के सही उत्तर पर चार अंक दिए जाते हैं और गलत होने पर एक अंक काटा जाता है एक विद्यार्थी ने कुल साठ प्रश्नों के उत्तर दिए इस कुल इसमें उसे कुल 130 अंक मिलते हैं तो विद्यार्थी ने कुल कितने सही उत्तर दिए आप सपोज करो इसने सभी के सभी सही क्वेश्चन दे दिए सभी के सभी आंसर सही दिए हैं तो छः चहुक अगर सभी सही आंसर दिए होते हमने माना कि 60 प्रश्न का उत्तर दिया सब सही दिया अगर सब सही दिया होता फ्रेंड्स सब सही अगर इन्होंने दिया होता तो माना सभी क्वेश्चन सही आंसर दिया माना सही आंसर दिया तो इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए चार अंक मिल रहे हैं तो साठ क्वेश्चन है चार से मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा लेकिन एक्चुअल में उसे मिल कितना रहा है दोस्त एक्चुअल में उसे केवल केवल 160 अंक प्राप्त हो रहे हैं 160 अंक प्राप्त हो रहे हैं इसका मतलब उसे कम अंक कितना मिला है जीरो 80 अंक कम मिला है 80 अंक कम मिला है कम मिला है ये 80 अंक कम क्यों मिला होगा क्योंकि उसने क्वेश्चन गलत किया होगा इसका मतलब ये हुआ एक क्वेश्चन गलत करने के लिए एक नंबर काटा जा रहा है और एक सही करने के लिए तीन क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको नुकसान कितने अंकों का हो रहा है तीन सही होते तीन एक सही होता तो तीन अंक मिलते एक गलत हो जा रहा है तो एक काट भी लिया जा रहा है तो एक क्वेश्चन गलत होने पर चार अंक का नुकसान हो रहा है इसलिए अस्सी को भाग देंगे चार से तो कितना आएगा दोस्त बीस आएगा बीस चौकसी तो इसका मतलब बीस गलत हो जाएंगे उसके दोस्त सही प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी साठ सही प्रश्नों की संख्या बीस गलत हो गए हैं उसके सही प्रश्नों की संख्या सही उत्तर की संख्या क्या होगी सही उत्तर की संख्या साठ और गलत कितना किया है बीस अब आप जोड़ लीजिएगा सही आ जाएगा माइनस मार्किंग करके ठीक है अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स ये वाला पेज हम हटा देते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त चलिए। आगे आगे देखिए यहां पे एक व्यक्ति दो रंग के मोजे पहनता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप जितने लोग जुड़े हो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए चलिए एक व्यक्ति दो रंग के मोजे पहनता है काले और भूरे रंग के बीस बीस मोजे हैं मान लीजिए वह अंधेरे में मोजे निकाल रहा है तब वह कितने मोजे निकाले ताकि एक ही रंग के अवश्य निकले <laughs> चलिए बताइए अच्छा यहां पे टोटल साठ सही किया था फ्रेंड्स यहां पे चालीस आ जाएगा टोटल साठ सही किया था ना टोटल साठ सही किया था तो चालीस होगा हो बीस गलत होगा चालीस सही होगा ना अच्छा क्वेश्चन हमने और देख लिया फ्रेंड्स और सॉल्यूशन मैंने किसी और का बताया क्वेश्चन हमने कोई और देखा इसका क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन दिया गया है हमने क्वेश्चन बाद में दूसरा से पढ़ लिया उसके अनुसार आंसर दिया यहां पे क्वेश्चन क्या है एक परीक्षा में प्रश्न के एक परीक्षा में प्रश्न के चार अंक दिए जाते हैं गलत होने के लिए एक अंक साठ प्रश्न टोटल हैं तो यहां पे आपको पता है जब साठ साठ प्रश्न है और एक अंक के लिए चार अंक दिए जा रहे हैं तो यहां पर पूरे सही करता तो पूरे सही करता पूरे सही करता तो कितना अंक मिलता साठ क्वेश्चन थे चार अंक एक मार्क्स का था तो दो सौ चालीस मिलते आगे देखिए क्या कह रहा है और गलत होने पर एक अंक काटा जाता है एक विद्यार्थी ने कुल साठ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो अब एक गलत के लिए एक गलत के लिए फ्रेंड्स एक गलत के लिए नुकसान कितने का होगा सही सब करता तो 240 मिलता एक गलत हो गया तो पॉजिटिव वाला जो चार नंबर मिलता था वो तो नुकसान हुआ ही हुआ, हुआ प्लस एक नंबर पाए वाले में से खत्म हो गया तो इसका मतलब नुकसान कितना हुआ पांच नंबर का नुकसान हुआ पांच नंबर का पांच नंबर का नुकसान हुआ नंबर का नुकसान हुआ ठीक है फ्रेंड्स जब पांच नंबर का नुकसान हुआ और ये नंबर कितना पाया है 130 ही अंक पाया है तो 240 में 240 सो माइनस एक करोगे तो कितना आएगा दोस्त एक सौ दस यहां पर एक सौ दस आया इसका क्या मतलब हुआ एक सौ दस अंक कम पाया है एक सौ दस अंक कम क्यों पाया है क्योंकि उसने गलतियां की होंगी तो एक नंबर के लिए पांच एक क्वेश्चन के लिए पांच नंबर नुकसान हो रहा है टोटल तो यहां पर एक सौ दस बटे पांच तो पांच आपका एक नंबर पांच सॉरी पांच दूनी दस एक आया पांच दूनी दस इसका मतलब यह हुआ बाईस क्वेश्चन गलत हैं उसके बाईस क्वेश्चन गलत हैं बाईस क्वेश्चन गलत हैं टोटल साठ क्वेश्चन थे साठ टोटल, <coughs> टोटल थे साठ में बाईस खत्म करोगे तो कितने आ जाएंगे दोस्त थर्टी एट आंसर आ जाएंगे मैंने दूसरा क्वेश्चन का आंसर पढ़ लिया और उस हिसाब से आंसर दे दिया था ठीक है तो आप याद रखिएगा बाईस गलत होंगे और 38 सही होंगे चलिए आगे चलते हैं अब मोजे वाला देखिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे एक व्यक्ति दो रंग के मोजे पहनता है दो रंग के मोजे पहनता है काले और भूरे याद रखिएगा काले और भूरे रंग के बीस बीस मोजे हैं मान लीजिए वह अंधेरे में मोजे निकाल रहा है तब वह कितने मोजे निकाले ताकि एक ही रंग के अवश्य निकले तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका आंसर आप लोग बताइए कितना होगा मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था दोस्त एक सौ साठ वाला वो अलग था चलिए चलिए अब इसको बताते हैं आप सोचिए यहां पर मोजे हैं काले और भूरे रंग के बीस बीस मोजे हैं इसका मतलब दस दस जोड़ी मोजे हैं बीस बीस मोजे हैं तो दस दस जोड़ी हैं आंख बंद करके मान लो हम पहला मोजा निकालें और वो निकल गया काला अब हम आंख बंद करके दूसरा मोजा निकालें वो निकल गया भूरा तो तीसरी बार चाहे काला आएगा चाहे भूरा आएगा हमें तो एक ही कलर के दो मोजे मिल जाएंगे ना तो अधिकतम यहां पे बोला है कि मोजे निकाले तब वह कितने मोजे निकाले ताकि एक ही रंग के निकले अधिकतम तीन मोजे निकालेगा उसके पास काम आ जाएगा अधिकतम तीन क्यों क्योंकि पहला निकाला उसके पास मान लो निकल गया काला दूसरी बार निकल, निकाला उसके पास निकल गया भूरा अब तीसरी बार जब निकालेगा तो चाहे काला आएगा चाहे भूरा आएगा उसके लिए दोनों एक कलर के मिल जाएंगे जो कह रहा है कितने मोजे निकाले ताकि एक ही रंग के अवश्य निकले तो तीन तीन मोजे याद रख लीजिएगा यही इसका आंसर है ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं अब हम एक थैले में चार हरी पांच पीली छे लाल गेदे हैं एक लड़का कितनी गेंद निकाले ताकि प्रत्येक रंग की एक गेंद अवश्य निकले मतलब एकदम कंफर्म वो चीज होनी चाहिए चलिए अब देखिए यहां पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो सबसे ज्यादा है उसको निकलवा दीजिए उसके बाद जो सबसे ज्यादा है उसको भी निकलवा दीजिए अब जो आएगा वो पहले नंबर पे ही आ जाएगा ताकि प्रत्येक रंग की एक गेंद अवश्य निकले तो छह पांच ग्यारह एक बारह किसी भी परिस्थिति में बारह बार से अधिक नहीं जाना पड़ेगा बारहवीं बार उसे तीनों रंग की गेंद मिल जाएगी तीनों रंग की गेंद मिल जाएगी ठीक है तीनों रंग की गेंद मिल जाएगी ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को याद रखिए कि मैक्सिमम मैक्सिमम वन प्लस मैक्सिमम टू प्लस लास्ट वाला पहला ठीक है फ्रेंड्स तो इसके लिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसके लिए मैक्सिमम वन प्लस मैक्सिमम टू प्लस वन फॉर्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा कैसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्या है छ है पांच है और लास्ट में एक जोड़ दोगे अगर इसी में और कोई होता तो लास्ट वाला छोड़ के जितने मैक्सिमम वन मैक्सिमम टू मैक्सिमम थ्री अगर पांच गेंदे हैं तो चार बार लिख के प्लस वन करोगे छह गेंदे मतलब छह प्रकार की गेंदे होंगी तो पांच बार लिख के प्लस वन करोगे ऐसे करते जाओगे कोई बात नहीं पुनीत जी अब ज्यादा नहीं बचा है थोड़ा सा और बचा है थोड़ा सा और बचा है हो जाएगा एक चिड़िया घर में कुछ हिरण और कुछ मोर हैं यदि सिरों को गिना जाए तो उनकी संख्या अस्सी है और पैरों की संख्या को गिना जाए तो दो सौ है तो उसमें हिरण की संख्या कितनी होगी आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हिरणों की संख्या बताना है आप लोग बताइए चलिए एक चिड़िया घर में कुछ हिरन एक चिड़िया घर में कुछ हिरन और मोर हैं। यदि सिरों को गिना जाए तो उनकी संख्या अस्सी है पैरों को गिना जाए तो दो सौ है नहीं नहीं ये रीजनिंग के ही रीजनिंग में ही आ जाएंगे फ्रेंड्स ये मैथ नहीं चल रहा है <laughs> चलिए यहाँ पे दोनों तरीके से हम लगा सकते हैं यहाँ पे जैसे आपको कहा है कि टोटल कितने पैर हैं टोटल गिना जाए तो दस पैर हैं लेकिन उनकी जो संख्या है अस्सी है देखिए एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन हैं और मोर हैं यदि सिरों को गिना जाए तो उनकी संख्या 80 है और पैरों को गिना जाए तो उनकी संख्या 200 है अगर हम मान लेते हैं सभी के सभी सभी के सभी मोर हैं जिसके दो पैर हैं तो दो पैर हैं तो इसका मतलब टोटल पैर कितने होने चाहिए 160 होने चाहिए 160 होने चाहिए लेकिन हैं कितने 200 हैं, तो ज्यादा कितने हैं ज्यादा कितने हैं ज्यादा कितने हैं ज्यादा पैर 40 हैं, 40 हैं, तो इसका मतलब 40 जो पैर एक्स्ट्रा आए वो किसके आए होंगे जो हिरण के दो एक्स्ट्रा हो गए हैं तो दो से जब भाग दोगे दो से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त बीस इसका मतलब उस बाड़े में उस चिड़ियाघर में बीस हिरन हैं और आपके बीस हिरन हैं और साठ मोर हैं अब देखिए बीस हिरन साठ मोर से निकाल लीजिए बीस हिरन बीस से अस्सी पैर और साठ मोर साठ दुनी एक सौ बीस तो देखिए फुलफिल भी हो रहा है दो सौ आ भी गए फुलफिल भी इसको कर सकते हो ठीक है बहुत बढ़िया बीस डियर चालीस पीकॉक चलिए आगे चलते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है शायद एक और बचा है हाँ एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है यह क्वेश्चन आपको लोग कुछ नहीं है एक बंदर एक घंटे में तीस फीट चढ़ जाता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं दिमाग आप लोग लगाइएगा एक बंदर एक घंटे में तीस फीट चढ़ जाता है लेकिन अगले ही पल दस फीट नीचे फिसल जाता है एक खंभा जिसकी ऊंचाई एक फीट है ठीक है एक बंदर सुबह आठ बजे चढ़ता है चढ़ना प्रारंभ करता है इसके शीर्ष को पहली बार कब टच करेगा तो आप ध्यान से देखिए, पहले मिनट वो चढ़ा उसके बाद अगली बार वो दस उतर गया यानी हर दो मिनट में वो बीस चढ़ रहा है तो इस तरीके से पहली बार वो कब टच करेगा इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं और आप लोग इसको करके हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर आपका पांच घंटे बाद आएगा यानी आठ पांच तेरह एक बजे ठीक अब आप लोग बताइएगा अब आप सभी लोग क्रिकेट खेलते हो लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए इसका आंसर चलिए अब इसका आंसर बताइए मैं यहां पे दो से तीन मिनट रुकूंगा आप सबके लिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हाँ इसीलिए इसीलिए लगवाया गया है फ्रेंड्स इसीलिए ब्लैक लगवा दिया गया है क्योंकि आप लोग बार बार क्लास में बोलते थे ना सर व्हाइट से बहुत आंखों पर रोशनी पड़ रही है और दिक्कत भी हो रहा है <laughs> <laughs> इसका आंसर बताइए क्या होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आंसर बताइए इसका क्या होगा देखता हूँ इसका आप जितने लोग जुड़े हो लगभग 200 लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसका आंसर दोस्त आप लोग बताइए कितना आंसर होगा इसका ठीक है ठीक है शिवानी यादव अब हर क्लास में ब्लैक ही रहेगा रूल नंबर 24 1800 बताए हैं रूल नंबर 24 आपने 1800 कैसे बता दिया हर गेंद पे छक्का मारोगे तो एक बैट्समैन द्वारा कहाँ हो पाएगा लास्ट गेंद पे छक्का मारेगा तो वो अगली बार स्ट्राइक पे वो तो नॉन स्ट्राइक पे हो जाएगा जबकि क्वेश्चन पूछा गया है एक बल्लेबाज एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अधिकतम पूछा है अधिकतम कितने रन बना सकता है एक बल्लेबाज की बात किया है दो नहीं अब ध्यान से समझिएगा सबसे पहले हम एक ओवर का निकालते हैं हम मानते हैं कि पांच गेंद पर छक्का मारा तीस रन बनाया और लास्ट गेंद पर तीन रन लिया लास्ट गेंद पर तीन रन लेगा तभी तो वो स्ट्राइक पाएगा जैसे मैं पहला ओवर खेल रहा हूं लगातार पहली गेंद से लेकर पांच गेंद पर लगातार पांच छक्के मारा और लास्ट गेंद पर तीन रन ले लिया फिर मेरे पास स्ट्राइक ऐसे वो हर बार करेगा हर बार करेगा तो इसका मतलब एक ओवर में कितना रन ले रहा है पांच तीन तैतीस एक ओवर में तैतीस रन ले रहा है ऐसे वो कब तक करेगा उनचास ओवर तक करेगा पचासवें में क्यों नहीं करेगा मैं अभी बताता हूं उनचास ओवर तक करेगा तो इसका मतलब उनचास गुड़े तैतीस हर ओवर में तैंतीस रन आएगा एक दिवसीय जो मैच होता है उसमें पचास ओवर होते हैं पचास ओवर हम पूरा नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे अभी बताऊंगा अब यहां पर उनचास गुड़े तैंतीस करो <coughs> तीन से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले फिर ग्यारह से कर लेंगे तीन से करो तीन नवा सत्ताईस दो तीन चौक बारह बारह दो चौदह एक सौ सैंतालीस हुआ अब ग्यारह से जब मल्टीप्लाई इसका करेंगे ग्यारह से मल्टीप्लाई करेंगे तो सात आएगा सात चार ग्यारह की एक हासिल लगा एक चार एक पाँच एक छः एक सोलह सो सत्रह आ गया अब जब लास्ट ओवर होगा अब मुझे स्ट्राइक तो चाहिए ही नहीं लास्ट ओवर की लास्ट गेंद पे तो लास्ट ओवर वाले मैच में लास्ट ओवर वाला छह गेंद पे मैं छक्के मारूंगा क्योंकि अब स्ट्राइक की कोई बात ही नहीं है कि हमें फिर अगले ओवर में स्ट्राइक लेना है तो लास्ट ओवर में छह गेंद पर छक्के मारेगा तो लास्ट ओवर में छत्तीस रन जुड़ेगा तो सोलह सो प्लस छत्तीस ये लास्ट ओवर का है लास्ट ओवर छह छक्के मारेगा तो अब जोड़ लीजिए सात छः तेरह की तीन हासिल लगे एक और तीन एक चार चार एक पाँच और सोलह सो टोटल जो रन बनेगा दोस्त वो कितना बनेगा सोलह सो तिरपन सोलह सो तिरपन रन एक 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 दिवसीय मैच में यानी पचास ओवर के मैच में अकेले एक बैट्समैन कितना टोटल रन बना सकता है सोलह सो तिरपन सोल नहीं सोलह सो सत्रह नहीं सोलह सो तिरपन बहुत बढ़िया रूल नंबर ट्वेंटी फोर ने बताया है सोलह सो तिरपन बिल्कुल जो मैच खेलते होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा मैच में वो बता देंगे जिनका मैच में इंटरेस्ट होगा वो बता देंगे सोलह सो तिरपन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब लोगों का आप सही आ रहा है ऐसे क्वेश्चन दोस्त कभी कभी पूछ लेता है हाँ हो गया खत्म स्लाइड नहीं बची दोस्त खत्म हो गया ये लास्ट था और आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अभी कुछ बच्चे कह रहे थे जैसे होता है कथन कारण कथन निष्कर्ष कथन पूर्व धारणा कथन तर्क तो ये सारे चीजें आपको तीन से चार घंटा दोस्त लगती है बहुत टाइम लगता है समझाने में आपको समझ में आए ये बहुत बड़ी बात होती है पहली और दो टॉपिक मैंने छोड़ रखा है एक क्यूब एंड क्यूबाइड यानी घन और घनाभ और दूसरा सिलोजिज्म ये दो चैप्टर होते हैं दोनों कम से कम एक एक घंटे नहीं तो डेढ़ डेढ़ घंटे लेंगे किसी दिन जब आपको मन होगा किसी दिन करवा देंगे वो भी ठीक है तो चलिए आज आप लोग जितने भी लोग बने हुए हो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मैं एक बार नाम भी ले लेता हूँ जो अभी इतनी रात तक आप हमारे साथ कंटिन्यू लगे हुए हो तुक्का गैंग नाइन अनामिका सिंह रितु मिश्रा प्राची मोनिका पिंकी दीपिका शर्मा और समा मुमताज निशा सागर कंचन सोनल और रूल नंबर ट्वेंटी फोर रिंकी यादव हुकुम सिंह ललिता दीपिका आनंद पिल्ला जी अनुष्का शिवानी सिंह जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतने कंटिन्यू आप क्लास में रहे एक हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप कंटिन्यू बने रहे विमलेश वर्मा सोनल मीनू रंजीत सोनू मोनिका ललिता जिया कंचन श्रद्धा चौरसिया सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का एस डी एम शिवानी सिंह थैंक यू क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी बस एक बार आप लोग और देख लीजिएगा काम हो जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है इतना अगर आप लोगों ने कंठस्थ कर लिया माइंड में इतनी चीजें आप लोगों ने बैठा ली तो आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो गलत नहीं होगा अब आपके जो दो बच्चे हुए हैं मेन मेन एक आपका क्यूब एंड क्यूबाइड और दूसरा आपका जो बचा हुआ है सिलोजिज्म बस बाकी हो चुके हैं लगभग हाँ ब्लड रिलेशन नहीं है और एक ब्लड रिलेशन है गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अब तो मॉर्निंग ही हो गया है 12 बजे के बाद हो गए हैं चलिए फ्रेंड्स आप सभी लोग भी अब बहुत मेहनत किए हैं आराम से ठंड है बच के रहिएगा अच्छे से रहिएगा क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप लोगों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए स्वस्थ रहो मस्त रहो ठीक है और आप लोग ठंडी से बच के रहो क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि नेट नहीं चल रहा है हम छत पे जाके क्लास करें नहीं और आप लोग अगर चाहेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो मंडे को चार बजे से हम यही मतलब रीजनिंग की जो दो पार्ट बचा हुआ है रीजनिंग का ये दो पार्ट दो से तीन पार्ट जो बचा हुआ है वो करवा देंगे दो बजे से चार बजे या दो बजे से छह बजे तक जितने भी होगा अगर आप लोग कहोगा जब कल राकेश सर लेंगे तो उसमें आप लोग जरूर बता दीजिएगा जितने लोग जुड़े हुए हो कल भी आप बता दोगे तो मंडे को मैं रीजनिंग ही वो करवा दूंगा एक क्यूब एंड क्यूबाइड एक आपका ये सिलोजिज्म और तीसरा आपका ब्लड रिलेशन ये तीन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको अगर आप लोग कहोगे तो मंडे को करवा दिया जाएगा दो बजे से या चार बजे से ठीक है चलिए सबको पिल्ला जी अतुल राम राम सबको बहुत अच्छा सबको बस बच के रहना और कोई ऐसा मत करना कि छत पे जाके आप मोबाइल देख रहे हो और आप लोग बीमार हो गए ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स आज क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी को थैंक यू जितने लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी मनोकामना है मेरी इच्छा है आप सभी लोग जितने लोग हैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन लो और बहुत जल्दी ही आप हमारे साथ आओ ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं धन्यवाद